रुक जाओ एक बार, नमस्कार। सीएलसी सीकर के डिजिटल प्लेटफॉर्म लाइव में मैं आपका स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं इंजीनियर साहिल चौधरी सर, सीईओ सीएलसी। नीट 2021 का जो पेपर अभी हुआ है उसका कंप्लीट एनालिसिस आज के इस लाइव सेशन में हम करेंगे। हमारा मोटिव है पूरी एक्यूरेसी के साथ आप तक कंटेंट पहुंचाया जाए। साहिल सर, आज का लाइव, आज नीट 2021 की एग्जाम हुई है, नए पैटर्न पे पेपर हुआ है और आज आप बॉस को मिस कर रहे हैं। बहुत सारे तनोट में हैं बच्चों की, वहाँ से विशेष मांगें जो बच्चों ने मेहनत की है उसके अकॉर्डिंग का पेपर हो। तो आज अभी हम सिर्फ पेपर का डिस्कशन करेंगे, किस क्वेश्चन की क्या आंसर है वो डिटेल सॉल्यूशन बाद में आएगा। अभी आपके जो 200 क्वेश्चन जो आए हैं उनका सिर्फ आंसर बताएंगे, क्योंकि बच्चों को सिर्फ अभी आंसर जानना है, सिर्फ मेरा क्वेश्चन सही या गलत है। तो अभी अपन बोटनी का सॉल्यूशन शुरू करेंगे, उसके बाद में सिक्वेंसली जूलॉजी का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। और डिटेल्स पेपर का जो लेवल लास्ट चीज थोड़ा सा लेंदी है पेपर, डेफिनेटली लेंदी है। और जो अपने पेपर दंगल के थे एज इट इज, 99 मतलब 200 में से 199 सवाल उसके अंदर से ही आए हैं। हमारा स्टडी मटेरियल है, हमारे नोट्स हैं, हमारे हमारे टीचर्स के बनाए हुए दंगल के पेपर हों, चाहे डीसिंग के पेपर हो, चाहे बायोकेम डीटीएस हो, चाहे बोस ने कराई बिल्कुल जिद करके जो कराई इको फिजिक्स हो, वो पेपर एज इट इज आए हैं। बच्चों से लड़ झगड़ के रातों रात जो अपने प्रीवियस पेपर कराए हैं, मतलब रातों रात टीचर्स ने आके उन बच्चों के वो जो पेपर कराए उसमें से पेपर एज इट इज कम से कम 20 सवाल प्रीवियस पेपर से मेरे को सर ने बताया एज इट इज सवाल उठ के आए हैं। तो एग्जाम में देखा हुआ सवाल आता है तो बच्चे का बूस्टअप भोजा बढ़ता है, डेफिनेटली उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। जो जितनी स्ट्रेटजीज थी, जितना फ्रेम था, जितना फ्रेमवर्क किया गया एग्जाम को लेके, जितने कॉन्शियस हम लोग थे, बोस की जितनी प्लानिंग थी, जितना इंप्लीमेंटेशन था, सारा आज के पेपर में रिफ्लेक्ट होता है। डेफिनेटली कैसे बच्चों के लिए जी जान से जुटा जाता है ये आज का पेपर तय कर रहा है। सीएलसी ने अपना काम बेस्ट किया और फिर अब हम सॉल्यूशन के साथ, अब एक जो बच्चे या तो अपने सेंटर से बाहर निकल चुके हैं, कभी कहीं ट्रेवल कर रहे हैं या जयपुर से निकल रहे हैं, जिस सिटीज में आपका सेंटर था, अब एक बार लाइव कहीं रोक के तसल्ली से बैठ के अपने आंसर की को मैच कर लीजिए। उसके बाद में नंबर जैसे जुड़ते जाएंगे, बोस की व्हाट्सएप नंबर आपके पास है, आप बोस के नंबर पर आपको आप नंबर सेंड करते जाएंगे। ये 2 घंटे का लाइव रहेगा, बीच में पहले बॉटनी का, फिर जूलॉजी का, फिर फिजिक्स का, फिर केमिस्ट्री का। इस सिक्वेंस में आपकी आंसर की आपको बताई जाएगी क्या आंसर है। हमारा पेपर सॉल्यूशन रहेगा N1, जो कोड N1 आया है उसके सीक्वेंस में हम लोग पेपर सोल्व करेंगे। पहला बोटनी का है, शुभ अंक 101 से शुरू करेंगे। मेरे को लगता है पीपीटी आ गई अपने पास जी। तो देखिए 101 से हम शुरू कर रहे हैं, बॉटनी का पेपर सबसे पहले आपके सामने खुल रहा है और जो 200 क्वेश्चन है उनका एक ब्रीफ डिस्कशन, ब्रीफ सॉल्यूशन आपको टीम सीएलसी भी प्रोवाइड करवा रही है। हमने जैसे कहा एक्यूरेसी हमारा सबसे पहला मोटिव है और पूरी एक्यूरेसी और कॉन्सेप्ट्स के साथ आप तक हम ये कंटेंट डिलीवर करेंगे और हम लोग ट्राई करेंगे कि सब लोग, पूरा स्टाफ, क्योंकि सब लोग एक्साइटेड हैं, सब लोगों ने पूरी एक साल मेहनत की है, क्या सवाल पेपर में आए, तो सब लोग थोड़ा थोड़ा 5-5-10 सवाल जो आपके सामने जो आंसर टिक लगाएंगे वो आएगा। ये पहला सवाल बोटनी का है, पार्ट महेंद्र सर का है। सर आप कंटिन्यू करें जी। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं शुरू कर रहा हूँ, सो स्टूडेंट्स जुड़िए मेरे साथ। क्वेश्चन नंबर 101, The equation of GPP minus R is equals to NPP. R represents ecology से क्वेश्चन पूछा गया और इसमें R का वैल्यू आपसे पूछा है। R क्या है? R आप जानते हैं रेस्पायरेटरी लॉस या रेस्पायरेटरी यूज स्टूडेंट्स कह सकते हैं। पहला रिडक्शन फैक्टर है, नहीं होगा। एनवायरमेंटल फैक्टर नहीं होगा। रेस्पायरेशन लॉसेज डेफिनेटली करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स, थर्ड होगा। नेक्स्ट सर एक बार ना, सर बच्चे सबके कोड अलग अलग है ना, तो बच्चों का हाँ, क्वेश्चन देख ले दो, कुछ सेकंड्स का टाइम इसमें दे देते हैं हम। बच्चों GPP माइनस R इज इक्वल्स टू NPP का जो क्वेश्चन है उसका परफेक्ट आंसर आपके पास है रेस्पिरेटरी लॉसेज। आंसर जो कोड मेरे पास है उसका होगा थर्ड, रेस्पिरेटरी लॉस, आप इसका करेक्ट आंसर रखें। नेक्स्ट 102, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स इज मोनोसियस, आपसे पूछा है मोनोसियस, बहुत बार क्लियर आपको बताया गया मोनो एक में दोनों, बहुत सेक्स ऑर्गन्स आर प्रेजेंट इन ए प्लांट, उभयलिंगाश्री क्या है। देखिए कारा सबसे पहला ऑप्शन आपको दिया गया, आप ये जानते हैं एक अकेला एल्गी है जिसमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स जो हैं वो मल्टीसेलुलर एक ही ब्रांच में प्रेजेंट होते हैं, डेफिनेटली कारा स्टूडेंट्स ये आंसर हो जाएगा। इसके अलावा मार्केंसिया साइकस कार्सिया जो आपको दिया है ये डायसियस कंडीशन के हैं, सो करेक्ट आंसर आपका होगा कारा। नेक्स्ट वन 103, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप इन पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन स्टूडेंट्स बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन है,
और आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इस बार पीसीआर पे काफी फोकस किया गया, 3 से 4 क्वेश्चन पेपर में है, यहाँ सीक्वेंस स्टूडेंट्स से इसमें पूछी गई है पीसीआर की, तो आप कह सकते हैं डीनेचुरेशन, इसके अलावा एनेलिंग और एक्सटेंशन एक सीक्वेंस होता है, बहुत कॉमन रेफरेंस का क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर आपका इसमें हो जाएगा 4। सबसे पहले डीनेचुरेशन किया जाता है, एनेलिंग की जाती है और उसके बाद एक्सटेंशन किया जाता है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन का सीक्वेंस स्टूडेंट्स आपके सामने है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 104, इसमें कॉलम मैच आपसे स्टूडेंट्स करवाया गया है, सूची फर्स्ट को सेकंड के साथ आपको सुमेलित करना है। देखिए लेंटिकल्स आपको दे रखे हैं, आप जानते हैं गैसेस एक्सचेंज के लिए लेंटिकल्स स्टूडेंट्स होते हैं। उसके बाद कॉर्क कैम्बियम आपको दे रखा है जो सुबेरिनाइज्ड होती हैं, सुबेरिन का डिपोजिशन हो जाता है। सेकेंडरी कॉर्टेक्स स्टूडेंट्स आपको दे रखा है जिसको आप कह सकते हैं ये फेलोडर्म है, और कोर्क इसके बाद में आपको दे रखा है जो फेलोजन है। तो इस तरीके से ये जो ऑप्शंस मैंने बोले कॉलम अगर हम मैच करें तो आपको देखने को मिलेगा फर्स्ट जो लेंटिकल्स हैं गैसेस एक्सचेंज, थर्ड ए में थर्ड, और आप अगर देख रहे हैं तो ऑप्शंस की फ्रेमिंग इस बार के क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से की गई है कि आपको अगर एक भी पता है तो आप परफेक्ट आंसर तक पहुंच सकते हैं। सो स्टूडेंट्स करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट जो N1 कोड में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 105, डायडेल्फस स्टामेंस आर फाउंड इन द्विसंगी पुंकेसर किसमें पाया जाता है, तो आप अच्छे से जानते हैं 9+1 का कॉम्बिनेशन हम पढ़ते हैं स्टूडेंट, सीट्रस आंसर नहीं होगा, पी फेबेसी का रेफरेंस आपको दे रखा है, 9+1 परफेक्ट आंसर है, चाइना रोज सीट्रस दे रखा है, चाइना रोज दे रखा है, ऑब्वियस है आपका करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सेकंड। ये 5 क्वेश्चंस मैंने बॉटनी डिस्कस किए, बाबूलाल सर आपसे मुखातिब होंगे क्वेश्चन नंबर 106 से 110, कंटिन्यू करें सर आप। देखिए स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 106, द प्लांट हार्मोन यूज टू डिस्ट्रॉय वीड इन ए फील्ड इज, एक खेत में घास पात को समाप्त करने के लिए, तो आप अच्छे से जानते हैं कि 2,4-D इसका आंसर होगा, क्योंकि खरपतवार नाशी वीड साइड्स के रूप में क्या यूज होता है आपके सामने, 2,4-D, और ये एक सिंथेटिक ऑक्सीजन है। क्लियर, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 107, DNA स्ट्रैंड ऑन ए जेल स्टैंड विद इथेडियम ब्रोमाइड व्हेन व्यूड अंडर यूवी रेडिएशन अपीयर एज, तो आप समझ सकते हैं कि ब्राइट ऑरेंज बैंड, चमकीली नारंगी पट्टियां जो आपको दिखाई देंगी, तो आंसर आपका फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 108, द टर्म यूज्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर ऑफ वन प्लांट टू स्टिग्मा ऑफ ए डिफरेंट प्लांट विच ड्यूरिंग द पोलिनेशन ब्रिंग जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पोलन ग्रेन टू स्टिग्मा इज, एक पादप के प्राको से प्राकण एक भिन्न पादप के वर्तिकाग्र स्थानांतरण के लिए कौन सा शब्द प्रयुक्त होगा जिसमें परागण दौरान वर्तिकाग्र पर आनुवांशिक रूप से भिन्न प्रकार के परागण लाए जा सकते हैं। यहाँ जेनेटिकली डिफर पोलन ग्रेन के लिए बोला है, आप समझ सकते हैं कि अगर सिंगल फ्लोर प्रोसेस हो, ये थोड़ा सा क्वेश्चन है, तो ये सिंगल फ्लोर प्रोसेस हो तो ऑटोगेमी है, 2 फ्लोर बट सेम प्लांट हो तो जिटोनोगेमी है, और 2 प्लांट सेम स्पीसीज बट डिफरेंट फ्लोर हो तो आपका जीनोगेमी है। सीधा आंसर आपका क्या है, 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 109, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियोसिस इन्वॉल्व डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, निम्नलिखित में से अर्धसूत्री विभाजन की किस अवस्था में गुणसूत्र बिंदु का विभाजन होता है, यहाँ आपके लिए ऑप्शन ही ऐसा बनाया गया है कि सेंट्रोमियर डिवीजन कहाँ हो सकता है, तो एनाफेज सेकंड, क्योंकि मेटाफेज सेकंड में ऐसा कुछ पॉसिबल ही नहीं है, टीलोफेज सेकंड में पॉसिबल ही नहीं है, मेटाफेज फर्स्ट में पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि जनरली मियोसिस के अंदर होमोलोगस पेयर का सेपरेशन एनाफेज फर्स्ट में होता है और सेंट्रोमियर डिवीजन एनाफेज सेकंड में आपका होता है, तो आंसर आपका सेकंड हो गया। नेक्स्ट देखिएगा क्वेश्चन नंबर 110, व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड द मिडिल ऑफ द 2 equal arm ऑफ क्रोमोजोम, द क्रोमोजोम इज रेफर्ड एज, तो आप समझ सकते हैं कि एट मीडियन, अगर सेंट्रोमियर मीडियन पे हो, इक्वल आर्म हो, तो सीधी बात आपकी होगी मेटासेंट्रिक, तो आप समझ सकते हैं कि आंसर आपका हो गया 4। नेक्स्ट सुनील सर आपके सामने आएंगे जूलॉजी का जो क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग, क्वेश्चन नंबर 111, इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन इन नेचर विच मैकेनिज्म कॉम्पेटिंग स्पीसीज माइट हैव इवॉल्व फॉर देयर सर्वाइवल, प्रकृति में अंतर जातीय प्रतिस्पर्धा के बावजूद प्रतिस्पर्धा करने वाली जातियों ने अपनी उत्तरजीविता के लिए कौन सी विधि का विकास किया, तो आप समझ सकते हैं कि जब लिमिटिंग रिसोर्सेज हो और दो निकट संबंधी जातियाँ हो तो वहाँ कॉम्पिटिशन हो रहा है। अब आप समझ सकते हैं कि प्रकृति में नेचर में ऐसा कभी नहीं होता है किसी एक स्पीसी से दूसरा एक्सटिंक्ट हो, विलुप्त हो, तो वहाँ आपका आंसर क्या हो जाएगा, रिसोर्स पार्टनरशिप, आंसर क्या हो गया, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 112, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो है जेनेटिक्स से पूछा गया है और बहुत ही सिंपल अप्रोच को लेकर ये क्वेश्चन आपके सामने आया है। क्या पूछा है कि गैमेट को रखा जाता है और उससे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट की जाती है, प्रोजेनी का जीनोटाइप किस प्रकार का रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ गैमेट बाय द पेरेंट्स, फॉर्मेशन ऑफ जायगोट, द F1 एंड F2 प्लांट कैन बी अंडरस्टूड फ्रॉम द डायग्राम, और ये जो डायग्राम है ये किसके द्वारा है भैया,
ये अपना हो जाएगा पुन्नेट स्क्वायर, आंसर नंबर टू हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, बोटनी का रहेगा सर। जी जी आए सर। साइड ऑफ परसेप्शन लाइट, एक्चुअली ये पिछले साल का भी क्वेश्चन था और इसमें जो फोटो रिसेप्टर ऑर्गन की बात करी गई है वो एक्चुअली यहाँ पर लीप को माना गया है। जितना भी फोटो लाइट पीरियड होता है डार्क एंड नाइट का, वो लीप को के जरिए रिसीव किया जाता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ये अपना इवोल्यूशन का है, द फैक्टर दैट लीडिंग। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये इवोल्यूशन से आया है, फाउंडर इफेक्ट पूछा गया है। तो ऐसा कहाँ है जेनेटिक ड्रिफ्ट में, याद करो फाउंडर इफेक्ट और बॉटलनेक इफेक्ट। तो अपना करेक्ट ऑप्शन जो है वो कौन सा चला जाएगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट चला जाएगा, ऑप्शन नंबर थ्री। नेक्स्ट, हाँ ये बढ़िया क्वेश्चन है, बायोटेक्नोलॉजी से क्वेश्चन लिया गया है। एक्चुअली जीन थेरेपी के ट्रीटमेंट की यहाँ बात करी जा रही है, व्हेन द जीन टारगेटेड इन्वॉल्विंग ये एम्प्लीफिकेशन। लेकिन अपन यहाँ पर देखें रोग को ठीक करने के लिए, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है, इसलिए इसमें नो डाउट एम्प्लीफिकेशन की बात करी गई है, लेकिन रोग को निदान करने के लिए एक जीन को टारगेट किया जा रहा है, मतलब यहाँ पर जीन थेरेपी हमारे लिए करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट, निम्न में से कौन सा कथन गलत है। माइक्रोबॉडीज आर प्रेजेंट बोथ इन प्लांट्स एंड एनिमल सेल, बिल्कुल सही बात है भाई, माइक्रोबॉडी जो प्लांट के अंदर भी होती है एनिमल के अंदर भी होती है। द पेरीन्यूक्लियर स्पेस फॉर्म्स ए बैरियर बिटवीन द मटेरियल प्रेजेंट इन साइड द न्यूक्लियस एंड दैट ऑफ द साइटोप्लाज्म, बिल्कुल सही है। जो न्यूक्लियस है और जो साइटोप्लाज्म है, इन दोनों के बीच का जो बैरियर है वो अपने पास में कौन है, अपन कह सकते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियर पोर्स एक्ट एज पैसेज फॉर प्रोटीन्स एंड आरएनए मॉलिक्यूल्स इन द बोथ डायरेक्शंस बिटवीन न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म, बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है, एनसीईआरटी की लाइन है। मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट पजेस ए कॉन्स्पिशियस न्यूक्लियस एंड यूजुअल साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स, तो अपने को पता है कि जो मैच्योर सीव ट्यूब है उसमें न्यूक्लियस क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो बच्चों करेक्ट आंसर यहाँ पे हो गया फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट, इसके बाद में मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड सेल्स विद एक्टिव सेल डिवीजन कैपेसिटी, तो अपने को पता है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, इसमें जो भी सेल है वो कंटिन्यूसली क्या करती है, डिवीजन करती है। टिश्यूज हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, तो सिंपल टिश्यू जो होता है इसमें जो भी सेल्स है वो स्ट्रक्चरली क्या होती है, सिमिलर होती है, फंक्शनली सिमिलर होती है। टिश्यूज हैविंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स, तो इसमें कॉम्प्लेक्स टिश्यू होगा और कॉम्प्लेक्स टिश्यू का जो एग्जाम्पल है वो अपने पास में हो गया वेस्कुलर टिश्यू जाइलम फ्लोएम। डेड सेल्स विद हाईली थिकन्ड वॉल्स एंड नैरो ल्यूमन, तो अपने को पता है कि जो स्क्लेरिड है इसमें ड्यू टू हाई डिपोजिशन ऑफ लिग्निन इसकी जो अपने कह सकते हैं कि जो कैविटी है वो काफी क्या होती है, नैरो होती है। तो बच्चों यहाँ पे करेक्ट आंसर जो वो कौन सा हो गया, मैचिंग अपन इसकी कर लेते हैं, ये इस तरीके से यहाँ पे हो गया, ए में सेकंड हो जाएगा, बी में फोर्थ है, सी में फर्स्ट है और डी में यहाँ पे थर्ड है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो करेक्ट आंसर वो हो गया फोर्थ ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, तो यहाँ पे वही क्वेश्चन आ गया, मैचिंग वाला क्वेश्चन यहाँ पर है। क्रिस्टी, क्रिस्टी यहाँ पर क्या हो गया, अपन कह सकते हैं ये अपने पास में हो गया इन फोल्डिंग इन माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया की जो इनर मेम्ब्रेन है उसमें जो फिंगर लाइक फोल्ड्स अवेलेबल होते हैं वो बेसिकली क्या कहलाते हैं, क्रिस्टी कहलाते हैं। देन आफ्टर थायलेकोइड्स, तो थायलेकोइड्स क्या हो गया, फ्लैटेंड मेम्ब्रेन्स सैक्स इन स्ट्रोमा ऑफ प्लास्टिड, तो प्लास्टिक में जो वहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या हो गया अपने पास में, थायलेकोइड हो गए। सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर इज एनोदर नेम ऑफ प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। सिस्टर्नी, सिस्टर्नी इज प्रेजेंट इन गोल्जी बॉडी, तो बच्चों अगर आप यहाँ पर मैचिंग करेंगे तो इसका आंसर कौन सा हो गया, सेकेंड ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो गया। इसके बाद में नेक्स्ट, ड्यूरिंग द प्यूरिफिकेशन प्रोसेस फॉर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चिल्ड एथेनॉल प्रेसिपिटेट आउट, तो अपने को पता है कि जो टेस्ट ट्यूब होती है उसमें हम लोग जब चिल्ड एथेनॉल डालते हैं तो डीएनए जो है वो वहां पे क्या होता है, प्रेसिपिटेट हो जाता है। तो आंसर यहां पे हो गया फर्स्ट ऑप्शन डीएनए। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स इन प्लांट्स, तो अपन कह सकते हैं एमिनो एसिड जो है ये बच्चों यहाँ पे प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हो गया,
ग्लूकोज आप यहाँ पे कह सकते हैं प्राइमरी मेटाबोलाइट्स है, तो यहाँ पे फर्स्ट आंसर हो गया, बाकी जितने भी जो एग्जाम्पल है यहाँ पर सेकेंड मोलाइट्स है, तो आंसर बच्चों कौन सा हो गया, फर्स्ट ऑप्शन। स्टूडेंट्स आपने 101 टू 120 क्वेश्चन से भी डिस्कस किए हैं, सर आपको 101 से 120 तक फिर से एक बार आंसर की जो है मैं रिपीट कर देता हूं, 121 से फिर क्वेश्चन जैसे आपके सामने आएंगे आपको मिलेंगे। देखिए पहला जीपीपी माइनस आर आपके पास था, यहां हमने करेक्ट आंसर कहा रेस्पिरेटरी लॉसेज 102, फिर आपने डिस्कस किया इसमें स्टूडेंट्स आपने मोनोसिस की बात की थी, आंसर आपका था कारा। नेक्स्ट 103 आपके पास था, इसमें आपने स्टूडेंट्स पीसीआर की बात की थी, पीसीआर में आपके पास डीनेचुरेशन एलेनिंग और एक्सटेंशन आंसर था करेक्ट आंसर 4। उसके बाद देखिए कॉलम मैच हमने किए थे, लेंटिकल्स जो गैसियस एक्सचेंज से कोरिलेट करता है, कॉर्क एम्बियम आपने कहा था सुबेरिन, सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो फेलोडर्म आपका है और कॉर्क जो फेलोजन है, तो इसका करेक्ट मैच हमने करवाया था, आप ये देख सकते हैं N1 कोड में डिस्कस कर रहा हूँ, उसमें आंसर आपका करेक्ट है फर्स्ट। उसके बाद डायडहेल्पस स्टामिन कंडीशन आपने डिस्कस की थी, डायडहेल्पस 9+1 हमने डिस्कस किया था, पी मटर में होगा, तो 105 का जो करेक्ट आंसर है वो आपका है पी। 106 आपके पास है प्लांट हार्मोन जो यूज किया जाता है 2,4-D2,4 डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, आप जानते हैं वीड किलर इसको कहा जाता है, करेक्ट आंसर 2,4-D होगा। 107 द डीएनए स्ट्रैंड ऑन जेल स्ट्रैंड विद इथिडियम ब्रोमाइड, तो ये जो स्ट्रेनिंग आपसे पूछा गया था इसमें आपको पता है कि ये ब्राइट ऑरेंज बैंड्स के फॉर्म में अपियर होते हैं, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ फर्स्ट ब्राइट ऑरेंज बैंड्स। क्वेश्चन 108 द टर्म यूज फॉर द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स, तो आपको पॉलिनेशन से क्वेश्चन ये स्टूडेंट्स पूछा गया था जिसमें कंडीशन आपको दी गई है क्रॉस पॉलिनेशन की, ऑब्वियस है क्रॉस पॉलिनेशन का आपका आंसर यहाँ हुआ जीनोगेमी। मैं क्वेश्चन 101 से 120 आपके सामने रिपीट कर रहा हूँ, जिससे स्टूडेंट्स अलग अलग कोड के पेपर आपके पास हैं तो आप अपने पेपर में जो क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ ब्रीफ कर रहा हूँ उसका आंसर मेंशन कर लें, आपके लिए थोड़ा इजी रहेगा। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ द मियोसिस इन्वॉल्व्स इन द डिवीजन ऑफ सेंट्रोमियर, सेंट्रोमियर के डिवीजन की बात की गई है और देखिए मियोसिस आपको लिख के दिया है, ऑब्वियस है जो जस्ट लाइक एज माइटोसिस होगा उसी स्टेज में ऐसा हो सकता है और ये आपके पास आंसर है एनाफेज सेकंड। तो स्टूडेंट्स एनाफेज सेकंड में ही सेंट्रोमियर की स्प्लिटिंग होगी, सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे जस्ट लाइक एज द माइटोसिस। फिर आपके पास क्वेश्चन है 110 व्हेन द सेंट्रोमियर इज सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ टू इक्वल आर्म्स, देखिए हर बार क्वेश्चन आ रहा है यहाँ इक्वल आर्म्स जो प्रेजेंट हैं ओबीएस है मिड में मेटासेंट्रिक कंडीशन होगी क्रोमोजोम की, करेक्ट आंसर स्टूडेंट्स हो जाएगा 4। 111 इन स्पाइट ऑफ इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन नेचर, बहुत अच्छे कंसेप्ट से स्टूडेंट्स क्वेश्चन फ्रेम किया गया है जिसमें इंटर स्पेसिफिक कॉम्पिटिशन होने के बावजूद भी अगर दोनों पार्टनर या कॉम्पिटेट साथ साथ सर्वाइव करना चाहें तो कौन सी मैकेनिज्म इवोल्व कर सकते हैं, इसके बारे में आपसे पूछा गया है। ऑब्वियस है कॉम्पिटेटिव रिलीज एक्सपेरिमेंटली किया जा सकता है, म्यूचुअलिज्म स्टूडेंट नहीं होगा, प्रीडेशन नहीं होगा, रिसोर्सेज पार्टिशनिंग आपने आंसर इसका क्लियर किया। 112 द प्रोडक्शन ऑफ गैमेट्स बाय द पेरेंट्स ऑफ द जायगोट F1 F2 जेनेटिक्स का क्वेश्चन था आपके सामने एक्सप्लेन किया गया, जो पेरेंट स्क्वायर है ये आपने करेक्ट आंसर अभी टिक किया। 113 द साइट ऑफ परसेप्शन ऑफ लाइट, ये आप जानते हैं लीफ होगा फाइटोक्रोम्स के कंसेप्ट से हर बार क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन 114 द फैक्टर दैट लीड्स द फाउंडर इफेक्ट इन द पॉपुलेशन इवोल्यूशन से क्वेश्चन आपका है और जेनेटिक ड्रिफ्ट जैसा सर ने भी एक्सप्लेन किया था, जेनेटिक ड्रिफ्ट स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर होगा। 115 व्हेन द जीन टारगेटिंग इन्वॉल्विंग द एम्प्लीफिकेशन इज अटेम्प्ट इन इंडिविजुअल टिश्यू, तो ये आपसे पूछा गया क्या इसको कहा जाएगा जीन थेरेपी में ऐसा किया जाता है जीन चिकित्सा, बच्चों इसका सही जवाब है। 116 विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट, आपसे स्टेटमेंट कुछ दिए गए सेल बायोलॉजी साइटोलॉजी से क्वेश्चन है जैसा आपके सामने एक्सप्लेन किया जा चुका है और बहुत क्लियर है मैच्योर सीव ट्यूब एलिमेंट जो होते हैं उनमें न्यूक्लियस की प्रेजेंस नहीं होती और ये कह रहा है कि न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स उसमें प्रेजेंट होंगे, ऑब्वियस है ये इनकरेक्ट होगा। 117 आपके पास है, इसमें कॉलम मैच आपसे करवाए गए हैं और इसमें एक्टिव सेल डिवीजन की कैपेसिटी रखने वाली मेरिस्टमेटिक सेल थी, इसके बाद कुछ डेड सेल्स डेड एलिमेंट आपसे पूछे हैं, स्क्लेरिड्स हैं स्टूडेंट्स, वैस्कुलर टिश्यू आपसे पूछा गया है, तो इस तरीके से ये जो है वो आपके पास वैस्कुलर स्ट्रैंड हुआ, सिंपल टिश्यू एक आपसे पूछा गया टिश्यू हैविंग ऑल सेल सिमिलर टू स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, सिमिलर टू फंक्शन ये ऑब्वियस है स्टूडेंट सिंपल टिश्यू हो जाएगा, तो ये सारे आपने मैच किए और इनके अकॉर्डिंग अगर कॉलम मैच आप करते हैं तो फोर्थ आंसर आपके पास है 117 का। उसके बाद स्टूडेंट्स 118 मैच लिस्ट विद लिस्ट
सेकंड फर्स्ट को सेकंड के साथ आपको मैच करना है। ये सेल बायोलॉजी से क्वेश्चन है, सेल ऑर्गेनल आपको यहाँ दिए गए हैं जिसमें सबसे पहले क्रिस्टी लिखा है, ऑब्वियस है, इनफोल्डिंग या इनर फोल्डिंग क्रिस्टी होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। थायलेकोइड स्टूडेंट्स आपको दे रखा है, आप जानते हैं फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस सैक, इंस्ट्रोमा ऑफ द प्लास्टिड ये होगा। सेंट्रोमियर स्टूडेंट्स दे रखा है, प्राइमरी कंस्ट्रक्शन जो क्रोमोजोम में होता है वो सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन है, और उसके बाद में सिस्टर्नी आपको स्टूडेंट्स दे रखा है। ये सिस्टर्नी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग है, ये पहले मैं बोल गया था। तो आप जानते हैं सारे जो सिस्टर्नी गॉल्जी बॉडी से कोरिलेट करता है, क्रिस्टी सबसे पहले हमने जो बोला वो माइटोकॉन्ड्रिया का इनफोल्डिंग है। तो इस तरीके से आप कॉलम मैच इसमें कर लें, सेकंड आंसर आपका परफेक्ट है। मैं बहुत फटाफट इनको बोल रहा हूँ आप जिससे एक बार फिर से गो थ्रू हो जाए। 101 to 120 मैंने फिर से एक्सप्लेन किए हैं, 19 में हूँ मैं। ड्यूरिंग द प्योरिफिकेशन प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेशन डीएनए टेक्नोलॉजी एडिशन ऑफ चील्ड एथेनॉल आपको स्टूडेंट्स दिया गया, अगर ऐसा आप करते हैं तो आप डीएनए को सेपरेट कर सकते हैं, प्योरिफिकेशन डीएनए का कर सकते हैं। आंसर होगा डीएनए, और उसके बाद आपके पास है स्टूडेंट्स 120, और क्वेश्चन नंबर 120 जो है इसमें लिखा गया है नोट द सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। तो ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नहीं है, देखिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया, इससे पहले भी क्वेश्चन आया है। तो यहाँ अमाइनो एसिड्स, ग्लूकोज, विनब्लास्टिन, क्यूरमिन, रबर गम्स और ये जो हैं मॉर्फिन, कॉर्डिन, ये सब आपको दे रखा है। तो अमाइनो एसिड्स और जो ग्लूकोज होते हैं वो सेकेंडरी मेटाबोलाइट नहीं है। तो आपको 101 to 120 मैंने रिपीट कर दिए हैं सारे क्वेश्चन। पेपर जो था वो इस बार का काफ़ी लेंदी है, बच्चों ने पूरा टाइम लेके अच्छा किया होगा। सबसे अच्छी बात है कि सीएलसी के क्लासरूम कंटेंट, नोट्स, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज से कहीं कोई क्वेश्चन बाहर नहीं है। पूरे साल बच्चों की और पूरी टीम की जो मेहनत है वो इस पेपर में लग रहा है काम आई है। सुनील सर आपसे मुखातिब हो रहे हैं, तो नो डाउट आपने देखा होगा कि एक एजी अप्रोच के साथ एक पेपर कंडक्ट करवाया गया है नीट के द्वारा 2021 का, और एक पहले कवायद चल रही थी, पहले एक थीम चल रही थी कि 2019 का जैसा पेपर आया, 20 का जैसा पेपर आया, नो डाउट 21 में भी वैसा ही आएगा। तो स्टार्टिंग में जैसा संस्था के सीईओ इंजीनियर साहिल जी चौधरी ने आपसे बताया था कि थोड़ा सा लेवल जो है हाई रहा है पेपर का, टफ भी नहीं कह सकते हैं क्योंकि टफ नो डाउट उनके लिए हो सकता है जिन्होंने कंसेप्ट ही ऐसा नहीं देखा हो। एनसीईआरटी बेस्ड पेपर रहा है और टोटली अप्रोचेबल पेपर रहा है आपके लिए, ओके। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है, अभी खेल और भी बाकी है। स्टार्टिंग के 20 क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं, तो आप इस लाइव से लगातार जुड़े रहिए, अभी रिमेनिंग क्वेश्चन आपके सामने और डिस्कस किए जाएंगे। तो आपने देखा जैसा कि हमने बताया कि 21 का जो पेपर था वो थोड़ा सा अप लेवल का रहा है, और इसमें थोड़े से मैच दी फॉलोइंग की अगर बात करें 13 क्वेश्चन मैच दी फॉलोइंग से आए हैं। लास्ट ईयर अगर यही कंसेप्ट बात करें 9 क्वेश्चन जो है वो स्टेटमेंट वाले आए थे इनकरेक्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। तो हर साल जो है वो थोड़ा सा थीम बदल रहा है, और इस बार एक नई चीज नीट में और देखने को मिली है, अभी आगे डिस्कशन में हमें पता चलेगा। एआर का क्वेश्चन नीट में और दे दिया है, कहने का मतलब एम्स का जो इनटेक पहले सेपरेट एग्जाम के रूप में हो रहा था इस बार वो नीट के रूप में हो रहा है, और एआर का कहीं ना कहीं खुशबू उसमें एम्स की भी आपको जरूर देखने को मिली है। तो पेपर का मिला जुला अगर स्वभाव देखें तो एवरेज से थोड़ा सा ऊपर जो है वो अपना फिजिक्स रहेगा। केमिस्ट्री नो डाउट थोड़ा सा इजी लेवल था, बच्चों के लिए काफ़ी सेटिस्फैक्ट्री भी रहा, और बायोलॉजी की अगर 90 क्वेश्चन की मैं बात करूं टोटल, तो वैसे महेंद्र जी से अगर बताऊं तो टोटल 100 क्वेश्चन रहे हैं, और 50 जूलॉजी, 50 बॉटनी, इस प्रकार का कॉम्बिनेशन रहा है। इसमें भी जो है मिला जुला सा स्वभाव अपन देख सकते हैं, 10 क्वेश्चन जो हैं वो थोड़े से अप लेवल के जरूर रहे हैं। तो सेक्शन बी जो ऑप्शन दिया गया है बच्चों को, उसमें एक ऑप्शन बच्चों को ये मिल गया है कि डिफिकल्ट वाला पोर्शन जो है वो सेक्शन बी में इंक्लूड हो रहा है, तो वहाँ बच्चों को जो है वो 5 क्वेश्चन छोड़ने की एक ऑप्शन बच्चों के लिए अवेलेबल हो गए हैं। जैसा कि हमने स्टार्टिंग में भी बच्चों को बताया था, जो हमारे लास्ट के 15 दंगल हुए थे वहाँ बच्चों को एक ही थीम प्रोवाइड करवाई गई थी कि आपको ये लास्ट के 15 क्वेश्चन जो करने हैं ये सारे के सारे नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि जब 180 सवाल आया करते थे उस 180 सवाल के दौरान भी नो डाउट बाउंडेशन टाइम लिमिट जरूर रहती थी, टाइमिंग जो है वो वहाँ भी कम रहता था। अगर बच्चा इस बार भी अगर 200 क्वेश्चन कोई बच्चा पढ़ा है तो उसके लिए पेपर लेंथी जरूर रहा है। तो मेन चीज़ जो है वो बच्चों के लिए ये हो जाती है कि आपने 20 सेक्शन के स्टार्टिंग में टिक करते हुए क्वेश्चन किए हैं, सारे क्वेश्चन अप्रोच नहीं किए हैं। महेंद्र जी को मैं मंच सौंपना चाहूँगा। जी जैसा सर कह रहे हैं डेफिनेटली ऐसा हुआ है। देखो हम लाइव में भी डिस्कस कर रहे थे, जो लाइव एग्जाम से ठीक पहले हमने किए, बॉस के साथ कई बार बातचीत हमारी भी, तो हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि सेक्शन बी में उस स्टूडेंट्स ने ही अपना टाइम सेव किया होगा। सेक्शन बी में वही स्टूडेंट सुनील सर कॉन्फिडेंट रहा होगा जिसने फर्स्ट अटेम्प्ट में उन सारे क्वेश्चन को क्रॉस कर दिया है जो उसको नहीं आ रहे थे, जो अप्रोच से बाहर थे, क्योंकि लेंथी जरूर है। तो डेफिनेटली हाँ आवाज डेफिनेटली
हेलो, आवाज आ रही है? ओके, डेफिनेटली वो स्टूडेंट्स जो हैं उसमें फायदे में रहे जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फर्स्ट राउंड में क्वेश्चन जो है वो क्रॉस करते चले गए हैं कि इनको हमें बिल्कुल नहीं करना है या टच नहीं करना है क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ही रहा जी, तो जी. 10 क्वेश्चन आपको करने थे. डेफिनेटली सेक्शन बी में ऐसे क्वेश्चन थे जो इजीली आपको आंसर मिल जाएंगे, लेकिन अगर ओवरऑल हम देखें जी. जो टोटल बॉटनी और जियोलॉजी के दोनों 15-15 क्वेश्चन हैं तो वो स्टूडेंट्स काफी अच्छे रहे हैं. बिल्कुल, तो मुझे लगता है 2020 का जो पेपर था उसके कंपेरेटिवली इस पेपर का लेवल और ये पेपर जो है उसकी डेप्थ थोड़ा सा ज्यादा है. तो महेंद्र जी, मैं यहाँ पर आपकी बात को थोड़ा सा और फॉरवर्ड करते हुए, जहाँ मेडिकल की थीम आरपीएमटी से चेंज होकर एआईपीएमटी की ओर आई थी और वही एआईपीएमटी से चेंज होकर नीट की ओर आई थी, आज मेरे को ऐसा लग रहा है कि नीट जो है ये नीट सेकंड की ओर अग्रसर हो रहा है, क्योंकि नो डाउट इसमें थोड़ा सा अप्रोचेबल क्वेश्चन रखा है. एनटीए ने इस चीज का भी ध्यान रखा है कि लॉकडाउन के दौरान बच्चे नो डाउट सफर किए थे, पैनिक हुए थे, इन चीज को लेकर प्रॉपर प्रिपरेशन नहीं रखी गई थी, तो हम ये भी नहीं कह सकते हैं कि अल्टीमेटली हाई लेवल का पेपर रहा हो. और कट ऑफ की अगर बात करें तो साहब जग जाहिर है, जहां बोस जो श्रवण सीएलसी हैं वो जो कट ऑफ डिसाइड करेंगे उसके आसपास ही कट ऑफ रहनी है, प्लस माइनस 5 नंबर कट ऑफ रहनी है. आज बोस राजस्थान और पाकिस्तान बॉर्डर जहां पे तनोट माता है वहां दर्शन करने गए हुए हैं. 2 बजे से 5 बजे तक का जो समय था वो माता के दरबार में ही बोस ने निकाला है. जैसा कि हर बार भी होता है कि वीडियो सॉल्यूशन के दौरान ये बच्चे जब पेपर दे रहे होते हैं उस दौरान बोस आरती करते हैं, भजन एक प्रकार से जो है वो हनुमान चालीसा का पाठ वगैरह रखा जाता है, तो बच्चों की कंसंट्रेशन बनी रहे, एक आध्यात्मिकता जो है वो बच्चों के साथ में बनी रहे. अब अपन मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर. जी, नेक्स्ट आ गएगा? हाँ, नेक्स्ट पार्ट आ रहा है. थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, कंपोजिंग चल रही है क्वेश्चन की, आंसर की रेडी है, आंसर की हमने पहले डिस्प्ले इसलिए नहीं की है क्योंकि आपको एक बार वीडियो सॉल्यूशन के थ्रू जो है कंसेप्ट पता लग जाए कि इस प्रकार ये आंसर कैसा गया है. इस वीडियो सॉल्यूशन के ठीक बाद जो है हमारे ही चैनल पर आपको जो है आंसर की भी अवेलेबल हो जाएगी, तो बच्चे जो है आराम से देख लें पेपर को, संस्था के इस चैनल के साथ में जुड़े रहें, लाइव प्रोग्राम कंटिन्यू ये बना रहेगा. और जैसा कि लास्ट के 15 दंगल हमने करवाए थे, जी महेंद्र जी सर को मैं बुलाना चाहूंगा, जैसा कि हमने लाइव के माध्यम से भी आपको बताया था कि सीएलसी ने क्या क्या मटेरियल आपको प्रोवाइड करवाया है, याद करो आप 6 मई को चालू हो गया था बायोकैम और बायोकैम के माध्यम से 22 पेपर आपको मिल गए थे और बायोकैम के ठीक बाद आपको जो है 15 ऑफ जून से हमने चालू कर दिया था फिजिक्स सीखो, जो नो डाउट एक अल्टीमेट कंसेप्ट रहा है और इस फिजिक्स सीखो के द्वारा बच्चों ने फिजिक्स जो है अपने टिप्स के द्वारा क्लियर अप कर लिए. तो बिना विलंब किए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन के लिए मैं नए साथी बोटनी के साथी को बुलाना चाहूंगा. मनोज सर आपके बीच आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 121 से आगे कंटिन्यू कर रहे हैं बोटनी का पोर्शन, क्वेश्चन नंबर 121 मनोज सर आ रहे हैं. जैसा कि हमने आपसे कहा था वैरायटी आपको मिलेगी, ऑथेंटिसिटी है, एक्यूरेसी है, टीम का हर एक मेंबर इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है क्योंकि पूरे साल सबने मेहनत की है. मनोज सर आपके पास क्वेश्चन नंबर 121 to 125 डिस्कस करेंगे. मनोज सर Which of the following algae contains mannitol as reserve food material? देखो ये जो character है वो बेटा है आपके का इसका brown algae का, तो brown algae का example यहाँ आपको दे रखा है क्या, ectocarpus. तो right answer जो जाएगा इसका आपके क्या जाएगा, 4, यानी कि ectocarpus. Next question. हाँ जी. Next question है आपका. क्वेश्चन 121 के बाद गैमा आर प्रेजेंट इन, तो गैमा जो है वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर बेटा आपके होता है किसका, ब्रायोफाइट्स का. तो ब्रायोफाइट्स का यहाँ एग्जांपल जो आपको दिया गया है वो आपके क्या है, गैमा का जो भी आपके क्या है कैरेक्टरिस्टिक फीचर जो है गैमा की प्रेजेंस वो है आपकी किसकी, सम लीवरवर्ट्स की. तो यहाँ एग्जाम्पल बेटा जो आपके जो आंसर जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा, 3rd. ठीक है, तो इसमें आपके चला जाएगा सम लीवरवर्ट्स. नेक्स्ट अपन चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. तो ये आपके क्वेश्चन जो है बेटा वो है आपके इकोलॉजी से, इकोलॉजी से आपके क्या है पिरामिड्स आपसे क्या है कंसर्न किए गए. तो यहां कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पिरामिड के बारे में आपके सही नहीं है. तो आप जानते हो कि अगर बायोमास के पिरामिड की अपन एक्वेटिक इकोसिस्टम में अपन बात करें तो वो आपके कैसा होता है, कैसा होता है बेटा, इन्वर्टेड. तो यहां दिया गया है पिरामिड ऑफ बायोमास इज इन सी इज जनरली अपराइट, तो ये आपके क्या हो जाएगा, रॉन्ग, क्योंकि आपके कैसा होता है, इन्वर्टेड. तो यहां आंसर आपके चला जाएगा कौन सा बेटा, 1st. नेक्स्ट क्वेश्चन 1 to 4
प्लांट्स फॉलो डिफरेंट पाथवेज इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंट और फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर दिस एबिलिटी इज कॉल्ड. तो इस एबिलिटी को बेटा अपन क्या बोलते हैं, प्लास्टिसिटी यानी कि सुगठ्यता. तो ये आपके आंसर जो आपके जाएगा वो आपके कौन सा जाएगा बेटा, सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन यहां आपसे पूछा गया है, वापस इकोलॉजी से क्वेश्चन. एमेंसेलिज्म कैन बी रिप्रेजेंटेड एज, तो एमेंसेलिज्म में आप क्या कहते हो, जो एक स्पीसीज जो है उसको तो आपके क्या होगा, लॉस होगा, और दूसरी आपके क्या रहेगी, अनइफेक्टेड. तो ये आपके कैसा हो जाएगा, माइनस जीरो. तो ये आपके माइनस जीरो जो आंसर है वो है आपके स्पीसीज ए जो है वो आपके क्या रहेगी, नेगेटिव, और स्पीसीज बी जो है वो आपके क्या रहेगी, अनइफेक्टेड. तो यहाँ आंसर जो आपके बेटा हो जाएगा वो आपके हो जाएगा कौन सा, फोर्थ. हेलो स्टूडेंट, यहाँ मैं डिस्कस करूँगा आपसे 126 से लेकर क्वेश्चंस. यहाँ देखिए 126, कंप्लीट द फ्लो चार्ट ऑफ सेंट्रल डॉग्मा. ये मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से क्वेश्चन यहाँ आपको दे रखा है, और यहाँ अगर हम देखें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में जो सेंट्रल डॉग्मा दे रखा है, तो जब डीएनए से डीएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं क्या, यहाँ डीएनए रेप्लिकेशन होता है, और डीएनए से जब एमआरएनए बनता है तो इसको हम बोलते हैं, इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन, और एमआरएनए से जब आगे चलकर प्रोटीन फॉर्म होती है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, ट्रांसलेशन. और डी यहाँ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रोटीन को. तो अगर हम यहाँ देखें तो पहला आ गया क्या, रेप्लिकेशन, दूसरा ट्रांसक्रिप्शन, थर्ड ट्रांसलेशन, और डी प्रोटीन, यानी कि आंसर क्या जाएगा इसमें, सेकेंड. नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ वंश जैसे कि सिलेजिनेला और साल्विनिया दो प्रकार के बीजाणु उत्पादित करते हैं, ऐसे पादपों को क्या कहते हैं, यानी कि अगर हम प्लांट में देखें तो टू टाइप्स के जब स्पोर्स बनते हैं तो इस कंडीशन में प्लांट को हम बोलते, ये प्लांट कैसा होता है, हेट्रोस्पोरस प्लांट. तो यहाँ आंसर क्या आ जाएगा, हेट्रोस्पोरस, यानी कि आंसर थर्ड. नेक्स्ट 128, मैच लिस्ट फर्स्ट विथ लिस्ट सेकेंड, आपको यहाँ मैच कराना है. तो देखिए कोहेजन को अगर हम देखें ससंजन, तो कोहेजन का मतलब यहाँ होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का वाटर मॉलिक्यूल के साथ जो अट्रैक्शन होता है, तो यहाँ पर आप देखिए म्यूचुअल अट्रैक्शन ऑफ एमंग वाटर मॉलिक्यूल्स, तो ये एक हो गया. सेकंड एडिशन, एडिशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर अट्रैक्शन टुवर्ड्स पोलर सरफेस, और अगर हम सरफेस टेंशन की बात करें, ये जो सरफेस टेंशन होता है इसका आंसर, इसका ऑप्शन अगर हम देखें तो इसका आएगा फर्स्ट, मोर अट्रैक्शन इन लिक्विड फेज, और गटेशन इसका आएगा वाटर लॉस इन लिक्विड फेज. तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम आंसर देखें, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, तो आंसर आ जाएगा फोर्थ. नेक्स्ट, म्यूटेशन इन प्लांट सेल्स कैन बी इंड्यूस्ड बाई, इसको अगर हम देखें एप्लीकेशन बॉटनी का क्वेश्चन है, और इसमें ये जो गामा रेडिएशंस हैं या गामा रेज हैं, इसका यूज़ करके हम क्या करते हैं, प्लांट में म्यूटेशन कॉज करते हैं. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट 130 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर. यहाँ अगर हम पीसीआर के एप्लीकेशन की बात करें, तो यहाँ पर हम प्यूरिफिकेशन ऑफ आइसोलेटेड प्रोटीन, इसके लिए हम कभी भी पीसीआर का यूज़ नहीं करते, तो इसीलिए 130 का जो आंसर आएगा वो है सेकंड. अब यहाँ पर जो हम नेक्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस करेंगे वो हमारे सर हैं करण यादव सर, वो आपको यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे.
हाँ तो बेटा देखिए अपने पास में 121 क्वेश्चन में अपने पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गे कंटेन मैनिटॉल एज रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, जैसा कि सर ने अभी आपको बताया था कि अपने पास में ब्राउन एल्गी में होता है, तो आंसर अपने पास में क्या हो जाएगा, फोर एक्टोकर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको, जेमी आर प्रेजेंट इन, आपको बताया कि जेमा एसेक्सुअल स्ट्रक्चर होती है जो अपने पास में कुछ लीवरवर्ट्स ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट होती है, जैसा कि अभी आपको सर ने डिस्कस किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों अपने पास में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट। आपसे पूछा गया है कि कौन सा स्टेटमेंट अपने पास में नॉट करेक्ट है, तो आपने जो है पिरामिड के बारे में इसके अंदर दिया गया है, और पिरामिड जो अपने पास में बायोमास के होते हैं वो जनरली अपने पास में क्या होते हैं बेटा, इन्वर्टेड होते हैं। किसके अंदर, अपने समुद्र पिरामिड ऑफ बायोमास इज सी जनरली इन्वर्टेड, तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट में अपने पास में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में आता है, प्लांट फॉलोइंग डिफरेंट पाथवे इन रेस्पॉन्स ऑफ एनवायरमेंट फेज ऑफ लाइफ टू फॉर्म डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, दिस एबिलिटी इज कॉल्ड। आपको पता है कि ये प्लास्टिसिटी अपने पास में कहलाती है, तो प्लास्टिसिटी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, अमेंसिलिज्म में आपको पता है कि रिलेशन जो होता है वो माइनस और अपने पास में क्या होता है, जीरो का रिलेशन होता है, तो अपने पास में माइनस और जीरो का ये रिलेशन हो जाएगा, तो इसका आंसर अपने पास में माइनस और जीरो का हो जाएगा, कि एक स्पीसीज जो होती है वो नुकसान में होती है, दूसरी स्पीसीज उसको कोई नुकसान नहीं होता और कोई फायदा नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको सेंट्रल डोगमा का आपको सर ने डिस्कस किया ही था, डीएनए से अपने पास में एमआरएनए बनना। देखो बच्चों अपने पास में डीएनए से एमआरएनए बनना, ये अपने पास में बी है, इसको अपन क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन बोलेंगे, और अपने पास में एमआरएनए से अपने पास में प्रोटीन का बनना क्या हो जाएगा, ट्रांसलेशन हो जाएगा, और डी अपने पास में क्या है, प्रोटीन है। ठीक है, तो इस तरह से हम मिलाते हैं, तो आंसर जो है डीएनए से डीएनए का मिलना ए रेप्लिकेशन हो जाएगा, तो आंसर अपने पास में कौन सा हो जाएगा, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अपने पास में कुछ वंश जैसे सिनेजिनेला और साल्विनिया के बारे में अपने पास में पूछ रहा है, दो प्रकार के बीजाणु उत्पन्न करते हैं, तो ऐसे पादपों को क्या कहा जाता है, तो बच्चों अपने पास में इनको बोला जाता है हेटरोस्पोरस। ठीक है, तो अपने पास में हेटरोस्पोरस टेरिडोफाइटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पूछा जा रहा है, देखो अपने पास में कोएजन, कोएजन में अपने पास में क्या हो रहा है कि कोएजन के अंदर कोएजन एडिशन एंड सरफेस टेंशन एंड गटेशन, इन सारी चीजों को अपने पास में मिला करके बताया हुआ है, तो अपने पास में, तो आपको ये सर ने एक्सप्लेन भी कर दिया था, तो आंसर इसका अपने पास में क्या हो जाएगा, फोर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको म्यूटेशन इन प्लांट सेल के अंदर इंड्यूज आपसे पूछा गया है, तो आपको पता है कि भाई गामा रेज जो होती है बच्चों अपने पास में प्लांट के अंदर म्यूटेशन इंड्यूस्ड करने का काम करती है, तो अब इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास में 130 क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन जो है वो पीसीआर से आया है बच्चों, और पीसीआर से अपने पास में चार क्वेश्चन इस बार आए हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक है और उसके अंदर अपने पास में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आए हैं, तो काफ़ी वेटेज बायोटेक्नोलॉजी का रखा गया है, बहुत सारे अपने पास में क्वेश्चन जो हैं वो अपने पास में एप्लीकेशन से रिलेटेड है, तो अपने पास में पहला 130 क्वेश्चन जो है पीसीआर से रिलेटेड है। आपसे पूछा गया कि पीसीआर का अनुप्रयोग कौन सा नहीं है, तो बच्चों आपको पता है कि भाई अपने पास में पृथक किए गए प्रोटीन के शुद्धिकरण में, अपने पास में प्योरिफिकेशन ऑफ आइसोलेशन प्रोटीन में कोई भी रोल पीसीआर का नहीं होता, पीसीआर एम्पलीफिकेशन वगैरह करती है, तो अपने पास में पीसीआर एक छोटा सा टॉपिक होते हुए चार क्वेश्चन दे रहा है नीट में, तो ये बहुत बड़ी बात है बच्चों। बिल्कुल, तो दोस्तों बस पल दो पल की और देरी है, और उसके बाद एक सीक्वेंस के साथ जो है वो पूरा पेपर ही तैयार है, तो आप चिंता नहीं करें, बस थोड़ी सी देर और इसी बैनर पर आप लगातार जुड़े रहें। तो मैं बताना चाहूँगा, जैसा कि ओवरव्यूज आए हैं स्टूडेंट के, अभी टोटल मार्क्स जुड़ नहीं पाए हैं, और लाइव के माध्यम से आप तक पहले भी एक सूचना पहुँचाई गई थी, 2019 में जहाँ 25 नंबर CLCN हिंदुस्तान की टॉप रैंक से दूर रहा था, हिंदुस्तान टॉपर्स 2019 में था 701 नंबर पे, और CLC के दो बच्चों के वही नंबर थे 676, तो केवल 25 नंबर दूर थे, 5 क्वेश्चन दूर थे हिंदुस्तान की टॉप रैंक से। 2020 की अगर बात करें तो हिंदुस्तान का टॉपर जहां 720 पे आया था, और CLC का स्कोरर जो है वो शिखर का टॉपर भी रहा है, 19 के भी टॉपर रहे हैं, वो रहा है 695 नंबर। ठीक है, तो
25 कदम दूर थे 19 में, 25 कदम ही दूर हैं 20 में, चिंता नहीं करें। इस बार हो सकता है ये जो मैटर सामने आया है, पेपर का मैटर जो देखने को मिला है, उससे एक विश्वास जरूर आ गया है कि बच्चा जो है वो 710 नंबर जरूर क्रॉस करेगा। और पेपर के लेवल को नो डाउट देखते हुए थोड़ा सा ऐसे भी लग रहा है कि पिछली बार का पेपर थोड़ा सा सिंपल अप्रोच का था और 720 अप्रोच शायद कोई बच्चा करे। नो डाउट हम भी वेल विशर होते हैं स्टूडेंट्स के कि कोई ना कोई बच्चा जो 720 पर जरूर पहुंचना चाहिए। तो आप जानते हैं सीएलसी के साथ आप लगातार जुड़े रहे हैं, 365 वा लाइव है आज, और 365 वा लाइव साहब छोटी बड़ी बात नहीं है। आप जानते हैं कि टंग जो है वो तो विदाउट बोनी स्ट्रक्चर कहलाती है, कोई बोन यहाँ पे है नहीं, तो हिलाना आसान है करके दिखाना मुश्किल है। बॉस ने इस लॉकडाउन के दौरान ये जो इंटरवल रहा है 1.5 साल का, उसमें ये सिद्ध करके बता दिया है कि अगर ठान लो तो चीज़ को जरूर पूरा किया जाता है। तो इसी के साथ अगला क्वेश्चन चालू कर रहे हैं 131 से। यस सर। हाँ बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 131। इसमें कह रहा है द फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन इन सारगम। ठीक है, अब अपने पास में सारगम जो है अपने पास में, इसके अंदर क्या होता है बच्चों, आपको पता है ये C4 प्लांट है, तो 4 कार्बन का अपने पास में एसिड बनेगा और वो कौन है, ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अपन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस्ड कैरागिन। कैरागिन के बारे में बात कर रहा है, तो बच्चों आपको पता है ये बिल्कुल NCERT ने मेंशन भी किया है कि रेड एल्गी के अंदर अपने पास में किसका प्रोडक्शन होता है, कैरागिन का प्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको अपने पास में सूची जो मैच लिस्ट 1 to list 2 से आपको मिलाना है, तो सबसे पहले आपके पास में है बेटा प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन। तो आपको पता है कि भाई प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन करके अपने पास में सबसे पहले बनाया गया था कौन, पोमेटो। तो अपने पास में हो गया, इसके अंदर प्रोटोप्लाज्म फ्यूजन किससे मैच हो जाएगा, पोमेटो से। दूसरा आपसे पूछा गया है कि प्लांट टिश्यू कल्चर, तो बच्चों आपको पता है कि प्लांट टिश्यू कल्चर के लिए अपने पास में क्या होना चाहिए, सेल के अंदर टोटिपोटेंसी होनी चाहिए। अगर सेल के अंदर टोटिपोटेंसी है तो सेल प्लांट टिश्यू कल्चर में यूज आती है। नेक्स्ट है मेरिस्टेम कल्चर, बच्चों आपको पता है कि वायरस जो होता है कभी भी मेरिस्टमेटिक पार्ट में अपने पास में इफेक्ट नहीं करता, तो वायरस फ्री जब भी प्लांट बनाने होते हैं तो हम मेरिस्टमेटिक कल्चर करते हैं। और नेक्स्ट है माइक्रो प्रोपोगेशन, माइक्रो प्रोपोगेशन में आपको सोमोक्लोन प्राप्त होते हैं और अपने पास में इस तरह से हम इसको मैच करते हैं, तो अपने पास में ए में सेकेंड मिलेगा बच्चों, बी में अपने पास में फर्स्ट, और सी में अपने पास में फोर, और डी में थर्ड। तो आंसर हमारा हो जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। ए टिपिकल एंजियोस्पर्म एम्ब्रियो सैक एट मैच्योरिटी इज। ठीक है, कि हमारे पास में टिपिकल एम्ब्रियो सैक कैसा होगा, तो आपको ये पता ही है कि एम्ब्रियो सैक जो होगा वो अपने पास में 8 nucleated 7 celled structure होती है, तो 8 nucleated 7 celled structure होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास में 135। द अमाउंट ऑफ न्यूट्रेंट सच एज कार्बन नाइट्रोजन फॉस्फोरस कैल्शियम प्रेजेंट इन द सोइल एट एनी गिवन टाइम इज रेफर्ड एज। बच्चों आपको पता है इनऑर्गेनिक मैटर का जो अपने पास में अमाउंट होता है वो क्या कहलाता है, स्टेटिंग स्टेट कहलाता है। अब अपने पास में 136 से नेक्स्ट क्वेश्चन अपने डिस्कस करने के लिए योगेंद्र सर आ रहे हैं, तो नेक्स्ट बात करते हैं। हाँ बच्चों, 136 नंबर क्वेश्चन अपन देखते हैं। 136 नंबर क्वेश्चन जो है वो आपके दे रखा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। जैसे इसमें क्लियरली मेंशन कर रखा है एनसीईआरटी के अंदर, स्ट्रोमा लेमिला है पीएस फर्स्ट ओनली एंड लैक, बिल्कुल ये जो है सही बात है। ग्रेना लेमिली है बोथ पीएस सेकेंड फर्स्ट एंड सेकेंड, ये प्रेजेंट होता है थाइलेकोइड मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होता है। देन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन बोथ PS first and PS second, ठीक है, ये नहीं होगा इसके अंदर, ठीक है, और फोर्थ जो है ये भी इसमें देखने को मिलेगा, तो अपना आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, निम्नलिखित में से सही कथन चुनिए। इसमें दे रखा है आपके RNA पॉलीमरेज बाइंड विथ रो फैक्टर टू टर्मिनेट द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन बैक्टीरिया, बिल्कुल ये जो है वो आपके सही बात है। इसके अंदर द कोडिंग स्ट्रैंड इन ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इज कॉपी टू एन mRNA। कोडिंग स्ट्रैंड नहीं होता बच्चों, एंटी कोडिंग स्ट्रैंड होता है जिसको अपन टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं। तो ये स्टेटमेंट अगर अपना जो है इसके अंदर ये स्टेटमेंट राइट हो जाएगा, स्प्लिट जीन अरेंज इन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोकैरियोट।
स्प्लिट जीन जो होते हैं वो यूकैरियोटिक सेल के अंदर जो है प्रोसेसिंग देखने को मिलता है, तो ये भी नहीं होगा। और इन कैपिंग मेथाइल ग्वाइनोसिन ट्राइफोस्फेट इज एडेड टू द थर्ड एंड ऑफ एचएनआरएनए 5' पे ये होता है, तो ये भी नहीं होगा। तो अपना ऑप्शन क्या चला जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट, मैच कॉलम फर्स्ट एंड सेकंड, तो अपने को यहाँ पे जो है वो मिलान करने हैं। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो जैसे राइजोबियम है, तो राइजोबियम के लिए दे रखा है आपके कौन सा, कन्वर्जन ऑफ एटमोसफियर नाइट्रोजन टू अमोनिया, ठीक है। और अगर अपन यहाँ पे जैसे दे रखा है इसके अंदर, ठीक है, तो यहाँ पे आपके क्या हो जाएगा, ये जो फोर्थ ऑप्शन है ना, ये आपके फोर्थ ऑप्शन चला जाएगा इसके अंदर, ठीक है। और इसमें क्या चला जाएगा, आपके फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट सर, एक मिनट, तो दोस्तों एक मिनट थोड़ा सा इंटरप्शन चाहेंगे, माइक के पास आ जाइए, माइक लगाओ, वो कैप्चर कर लेगा, चलो पास कर दो। हां, तो लाइव देखने वाले व्यूअर्स से एक चीज मैं बताना चाहूंगा, अभी बॉस तनोट माचे वहां है, तो बॉस अभी लाइन पे हैं, मैं माइक के पास लेके आ रहा हूं। जी हां सर, जी बॉस, हेलो, पकड़े जी, हां सर, कट ऑफ के बारे में सुबह पता लग पाएगा, कट ऑफ का आइडिया सुबह चल पाएगा, पेपर काफी अच्छा है, जो सर्वे से भी कुछ करना चाह रहे हैं, सर्वे से भी कुछ करना चाह रहे हैं जी, सर्वे जी। बेटा सभी को बिल्कुल सर्वे सर, नो डाउट, हाँ जी बॉस, जी बॉस, नो डाउट सीएलसीएन का ही होना है कल, और इसी उम्मीद पर जो है पिछले 24 महीने निकाले हैं, और अब ये वाला जो है अब के बरस तुझे धरती की रानी कर देंगे और करके दिखाएंगे सीएलसीएन, कैसे नहीं। जी सर, कंटिन्यू करें। हाँ बच्चों, 139 क्वेश्चन नंबर अगर अपन देखें, व्हाट इज द रोल ऑफ आरएनए पॉलीमरेज थर्ड इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोटिक। बच्चों यहाँ पे दे रखा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड, और एनसीईआरटी के अंदर क्लियरली मेंशन कर रखा है आरएनए पॉलीमरेज थर्ड जो होता है वो आपके टीआरएनए, 5S rRNA और स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाने के लिए होता है रेस्पॉन्सिबल, तो ये अपना ऑप्शन राइट हो जाएगा, और ये जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएंगे, रॉन्ग हो जाएंगे, तो इसका आंसर क्या जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन राइट हो जाएगा। देन मैच द लिस्ट विथ लिस्ट सेकेंड, इसमें से अपने को जो है वो मिलान करनी है, तो यहां पर अगर अपन देखें तो जो एस फेज है वो एस फेज जो है वो आपके डीएनए की प्रतिकृति के लिए क्या होता है, रेस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो यहां पे आपके क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन। अब अपन देखें यहां पे ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, बचे दो ऑप्शन अपने, ठीक है। तो यहां पे अगर अपन देखें तो जो क्विसेंट स्टेज है, शांत अवस्था है, वो किसको जाएगा आपके बच्चों, इन एक्टिव फेज को जाएगा या निष्क्रिय अवस्था को जाएगा। तो यहां पे अगर अपन देखें तो सी जो है उसमें आपके सेकंड ऑप्शन दे रखा है, तो यहां पे अपन आंसर क्या कर देंगे, सेकंड ऑप्शन कर देंगे, ठीक है। आज स्टूडेंट सर ने आपसे डिस्कस किए, क्वेश्चन नंबर 140 तक हम बात कर चुके हैं, 140 तक आप डिस्कस कर चुके हैं। देखिए जैसा बार बार मैं इस बात को रिपीट कर रहा हूँ, एक्यूरेसी के साथ बहुत परफेक्ट कंटेंट डिलीवर करना, एक ब्रीफ सॉल्यूशन आप तक पहुँचाना हमारा मोटिव था। हमने ये लाइव जब शुरू किया 101 से लेकर 140 तक क्वेश्चन आप डिस्कस कर चुके हैं, 140 तक जो बॉटनी के क्वेश्चन हैं, बीच बीच में जियोलॉजी के क्वेश्चन आ रहे हैं, तो हमारे बॉटनी और जियोलॉजी की टीम मेंबर्स जितने सारे हैं, साथी हैं, वो सारे आप तक अभी तक क्वेश्चंस के आंसर पहुंचा रहे हैं। हर एक आदमी इन्वॉल्व है, टॉपिक के हिसाब से इन्वॉल्व हो रहा है, और ये अपने आप में हमारे लिए एक एक्साइटमेंट का टाइम होता है, एक्साइटमेंट का दौर होता है, हम लोग सब इन्वॉल्व इसमें होना चाहते हैं, क्योंकि हर एक आदमी का दिन रात इसमें लगा हुआ होता है, हर एक आदमी का खून पसीना इसमें लगा हुआ होता है, हर आदमी की उम्मीदें इसमें लगी हुई होती हैं, हर आदमी के सपने इसके साथ होते हैं, तो डेफिनेटली हर एक आदमी इसमें इन्वॉल्व होना चाहता है। क्वेश्चन नंबर 141 से इसके बाद आपके साथ मैं शुरू कर रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 141 जो आप देख रहे हैं एनाटॉमी से है, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर, इसमें स्टूडेंट्स डाइकोट लीव आपको बताया गया, कह रहा है वेस्कुलर बंडल आर सराउंडेड बाय लार्ज थिक वॉल्ड सेल्स, और आपको ये करेक्ट इसमें से ऑप्शन जो है वो चूज करना है, तो ये कंजक्टिव टिश्यू नहीं होगा। अगर आपको वेस्कुलर बंडल की सराउंडिंग देखनी है तो ऑब्वियस है बंडल सीट सेल्स होनी चाहिए। उसके बाद दिया गया सेल्स ऑफ मेडुलरी रेज दैट फॉर्म द पार्ट ऑफ द कैम्बियम रिंग, डेफिनेटली जो मेडुलरी सेल्स हैं उनकी ये इंटरफेसिकुलर कैम्बियम बनाएंगी, आप जानते हैं
इंटरफेसिकुलर कैंबियम बनाने वाली सेल्स प्राइमरी परमानेंट टिश्यू होती है पीपीटी, तो यहाँ सेकंड आंसर हो जाना चाहिए। उसके बाद में लॉस ऑफ पैरेन्काइमा रप्चरिंग एपिडर्मल सेल आपको दे रखा है जो बार्क सेल्स हैं, और वहाँ स्पॉन्जी लिखा है तो गलत है, और लार्ज कलरलेस सेल्स जो है वो बुली फॉर्म होते हैं। स्टूडेंट्स लास्ट ईयर क्वेश्चन था आपका, करेक्ट आंसर यहाँ हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 142 इन सम मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर फैमिलीज पोलन ग्रेन रिटेन फॉर देयर वायबिलिटी फॉर ए मंथ आफ्टर रिलीज। एम्ब्रियोलॉजी से क्वेश्चन है, एनसीईआरटी में परफेक्टली स्टूडेंट्स आपको लिख के दिया है, तो यहाँ हम कह सकते हैं जो रोजेसी और लेग्यूमिनोसी है ये यहाँ वो फैमिलीज होंगी जिनमें पोलन ग्रेन्स की वायबिलिटी जो है वो अप टू मंथ रह सकती है। नेक्स्ट 143 मैं डिस्कस कर रहा हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? स्टूडेंट्स पहले आपसे पूछा है फ्यूजन ऑफ द प्रोटोप्लास्ट बिटवीन टू मोटाइल और नॉन मोटाइल गैमेट्स इज कॉल्ड प्लाज्मोगेमी। डेफिनेटली इट इज द फ्यूजन ऑफ टू सेल्स, ये सही स्टूडेंट्स है। उसके बाद आपको दिया है ऑर्गेनिज्म दैट डिपेंड्स ऑन द लिविंग प्लांट्स आर कॉल्ड सेप्रोफाइट्स, गलत बात है, वो सेप्रोफाइट्स नहीं होंगे, वो हेटरोट्रॉप्स होते हैं। सम ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन स्पेशलाइज्ड सेल्स कॉल्ड सीथ सेल्स, स्टूडेंट सीथ सेल्स नहीं होंगी, स्पेशलाइज सेल्स जैसे बीजीए में आप डिस्कस करते हैं ये। फिर उसके बाद में आपको फोर दे रखा है फ्यूजन ऑफ टू सेल्स इज कॉल्ड कैरियोगेमी, न्यूक्लियस का फ्यूजन कैरियोगेमी होता है, यहाँ सेल का फ्यूजन आपको दे दिया, तो ऑब्वियस है आपका फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ करेक्ट रेफरेंस हो गया। नेक्स्ट 144 नाउएडेज इट इज पॉसिबल टू डिटेक्ट द म्यूटेंट जीन कॉजिंग कैंसर अलाउिंग द रेडियो एक्टिव प्रोब। तो ये स्टूडेंट्स म्यूटेशन से और आपके जो बायोटेक्नोलॉजी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का क्वेश्चन है मैं आपसे ये डिस्कस करूं। इसमें दिया गया है इट कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए इन क्लोन ऑफ द सेंस फॉलोड बाय द डिटेक्शन यूजिंग ऑटो रेडियोग्राफी। ऑटो रेडियोग्राफी क्यों यूज की जाती है इस डिटेक्शन के लिए? तो यहां देखो दिया गया है म्यूटेड जीन कंप्लीटली क्लियर अपीयरेंस ऑन द फोटोग्राफिक फिल्म, ये नहीं है रेफरेंस। म्यूटेड जीन्स डज नॉट अपियर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रॉब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। तो ये यहाँ परफेक्ट आंसर आपके पास हो जाएगा स्टूडेंट्स, सेकंड आंसर आपका यहाँ करेक्ट होगा। म्यूटेड जीन्स डज नॉट अपियर ऑन ए फोटोग्राफिक फिल्म एज द प्रोब हैज नो कॉम्प्लीमेंट्री विद इट। नेक्स्ट 145 विच ऑफ द फॉलोइंग 145 ये स्टूडेंट्स बायोटेक से क्वेश्चन है। प्लाज्मिड PBR322 हैज PS फर्स्ट रेस्ट्रिक्शन एंजाइम साइड विद जीन एम्प्लीफिकेशन। तो ये जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया है देखिए आपको यहाँ देखने को मिल रही है एक बात की बायोटेक और मॉलिक्यूलर से जो है वो इस बार क्वेश्चंस का लेवल काफ़ी अच्छा है। क्वेश्चंस हमेशा वैसे वहाँ से अच्छे ही आते हैं लेकिन बहुत सीधा पूछने के बजाय कुछ में जो है वो कंसेप्ट इसने फ्रेम किया है, कुछ में अप्रोच रखी है, तो डेफिनेटली पेपर जो है वो थोड़ा सा लेंदी जैसा हम बार बार कह रहे हैं हो गया है। दिस एंजाइम इज यूज फॉर द इंसर्टिंग ए जीन बीटा ग्लाइकोसाइटिक प्रोडक्शन एंड रिकॉम्बिनेशन प्लाज्मिड। तो यहाँ आपसे पूछा गया कि प्लाज्मिड PBR322 में जीन एम्प्लीफिकेशन के अंदर प्रतिबंधित एंजाइम जो है वो एम्प्लीसिन प्रतिरोध को दर्शाता है। यदि इस एंजाइम को बीटा ग्लाइकोसाइडेज उत्पादन के लिए एक जीन के लिए निवेशित किया जाता है और पुनर्योगज डीएनए को इकोला स्ट्रेन में निवेशित किया जाता है तब यहाँ अल्टीमेटली क्या होगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ होगा इट विल नॉट एबल टू कन्फर्म द एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस टू द होस्ट सेल। होस्ट सेल के लिए एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस ये नहीं दे पाएगा। ये 145 क्वेश्चंस आपके पास थे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे अगले साथी आपके साथ आ रहे हैं यतेंद्र सर, लेकिन ये जियोलॉजी के बजाय बॉटनी का ही क्वेश्चन है, मैं ही डिस्कस आपसे कर लेता हूँ। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट आपसे पूछा है। इन ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन वन मॉलिक्यूल ऑफ NADH+H+ गिव्स राइज टू ATP। स्टूडेंट्स इनकरेक्ट हो गया है, वन NADH विल प्रोवाइड 3 ATP और साथ में आपको दिया है FADUH gives rise 3 ATP। यहाँ 3 के बजाय 2 होना चाहिए था, वहाँ 2 के बजाय 3 होना चाहिए था। फर्स्ट स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, हमें आंसर मिल जाता है 146 का। क्लियर, आगे ATP सिंथेसाइज थ्रू कॉम्प्लेक्स 5 सही स्टेटमेंट है। ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन प्रोड्यूस प्रोटोन ग्रेडियंट इन रेस्पिरेशन, ये स्टूडेंट सही है। ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन रोल ऑफ ऑक्सीजन इज लिमिटेड टू द टर्मिनल स्टेज, डेफिनेटली ऑक्सीजन जो है वो टर्मिनल ऑक्सीडेंट की तरह बिहेव करती है, सही है। 147 जो है वे स्टूडेंट्स क्वेश्चन में आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी आपके बायोटेक से है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व इन द आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम स्पेसिफिक रीजन डीएनए सीक्वेंस इज कॉल्ड एज। तो आपसे पूछा गया कि डीएनए अंगुली छाप में अनुक्रम में कुछ विशिष्ट स्थानों पर भिन्नताओं की पहचान की जाती है और इन विशिष्ट स्थानों को क्या कहा जाता है? तो NCERT की लाइन अगर हम एज सेम स्टूडेंट्स देखें तो डेफिनेटली यहाँ रिपीटेटिव डीएनए आंसर होगा। कुछ बच्चों को सैटेलाइट डीएनए जो है वो भी यहाँ लग रहा होगा आंसर होगा। जो हमारा डिटेल सॉल्यूशन आएगा उसमें पूरे कंसेप्ट के साथ आपसे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और बायोटेक के लोग बहुत परफेक्शन के साथ आपसे ये बात डिस्कस करेंगे। क्लियर, नेक्स्ट स्टूडेंट्स
फिर क्वेश्चन 148 आपके पास है, ये कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड आपसे मैच करवाया गया है, कुछ फ्लोरल फॉर्मूलाज आपको स्टूडेंट्स दे रखे हैं, और इसमें देखो मैं जैसा कह रहा था बार बार, हर एक ऐसे क्वेश्चन में आपके पास एक कॉमन चीज ये है कि अगर आपको एक भी पता है तो ऑप्शन की फ्रेमिंग ऐसे ही की गई है कि आप इजीली वहां से डिटेक्ट कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, सबसे पहले अगर हम फ्लोरल फॉर्मूला देखें, 9+1 का रेफरेंस यहां दे रखा है, देखिए ए में एंड्रोसियम, 1+2+2 ये कैलिक्स कॉरोला आपको दे रखा है, गायनोसियम की ये कंडीशन दे रखी है, फेबेसी में ये एग्जैक्टली ऐसा होता है, तो ये थर्ड के साथ में मैच कर सकता हूँ। उसके बाद स्टूडेंट्स आप अगर देखें तो बी जो आपको दे रखा है सोलनेसी में ऐसा होगा, 5 का कॉम्बिनेशन, 3+3 का कॉम्बिनेशन जैसा आप जानते हैं लिलिएसी में स्टूडेंट्स होता है, और ये फिर आपके पास जो बच गया ये ब्रैसिकेसी है, तो ऑब्वियस है इस तरीके से आप इसको मैच कर सकते हैं ए का थर्ड, और मैं जैसा कह रहा था एक ही ऑप्शन देखिए आपके पास ऐसा है तो आप इजीली आंसर पे पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट 149 इकोलॉजी से स्टूडेंट्स क्वेश्चन है, द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन, चर घातांक की वृद्धि समीकरण आपको जो दे रखा है, एनटी इज इक्वल्स टू N0ERT, यहां ई आपसे पूछा गया है, ई क्या है, दिस इज द नेचुरल बेस ऑफ द लॉगरिथम, तो स्टूडेंट्स बेस ऑफ द एक्सपोनेंशियल लॉगरिथम नहीं होगा, दिस इज द बेस ऑफ द नेचुरल लॉगरिथम, यहां आंसर हो जाएगा, सेकंड आंसर यहां परफेक्ट हो जाएगा। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर था 149। उसके बाद आपके पास 150 है, 150 स्टूडेंट्स जो क्वेश्चन आपको दे रखा है, 150 में आपसे कॉलम फर्स्ट और कॉलम सेकंड मैच करवाया गया है, बायोमोलिक्यूल से क्वेश्चन है, जैसे प्रोटीन सबसे पहले दिया, और इसमें भी वही बात आपको है कि सिंगल अगर आपके पास मैच करने के लिए है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छा कर सकते हैं, प्रोटीन है मैं यहाँ कह सकता हूँ, पेप्टाइड बॉन्ड्स अगर मैं उसके साथ कनेक्ट करूँ तो भी हमारा आंसर यहाँ से स्टूडेंट्स आ जाएगा। तो अगर आप देखें फर्स्ट के साथ 4, और उसके बाद आप देखिए अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स आपको दे रखे हैं, न्यूक्लिक एसिड्स दे रखे हैं, पॉलीसेकेराइड्स दे रखे हैं, तो ओबीएस है फोर्थ में ए का फोर्थ हुआ, ये फोर्थ ऑप्शन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ए का फोर्थ। बी के साथ अगर आप देखें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, तो कार्बन कार्बन बॉन्ड आपको दे रखा है, न्यूक्लिक एसिड्स स्टूडेंट्स अगर आप देखें तो फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड डेफिनेटली स्टूडेंट्स हो गया, और पॉलीसेकेराइड अगर आप स्टूडेंट्स देख रहे हैं यहाँ तो आप देख सकते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हो गया। तो इस तरीके से हमने 101 से 150 तक क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, जो एग्जैक्टली बॉटनी का पोर्शन इस पेपर में डिफाइन है, बाबूलाल चौधरी सर आपके बीच हैं, कुछ बातें आपके सामने रखेंगे इस पेपर से रिलेटेड, और आगे भी जो क्वेश्चंस आएंगे बॉटनी के और कुछ पोर्शंस हैं उसमें हम लोग आपसे मिलते रहेंगे, आपसे बात करते रहेंगे। बीएल सर आज के पेपर के बारे में और जो सीएलसी का कंटेंट है सॉल्यूशन उसके बारे में ब्रीफ आप कर दें एक बार, जिससे हम आगे बढ़ सके। देखिए स्टूडेंट्स, आपने जो पेपर किया होगा पैनिक होने की जरूरत नहीं, एक दो क्वेश्चन आपके रह गए होंगे क्योंकि पेपर थोड़ा लेंथी था, कंसेप्चुअल था, मैच द कॉलम के 13 क्वेश्चन के लगभग थे, और सारे क्वेश्चन आपको पता होगा कि अपने जो डीसीएम पेपर्स थे, बायोकेम डीटीएस या डीसीएम पेपर जो मेजर पेपर अपने हुए वहां से क्वेश्चंस आए हैं, क्वेश्चन डायरेक्ट अप्रोच है, एनसीईआरटी है, कंसेप्चुअल है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, सीएलसी के पूरे मैटर से क्वेश्चन हैं, चाहे बायोकेम डीटीएस हो, डीसीएम पेपर हो, और सबसे बेस्ट हमारे जो मेजर्स थे, और कोई दिक्कत नहीं, एक आधा क्वेश्चन रहा तो बच्चों के लिए थोड़ा लेंथी पेपर है। अब मैं महेंद्र सर से आग्रह करना चाहूँगा कि एक से पचास क्वेश्चन को रिपीट करेंगे, एक बार आप और तरीके से मिला लेंगे, क्योंकि 150 क्वेश्चन की बहुत फास्ट आंसर की हम एक साथ आपको बताएंगे, क्लियर। तो महेंद्र सर आप 40 से 50 के आंसर की पूरी 150। हाँ तो आओ, तो आप साथ आओ प्लीज सर। हाँ वो आ रही है सर, डिस्प्ले हो रही है आपके सामने, वो तो मार कर बोलते फर्स्ट 1 से 50 है ना, फर्स्ट से आपको निकालना है, तो एक बार आराम से कूल माइंड से आपको आंसर की को वापस से देख लेना है, अलग अलग कोड के आपके पास पेपर्स होंगे, सारे क्वेश्चंस को आपको बहुत तरीके से देख लेने हैं। बस एक रैपिड फायरबैक ले लेते हैं, और आप बहुत बहुत धन्यवाद, आप पिछले लगातार एक घंटे से इस संस्था से जुड़े हुए हैं, इस चैनल से जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ अभी ये 150 वाले जो है एक बार तुरंत रिवाइज करवा देते हैं, उसके बाद बिना इंटरप्शन के रिमेनिंग 150 क्वेश्चन जो हैं वो आप तक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 101 जी बाबूलाल जी। इन द इक्वेशन जीपीपी माइनस आर एनपीपी जो सर ने बताया, आर क्या होता है, तो आर रेस्पिरेशन लॉस होता है, जो टोटल फोटोसिंथेसिस होता है प्लांट के द्वारा जीपीपी, आर रेस्पिरेशन लॉस हो गया, और नेक्स्ट ट्रॉफिकली अवेलेबल फूड एनपीपी हो गया, यहां पर थर्ड आंसर है, डायरेक्ट आंसर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन जी,
102 रहेगा, 102 का आंसर 1 चला जाएगा। Which of the following plant monoecious कारा हो जाएगा? शानदार, क्योंकि दोनों सेक्स ऑर्गन एक में है। बिल्कुल। Next, 103. Which of the following is correct sequence of step in PCR? तो PCR में आपका denaturation है, annealing है, extension है, 4 आंसर आपका चला जाएगा। Next, 104. 104 में lenticle को आप सीधा बनाएंगे, उसका primary function X gas, action जो gases होता है, clear? और आप समझ सकते हैं core cambium यहाँ पर phallogen है और सेकेंडरी कॉर्टेक्स फेलोड्रम है और कॉर्क आप जमते सुबेरिन डिपोजिशन है, तो आंसर आपका फर्स्ट हो जाएगा। तो यही एक बार वापस रोकना चाहेंगे, पीपीटी नहीं आई थी इस कारण हमने वापस रिवाइज करवा रहे थे आपको। आ जाएं क्वेश्चन नंबर 151 पे आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा अपना, अगली पीपीटी है 151 जूलॉजी पोर्शन है और इस जूलॉजी पोर्शन की स्टार्टिंग कर लेते हैं। तो काफी इजी अप्रोच के साथ ये पेपर जो है ये कंडक्ट हुआ था, इसी को ही आगे फॉरवर्ड करवा देते हैं। अगला जो सॉल्यूशन रहेगा ये हमारे जूलॉजी के ही फैकल्टी मेंबर हैं यतेंद्र जी उपाध्याय, ठीक है? तो ये वाला पोर्शन यतेंद्र जी के द्वारा कंडक्ट करवाया जाएगा, इसी प्रकार जुड़े रहें। और इस जूलॉजी पोर्शन के बाद में फिजिक्स का सॉल्यूशन होगा, केमिस्ट्री का सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा और अर्ली इन द मॉर्निंग आपको गैस कट ऑफ भी प्रोवाइड करवा दी जाएगी। ओके, क्वेश्चन नंबर 151 जो बोटनी से, विच स्टेज ऑफ मियोटिक प्रोसेस टर्मिनलाइजेशन ऑफ कियाज़मेटा? तो कियाज़मेटा का टर्मिनलाइजेशन डाइकाइनेसिस में होता है, आंसर यहां पर आपका हो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट 152 क्वेश्चन आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म होलो न्यूमेटिक लॉन्ग बोन्स? हाँ बच्चों कैसे हो? तो आई होप आप लोगों ने अच्छा किया होगा और जो 25 नंबर का गैप था जो सुनील जी कह रहे थे वो पूरा हुआ होगा ना, और उम्मीद है आपको अच्छा किया होगा और अग्रिम बधाई रिजल्ट के लिए। तो बाकी क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म बियर होलो एंड न्यूमेटिक लॉन्ग बोन? वर्टिब्रेट से क्वेश्चन है और ये बर्ड से रिलेटेड है और न्यूमेटिक बोन्स मतलब जिनको ये हल्का बनाए, तो उड़ने के लिए एक अडेप्टेशन है, तो इसमें सीधा आपको जो है वो बर्ड से रिलेटेड ऑप्शन देखना था। हेमिडेक्टाइलस ये लिजार्ड है, वो लिजार्ड तो ये होगा नहीं। मैक्रोपस मैमल है तो ये नहीं होगा। ये भी अगर आप लोग देखें ऑर्निथोराइनेसिस मैमल है और ये एग लेइंग मैमल है, और इसके अलावा नियोफ्रोन जो है आपका यहाँ पर बर्ड्स है, तो सिंपल सा आंसर 4 हो जाएगा। ठीक है, फिर मैचिंग वाला क्वेश्चन है, फाइसेलिया जो है वो इसका सेकंड हो गया और उसके बाद में ए का 2 और उसके बाद में लिमुलस किंग, लिमुलस के लिए अपन कह सकते हैं लिविंग फॉसिल बी का 3 और एनकाइलोस्टोमा हुकवॉर्म सी का 4 और पिंक टेडा मोलक से है और पर्ल ऑयस्टर सिंपल सा क्वेश्चन था तो डी का 1। इस तरीके से आप लोग जब मैच करोगे तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और इसके अंदर इनकरेक्ट देखना अपने को और ये कॉकरोच से रिलेटेड क्वेश्चन था। ठीक है, तो पहला है हाइपोफेरिक्स लाई विद इन द केविटी एनक्लोज्ड बाई माउथ पार्ट्स, बिल्कुल सही है। और उसके बाद में फीमेल के अंदर अगर अपन देखें तो 7 से लेके 9th जो स्टर्ना है वो मिलकर के जेनाइटल पाउच का फॉर्मेशन करते हैं, ये भी एनसीईआरटी की लाइन है, ये भी सही है। और फिर थर्ड ऑप्शन 10th एब्डोमिनल जो सेगमेंट है दोनों सेक्स के अंदर डोर्सली अगर हम लोग बात करें तो उनमें एनल सर्कस प्रेजेंट होता है, दोनों में कॉमन है और एनल स्टाइल जो है वो 9th स्टर्ना से रिलेटेड है और वो केवल मेल में था, है ना, तो ये भी सही है। ए रिंग ऑफ गैस्ट्रिक सेकी इज प्रेजेंट एट द जंक्शन ऑफ फोरगट एंड मिड गट, है ना, और ये वाला जो था वो मेलपिगिन ट्यूब्यूल वाला था ना, तो ये वाला यहाँ पर रॉन्ग हो गया और अपना आंसर इनकरेक्ट पूछ रहा था तो आंसर हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के रेस्पेक्ट में पूछा जा रहा है जिसमें हमारा इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के जो एंटीजन है उनको नॉन सेल्फ मानते हुए उन पर अटैक करता है ना, और ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन से रिलेटेड है जिसमें जो एसिटल कोलाइन ACH का जो रिसेप्टर है प्री पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी जो वो बन जाता है और उसको बोला गया है माइस्थेनिया ग्रेविस, इससे मसल वीक हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन होता नहीं है, है ना, तो सेकेंड आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है ए बी ब्लड ग्रुप से रेस्पेक्ट में जिसको यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा गया है और इसके अंदर अगर हम लोग देखें तो इसमें RBC के ऊपर ए एंटीजन भी है और बी भी है लेकिन इसके प्लाज्मा में एंटीबॉडी नहीं है, और इसको रिसिपिएंट क्यों बोला है, मतलब ये एक्सेप्टर क्यों है, क्योंकि इसके प्लाज्मा में दोनों एंटीबॉडी NTA और NTB नहीं है, है ना, और ओ के लिए यूनिवर्सल डोनर कहा गया है क्योंकि उसके RBC पे कोई एंटीजन नहीं है, है ना, तो यहाँ पर जो AB के रेस्पेक्ट में पूछा है तो इसके रेस्पेक्ट में अपने देखना कि अब्सेंस ऑफ एंटीबॉडीज NTA एंड NTB इन प्लाज्मा, है ना, तो थर्ड आंसर हो जाएगा।
एरिथ्रोपोइटिन हॉर्मोन से एरिथ्रोपोइसिस से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें आरबीसी जो है उसके फॉर्मेशन को इंड्यूस किया गया है। एरिथ्रोपोइसिस को कई हॉर्मोन जो है वो इंड्यूस करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो सीधा जैसे सेल ऑफ बोन मैरो नई सेल, यहाँ पर तो अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो एरिथ्रोपोइसिस हो रहा है, ये वो साइट है। सेल्स ऑफ यहाँ पर रोस्टेल एडिनो हाइपोपोइसिस, ये थोड़ा सा यहाँ पर आई थिंक मिसप्रिंट हो गया है। और फिर जक्स्टा ग्लोमेरुलर सेल, बिल्कुल जो जेजी सेल्स है ना, और ये एफरेंट आर्टेरियल जो है उसमें स्मूथ मसल का ही मॉडिफिकेशन है। लास्ट ईयर शायद 2019 के अंदर ही ऐसा ही क्वेश्चन आया भी था, जिसके अंदर हीमोडायलिसिस के रेस्पेक्ट में रिलेट करके ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो यहाँ पर आप लोग देखिए कि जो जेजी सेल्स है वो रेनिन का फॉर्मेशन भी कर रही है और वो एरिथ्रोपोइटिन का फॉर्मेशन भी करती है। तो आंसर अपना हो जाएगा थर्ड, अल्फा सेल जो है वो तो ग्लुकागोन का फॉर्मेशन करती है ना। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं, वेनेरियल डिजीज़ के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, और इस के अंदर एक साथ जैसे बैक्टीरियल वायरल प्रोटोजोन सब के लिए एक साथ बात किया गया है ना। और पूछा गया है कि ये किसके थ्रू स्प्रेड हो रहा है, तो ये सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और ब्लड जो कॉन्टैक्ट है उसकी वजह से मेनली होता है। तो यूजिंग स्टेराइल नीडल नहीं, ये तो जो है स्टेरलाइज्ड है, तो इस पर इन्फेक्शन नहीं हो सकता ना। अगर इसकी जगह होता नॉन स्टेरलाइज्ड या अनस्टेरलाइज्ड नीडल तब ये आंसर हो जाता ना, तो ये नहीं होगा। ट्रांसफ्यूजन ऑफ ब्लड फ्रॉम इन्फेक्टेड पर्सन, बिल्कुल सही है, और इसके लिए एनसीईआरटी लाइन भी लिखी है कि इनमें एचआईवी का इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा है जिनको बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जरूरत पड़ती है ना। तो ये हो जाएगा इन्फेक्टेड मदर से फीटस में हो सकता है, प्लेसेंटा को क्रॉस कर जाते हैं। किसिंग जो है इसको हम लोग इसके अंदर नहीं इंक्लूड करेंगे। एक साथ वेनेरियल डिजीज़ के रेस्पेक्ट में ये लिया गया है ना, तो इसमें जो है इसको इससे हम लोग बाहर रखेंगे, ठीक है ना। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। फिर इनहेरिटेंस नहीं, ऐसा भी नहीं होता। ब्लड कॉन्टैक्ट एंड सेक्सुअल कॉन्टैक्ट और बॉडी के फ्लूड में भी हो सकता है। तो इसमें पूछा कि किससे हो सकता है ना, तो बी एंड सी, तो यहाँ पर बी एंड सी ओनली, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, विद रिगार्ड टू इंसुलिन डज करेक्ट, अच्छा इंसुलिन के रेस्पेक्ट में पूछा है, और इंसुलिन अगर मैच्योर नहीं है तो उसमें ए बी एंड सी पेप्टाइड होते हैं। अगर मैच्योर नहीं है, मैच्योर होने पे उसके अंदर जो सी पेप्टाइड है वो अलग हो जाता है। फिर भी बॉटनी का क्वेश्चन है तो चलो कर लेते हैं इसको। तो सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, बिल्कुल सही है। इसके अंदर ए और जो बी चेन है वो डाइसल्फाइड बॉन्ड से जुड़ी होती है, तो ये वाला जो वो सही हो जाएगा। इसके अलावा द इंसुलिन प्रोड्यूस बाई आर डी एन ए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, ये ह्यूमुलिन है, और इसके अंदर अगर भी हम लोग बात करें तो दो चेन को अलग अलग बैक्टीरिया के थ्रू सिंथेसाइज किया गया है ना। तो फिर भी अगर अपन लोग देखें तो मैच्योर इंसुलिन के रेस्पेक्ट में इसको हम लोग मान लेते हैं। और आगे बाबूलाल जी हैं तो इसको कंटिन्यू कर लेते हैं, बॉटनी से रिलेटेड क्वेश्चन है ना। वैसे आंसर इसके अंदर जो है सेकंड जा रहा है, फिर भी इसको डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं सर। सेकंड ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 160, तो आंसर बताना है। विथ रिगार्ड क्वेश्चन नंबर 159, विथ रिगार्ड टू इंसुलिन चूज करेक्ट ऑप्शन, इंसुलिन के संदर्भ में उचित विकल्प का चयन करो, या सी पेप्टाइड इज नॉट प्रेजेंट इन मैच्योर इंसुलिन, ये नहीं होगा, द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाई आर डी एन ए टेक्नोलॉजी, और द इंसुलिन प्रोड्यूस्ड बाई आर डी एन ए टेक्नोलॉजी हैज सी पेप्टाइड, तो आंसर विल बी सेकेंड। और नेक्स्ट आपने क्वेश्चन 160, द पार्शियल प्रेशर इन एम एम एज ए ऑक्सीजन, जूलॉजी से क्वेश्चन, देखो पार्शियल प्रेशर एंड कार्बन डाइऑक्साइड डी एलब्रिंग, इसने पूछा है कुपिकाओं में जो आंशिक दाब होता है वो कितना होना चाहिए। इसमें आपको मालूम है कि जैसी पार्शियल प्रेशर एटम एटमोसफियर पर 159 नीचे आए 104 और पी सी ओ टू 40, आंसर कितना हो गया 4। नेक्स्ट, तो अभी अपने 151 से 160 तक के क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर जो है वो डिस्कस किए। एक बार मैं रैपिड रिवीजन के द्वारा एक बार ये आंसर बता देता हूँ, वैसे पीपीटी आ भी गई है, एक साथ देख लेंगे उसके बाद में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं, 161 से लेकर 170
ये वाला डिस्कस करेंगे। और आपको पता है 200 तक के जो क्वेश्चन है यहाँ पर जूलॉजी और बॉटनी ये पोर्शन मिक्स है, क्योंकि स्टार्टिंग वाले में भी मिक्सअप रहा था। 161 क्वेश्चन रहेगा जी। तो मैं अगले क्वेश्चन के लिए भारत सर को इन्वाइट करूंगा। जी सर। यस, नेक्स्ट देखो, कौन सा एंजाइम निष्क्रिय फाइब्रोजन को फाइब्रीन में बदलने के लिए उत्तरदायित्व है? आप एनसीईआरटी पे देखेंगे कि वहाँ एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म में थायोकाइनेज लिखा हुआ है, लेकिन वो आगे है। इसमें स्पेशली क्या पूछा गया, फाइब्रिनोजन और फाइब्रीन का रिलेशन एनसीईआरटी में साफ साफ स्पष्ट लिखा हुआ है थ्रोम्बिन, इसमें कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आंसर गया 4। नेक्स्ट इसमें पूछा गया, यस बॉटनी से बाबूलाल सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनी का रहेगा, बाबूलाल सर डिस्कस कर रहे हैं। अरे क्वेश्चन नंबर 162, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट पेयर। यहाँ पर आपको इनकरेक्ट पेयर देखना है तो डर्ग रिसिन, यहाँ पर रिसिन डर्ग नहीं है, आप आंसर हो गया 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163, मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकंड एज पर जिलस नाइगर। तो यहाँ सिट्रिक एसिड जो विड ऑफ लेबोरेटरी है प्रयोगशाला खरपतवार है, ए में आपका क्या हो गया 3। यहाँ पर ए में 3 का आंसर एक ही है 4। यस, तो आंसर विल बी 4। नेक्स्ट विच वन ऑफ द, इसमें पूछा गया है आईयूडी का उदाहरण कौन सा है, वो भी हार्मोनल, और ये कई बार आप देखते हो कि कई बार आ चुका है इसमें एलएनजी 20 मतलब 1 आंसर। नेक्स्ट इसमें आपको मैच करवाना है फर्स्ट और सेकंड लिस्ट से। देखो यहाँ फर्स्ट आप देखो मेटामेरिक स्टेज जो बनती है मेटामेरिज में, जो कि आप 3rd पे देखेंगे, फिर कैनल सिस्टम ये पोरीफेरा से रिलेटेड हो गया, कॉम्प्लेट ये टीनोफोरा से हो गया, और लास्ट में निडोब्लास्ट सिलेंटेटा। इसका मतलब यहाँ आंसर कौन सा चला गया 2nd। नेक्स्ट यहाँ से नेक्स्ट ये बॉटनी का एक क्वेश्चन है, इसमें डीएनए रेप्लिकेशन से रिलेटेड यहाँ पर इंफॉर्मेशन आपको कलेक्ट करनी है। द स्पेसिफिक रिकॉग्नाइज सीक्वेंस आइडेंटिफाई द एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम। ये एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम है जो कि बायोटेक्नोलॉजी में यूज होता है, और एक्चुअली ये एक पैलेंड्रोमिक डीएनए पर ही वर्क करता है। पैलेंड्रोमिक डीएनए हम समझते हैं कि 6 न्यूक्लियोटाइड का एक कॉम्बिनेशन होता है, जैसे कि गाड़ी हो तो टाटा सी, जिसे इको आर्बन कट करता है। तो बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस क्वेश्चन है, नो डाउट हमें नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करना है। जूलॉजी का है, यहाँ आप देख रहे हैं ये डाइजेस्टिव सिस्टम से है। इसमें पूछा गया है सगस एंट्रिकस का संदर्भ किससे है, मतलब किससे रिलेटेड है या क्या बताना चाह रहा है। तो यहाँ पर देखो इंटेस्टाइनल जूस मतलब आत्रीय रस से इसका फर्स्ट आंसर चला जाता है। नेक्स्ट इसमें पूछा है इन स्टेटमेंट को पढ़ना है और आपको इसमें से ढूंढना है कौन सा करेक्ट फॉर्म में बताया गया है। देखो फर्स्ट यहाँ बेटाजीनेसिस इज ऑब्जर्व इन हेलमंथीस, ये यहीं पर रॉन्ग हो गया, क्योंकि जनरेशन ऑफ अल्टरनेशन की फॉर्म जो होती है वो आपके सामने सिलेंटेट से स्टार्ट हो जाती है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। इसमें इकाइन ऑर्डर मेटा है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक और सिलोमेट होता है। आपको मालूम है ये ट्रियोसिलोमेट के फॉर्म में साइजोसिलोमेट और एंट्रो, तो दोनों ही यहाँ एंट्रोसिलोमेट लेकिन सिलोमेट के फॉर्म में है, इसका मतलब करेक्ट है। राउंड बॉम यहाँ पर एसके हेलमंथीस का जो बताया गया है, एसके हेलमंथीस से स्पेशली यहाँ पर क्या हो गया ऑर्गन सिस्टम बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। कॉम्प्लेंट प्रेजेंट इन टीनोफोरा, यहाँ तक तो सही है लेकिन आगे क्या कह दिया हेल्प इन डाइजेशन, इट इज रॉन्ग, इसलिए इसको अपन क्या करेंगे रॉन्ग। फिर वाटर वैस्कुलर सिस्टम इज करेक्ट टॉपिक का इन वाटर मेडा, स्पेशली ये भी सही हुआ, तो आंसर कौन कौन से सही हुए बी सी एंड ई, मतलब आपके आंसर गया बी सी एंड ई इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनी का है, एक्चुअली यहाँ पर विच ऑफ द फॉलोइंग ओनली एंजाइम दैट हैज कैपेबिलिटी टू कैटलाइज इनिशिएशन इलोंगेशन टर्मिनेशन, एंड एक्चुअली ये पिछली साल का ही क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट हुआ है। कहा जाता है एनसीईआरटी में लिखा भी है कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है जिसमें इलोंगेशन उसका इनिशिएशन और टर्मिनलाइजेशन जो प्रोसेस है उसे पिछली साल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसके अकॉर्डिंग था आरएनए पॉलीमरेज। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा चेंज किया है इसको, ये डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज, मतलब अल्टीमेटली देखा जाए तो ये आरएनए पॉलीमरेज को ही एक्सप्लेन कर रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर बन जाता है फर्स्ट। लाइगेज हो नहीं सकता क्योंकि ये दो डीएनए को असेंबल करता है, डीएनएज हो नहीं सकता क्योंकि ब्रेक डाउन करता है, डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज ये डीएनए पॉलीमरेज को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसलिए ये भी आंसर हमारा नहीं है, करेक्ट आंसर हमारा फर्स्ट है। नेक्स्ट
ये अपना बढ़िया क्वेश्चन है, नो डाउट सेल डिवीजन से क्वेश्चन लिया गया है। यहाँ पर कहा है सेंट्रियोल में जो डुप्लीकेशन होता है वो किस फेज में होता है। एनसीईआरटी में बिल्कुल लिखा है हिस्टोन प्रोटीन फॉर्मेशन और सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, ये एस फेज के यूनिक करेक्टर कंसिडर किए गए हैं, तो इसलिए हमारे पास इसका बेहतरीन आंसर है और इसका एस फेज है, बिल्कुल एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है, फोर्थ इसका करेक्ट आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, तो ये एक्चुअली हमारे कुछ क्वेश्चंस जो आप देख रहे हैं सीएलसी प्लेटफॉर्म से जो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ये लाइव सेशन है और इसमें आपके क्वेश्चंस को डिस्कस किया जा रहा है। हमारे अगला जो क्वेश्चन है आपके लिए, द ऑर्गेनेल दैट आर इंक्लूड इन द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में वो सभी सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व होते हैं जो मेम्ब्रेनस हैं, यूकेरियोट में पाए जाते हैं और वो किसी एक स्पेसिफिक फंक्शन के लिए आपस में कोरिलेट करते हैं। तो इसमें आपकी एनसीईआरटी ने लिख रखा था कि ईआर, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम एंड बैक्यूल दे आर इंक्लूड एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम, बट माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड एंड पेरोक्सिसोम आर नॉट इंक्लूड एज ए एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। तो इसका मतलब यह है कि आप देखिए कि यहाँ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गॉल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, बैक्यूल बिल्कुल एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है, आंसर तो हमें फर्स्ट ही मिल जाता है, लेकिन यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया होने से ये गलत हो जाता है। अब थर्ड ऑप्शन में माइटोकॉन्ड्रिया दिया है, माइटोकॉन्ड्रिया इज नॉट ए पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। अगर स्टूडेंट को ये बिल्कुल छोटी सी बात समझ में आती है, पता है, तो बड़े आराम से इसको फर्स्ट आंसर वो लगा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जूलॉजी का क्वेश्चन है, सर डिस्कस करेंगे। हाँ, इसमें देखिए 172, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू द फैमिली मस्किडी, मस्किडी फैमिली से रिलेट जो है वो इनमें से कौन सा है, ग्रास ऊपर, कॉकरोच, हाउस फ्लाई, फायर फ्लाई, तो कौन सा करेक्ट होना चाहिए, हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का कॉमन नेम मस्का डोमेस्टिका, तो मस्का जीनस, डोमेस्टिका स्पीसीज एंड फैमिली मस्किडी, तो फर्स्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग, ये सॉरी थर्ड आंसर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट हो जाएगा, तो ये इसमें थर्ड आंसर करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट, ये इकोलॉजी से क्वेश्चन है, डैप्सन यूनिट है, एक्चुअली यहाँ आपके लिए पॉल्यूशन से रिलेटेड है, डैप्सन यूनिट आर यूज्ड मेजर थिकनेस, बिल्कुल एनसीईआरटी में लिखा हुआ है। ओके, ये ओजोन के रेस्पेक्ट में ये यूनिट यूज होती है, तो हमारे लिए सेकेंड करेक्ट आंसर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए क्रॉस बिटवीन ए मेल एंड फीमेल बोथ हेट्रोजाइगस फॉर सिकल सेल एनीमिया जीन, व्हाट परसेंटेज ऑफ द प्रोजेनी विल बी डिजीज्ड। जेनेटिक्स का शानदार क्वेश्चन है जिसमें मेल एंड फीमेल बोथ पेरेंट्स हेट्रोजाइगस, इट मींस सिकल सेल एनीमिया के लिए बोथ पेरेंट्स हेट्रोजाइगस है, तो इसमें जैसे हेट्रोजाइगस कंडीशन में ये अगर इस टाइप से अगर करें तो इसमें नेक्स्ट जो प्रोजेनी आएगी इनकी, तो वो ऑटोसोमल रिसेसिव ट्रेट है, इसके अकॉर्डिंग इसका रेशियो क्या आएगा, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस एंड ये, तो ये रिसेसिव ट्रेट वाले जो है वो कितनी आएगी, 25% जो है वो इसमें करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा 25%। क्लियर, तो इसमें नेक्स्ट मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड, लिस्ट फर्स्ट वोल्ट, आईयूडीज, वैसेक्टोमी एंड ट्यूबेक्टोमी, सेकंड लिस्ट में एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, तो मैचिंग देखनी है आपको, वोल्ट क्या काम करेगा, वोल्ट का डायरेक्ट फंक्शन है एंट्री ऑफ स्पर्म थ्रू सर्विक्स इज ब्लॉक्ड, तो ये स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर रहा है, करेक्ट इसके साथ फर्स्ट ही करेक्ट आ जाएगा। आईयूडीज, आईयूडीज इंट्रायूट्राइन डिवाइस है और ये इंट्रायूट्राइन डिवाइस है वो क्या कर रही है, स्पर्म्स की फैगोसाइटोसिस करवा रही है, तो स्पर्म की फैगोसाइटोसिस करवाएंगी तो इसके साथ थर्ड मैच करेगा। नेक्स्ट वैसेक्टोमी, वैसेक्टोमी में रिमूवल ऑफ वास डिफरेंस, तो वास डिफरेंस का रिमूवल वैसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी रिमूवल ऑफ फेलोपियन ट्यूब, तो ये इसके साथ फोर्थ, तो उसके अकॉर्डिंग करेक्ट फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, फर्स्ट थर्ड सेकंड फोर्थ, तो क्या होना चाहिए करेक्ट आंसर इसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट। क्लियर,
उसके बाद नेक्स्ट सेलेक्ट द फेवरेबल कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सीमोग्लोबिन एट द एल्वेलाई. एल्वेलाई में ऑक्सीमोग्लोबिन बनने के लिए फेवरेबल कंडीशन जो है वो क्या होती है, हाई पीओ टू, लो पीसीओ टू, लो टेम्परेचर, लो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड हाई पीएच. तो इसके अकॉर्डिंग जो है वो क्या आना चाहिए, हाई पीओ टू, लो पीसीओ टू, लेस हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड लो टेम्परेचर. तो इसका फोर्थ आंसर इसके अकॉर्डिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा. उसके बाद नेक्स्ट 177. ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है और ये बायोटेक से क्वेश्चन लिया गया है. यहाँ मिक्स क्वेश्चन है जूलियस बॉटनी के. द फॉर द अफेक्ट ट्रीटमेंट ऑफ द डिसीज, ये एक्चुअली डिसीज के ट्रीटमेंट की बात करिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड अंडरस्टैंडिंग इट्स पैथोलॉजी, किसी भी रोग की परफेक्ट क्योर के लिए उसको अर्लियर डायग्नोसिस मस्ट होता है. तो मॉलिकुलर डायग्नोसिस से ये क्वेश्चन लिया गया है. इंपॉर्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिकुलर डायग्नोसिस टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल अर्लियर डिटेक्शन. एक्चुअली सदर्न ब्लॉटिंग टेक्निक जो होती है उसमें डीएनए को डिटेक्ट किया जाता है. तो ये सिर्फ डीएनए के रेस्पेक्ट में. एलाइजा टेस्ट जो होता है इसमें हम एंटीबॉडी एंटीजन इंटरेक्शन देखते हैं और उसमें हम अर्लियर डायग्नोसिस बहुत सारे माइक्रोब्स का कर सकते हैं. हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक ये हो नहीं सकती. वेस्टर्न ब्लॉटिंग, एक्चुअली वेस्टर्न ब्लॉटिंग आरएनए के रेस्पेक्ट में स्टडी की जाती है. तो इसीलिए हमारा ये करेक्ट आंसर एलाइजा टेस्ट मतलब सेकेंड बन जाता है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन से लिया गया क्वेश्चन है. रिसेप्टर फॉर स्पर्म बाइंडिंग इन मैमल्स आर प्रेजेंट ऑन. तो स्पर्म बाइंडिंग के लिए जो रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे वो कौन सी में होंगे, एग मेम्ब्रेन, जोना पेलुसिडा में ये इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होंगे. तो थर्ड आंसर इसके लिए करेक्ट हो जाएगा, जोना पेलुसिडा. क्लियर. और नेक्स्ट बोटनी से बायोफर्टिफिकेशन ऑफ क्रॉप, ये बढ़िया क्वेश्चन है. टिश्यू कल्चर टेक्निक से लिया गया है. बायोफर्टिफिकेशन का मतलब है कि जहाँ पर हम न्यू जो क्रॉप्स प्रोड्यूस कर रहे हैं उनमें न्यूट्रिएंट्स का कंटेंट इंक्रीज किया जाए. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जेक्ट बायोफर्टिफिकेशन इन क्रॉप्स, इम्प्रूव रेजिस्टेंस टू डिसीज, इम्प्रूव विटामिन कंटेंट. ये बायोफर्टिफिकेशन का मतलब होगा. हिडन हंगर को क्योर करने के लिए आपको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स मिनरल कंटेंट इसमें बढ़ाना पड़ेगा और इस पर ये प्रोटीन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा. इसके लिए यहाँ अपने फ्लेवर सेवर एक फूड बताया गया है, गोल्डन राइस. इसी पॉइंट पर यहाँ पर एनसीईआरटी ने मेंशन किया है ये जो चीज है इसमें बायोफर्टिफिकेशन में इसे यूज नहीं किया जाएगा. फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर ये एक्चुअली इसका नॉट पूछा है कि इसमें कौन कंटेंट नहीं है. तो आपका इसमें फर्स्ट नॉट पूछा है तो ओबियसली ये फर्स्ट आंसर इसका बन जाएगा. ठीक है. नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखिए, स्पिंक्टर ऑफ ओडी की बात की है यहाँ पर. तो देखिए स्पिंक्टर ऑफ ओडी जो होता है, जैसा कि हमें पता है कि हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट जो किसकी वजह से बनती है, लीवर से आने वाली कॉमन बाइल डक्ट और पैनक्रिया से आने वाली मेन पैनक्रियाटिक डक्ट की वजह से बनती है हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट, और जो किसमें ओपन होती है, ड्यूडेनम में ओपन होती है. तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, स्पिंक्टर ऑफ ओडी किसे गार्ड करता है ये हमसे पूछा है. बिल्कुल एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों. तो देखो, जंक्शन ऑफ हेपेटोपैनक्रियाटिक डक्ट एंड ड्यूडेनम, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन में ही हमें एकदम फ्लैट आंसर मिल गया. तो हम पूरा समय बचाते हुए यहाँ पर आंसर क्या दे देंगे, फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन बॉटनी. तो बच्चों देखिए, इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर हमें क्या है, कॉन्सेप्ट पे बिल्कुल काम करते हुए आंसर देना था. और इस तरीके के क्वेश्चंस के अंदर एक चीज आपने नोटिस की होगी कि क्वेश्चंस जो हैं हमारी एनसीईआरटी के आसपास आते हैं. ना तो क्वेश्चन बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा बाहर से आया है, सब आपने पढ़ा हुआ है और खासकर दंगल में आपके एक एक क्वेश्चन कवर हुआ हुआ है. तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो अभी काफ़ी लेट हो चुकी है, आपको पता है कि पिछले डेढ़ घंटे से सॉल्यूशन चल रहा है. अपन रैपिड इसके डायरेक्ट आंसर देख लेते हैं क्या रहेगा. आ जाएं सर मेरे साथ ही आ जाएं. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ जीन एम्प्लीकेशन यूजिंग पीसीआर, इफ वेरी हाई टेम्परेचर इज नॉट मेंटेन द बिगनिंग, तो डायरेक्ट आंसर पीसीआर के रेस्पेक्ट में कौन सा चला जाता है, डीनेचुरेशन चला जाएगा. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 182 रहेगा अपना.
फ्रूट फ्लाई 8 क्रोमोजोम की बात की है और G1 से S फेज में जाने की बात कर रहा है तो क्रोमोजोम का नंबर नहीं बदलेगा, आंसर क्या चला जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 चला जाता है, ठीक है, 8 चला जाएगा। नेक्स्ट 183, विच ऑफ द फॉलोइंग आरएनए इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, किसका रोल नहीं है siRNA में, कोई भी रोल नहीं है प्रोटीन सिंथेसिस का। 184, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रॉन्गली रिप्रेजेंट द नेचर ऑफ स्मूथ मसल, स्मूथ मसल के रेस्पेक्ट में पूछा गया है, इनवॉलेंट्री होती है, बिल्कुल होती है, लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या है, रॉन्गली, रॉन्ग देखना है अपने को, सेकंड कार्डियक मसल के नेचर में आ गया, कार्डियक मसल के रेस्पेक्ट में हो जाएगा, तो ये क्या तो स्मूथ पूछा है, आंसर सेकंड चला जाएगा इसका, मसल प्रेजेंट वॉल ऑफ ब्लड वेसल स्मूथ होती है और नो स्ट्रिएशन स्मूथ मसल में, कोई भी धारियां नहीं होती है। नेक्स्ट 185 रहेगा, इफ एडिनिन मेक 30%, ये वाला जो क्वेश्चन दिया गया है इसमें आपको प्रोपोर्शन निकालना है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या चला जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड चला जाएगा आपका, ओके। नेक्स्ट 186 रहेगा, विच ऑफ दीज इज नॉट ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट पार्चुरेशन ऑफ ह्यूमन के रेस्पेक्ट में बता रखा है, तो प्रोस्टाग्लैंडिन होगा, ऑक्सीटोसिन होगा, प्रोलैक्टिन रेशियो का फर्क पड़ेगा और यहाँ पर रिलीज ऑफ प्रोलैक्टिन, ये आंसर नहीं होगा, बाकी सारे पार्चुरेशन में इन्वॉल्व है। 187 मैच करना है आपको, फाइलेरियासिस की बात करें, बुक्टीरिया बैंक्रॉफ्ट अमीबियासिस एंड अमीबा हिस्टोलाइटिस, फर्स्ट में सर आंसर हम पकड़ लेंगे, बिल्कुल देखो, तो आंसर नंबर नहीं बिल्कुल एक एक का थर्ड चला जाएगा, तो बाकी में कहीं है ही नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। 188 नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉलोइंग आर स्टेटमेंट अबाउट प्रोस्टोमियम, वेरी इंपॉर्टेंट, ये पिछले 7 साल से अर्थवर्म से क्वेश्चन नहीं आ रहा था, लेकिन हमने हर सीएलसीएन को एक ही बात कही थी, एनसीईआरटी में अगर कोई चीज मेंशन कर दी है तो वो छोड़नी नहीं है आपको, और उसी का ही बेनिफिट नो डाउट सीएलसीएन को मिलेगा, अर्थवर्म का क्वेश्चन है और इसमें पूछा गया है कि स्टेटमेंट कौन सा प्रोस्टोमियम के लिए है, तो कवरिंग फॉर माउथ, माउथ के ऊपर डिगिंग लाइक स्ट्रक्चर है, मिट्टी को खोदने के काम आएगा, और ये ओपन स्पीक रेक, ये बात भी सही है, सेंसरी स्ट्रक्चर है, बिल्कुल है, फर्स्ट बॉडी सेगमेंट पेरिस्टोमियम कहलाता है, गलत हो गया, और यहाँ पर कौन सा ए बी सी चला जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट 189 AR का क्वेश्चन आ गया है, मिक्सिंग आ गई है, और यहाँ पर रेस्पिरेटरी पर्सन गोज हाई अल्टीट्यूड माउंटेन सिकनेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी डिफिकल्टी हो जाता है, हार्ट पल्पिटेशन हो जाता है, ऐसा किसके कारण है, लो एटमोस्फेरिक प्रेशर और हाई अल्टीट्यूड पर और जहाँ पर सफिशियंट ऑक्सीजन नहीं होती है उसके कारण ऐसा है, इसका मतलब ये भी सही है, ये भी सही है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, ऑप्शन नंबर कौन सा चला जाएगा, 4 चला जाएगा। नेक्स्ट 190 अगला क्वेश्चन रहेगा, मैच करना है, वो स्केपुला की बात कर रहे हैं, ट्रायंगुलर, तो कौन सा ट्रायंगुलर चला जाएगा, ए का कौन सा हो जाएगा, थर्ड हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ हो जाएगा, ए का फोर्थ का मतलब दो ऑप्शन ऐसे हैं। उसके बाद क्रेनियम की अगर बात करें तो क्रेनियम कौन सा हो जाएगा, फाइब्रस ज्वाइंट हो जाएगा, तो बी हो जाएगा, आंसर डायरेक्ट जा रहा है, कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 3 चला जाएगा। नेक्स्ट है 191 कोडोन एयूजी, ये कोड करवाना है आपको, मिथियोनिन फिनाइलएलानिन का दे रखा है, तो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो है अपना कौन सा जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2 जा रहा है, ओके। डायरेक्ट मैच करते रहें अपने क्वेश्चन, डिटेल एक्सप्लेनेशन अगले वीडियो में मिल जाएगा आपको, मैच करना है। एलन्स रूल की बात करें तो इसके अकॉर्डिंग पोलर सील में चला जाता है और फोर्थ चला जाएगा, सेकंड जो है फिजियोलॉजिकल एडेप्टेशन ये फर्स्ट चला जाएगा, तो फर्स्ट 2 में दे रखा है, ठीक है, और उसके बाद थर्ड की बात कर लें बिहेवियरल एडेप्टेशन, ये अपना ऑप्शन कौन सा चला गया, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट 193 ड्यूरिंग मसल कॉन्ट्रेक्शन कौन सा इवेंट नहीं हो, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट अकर कौन सा होगा, एज जोन डिसअपियर, बिल्कुल मैक्सिमम कॉन्ट्रेक्शन के दौरान ऐसा ही होता है, ए बैंड वाइड हो जाएगा, बिल्कुल ए बैंड जो है वो ए बैंड वाइडन नहीं होगा, ठीक है, तो ये गलत हो गया। टी बैंड, ये आई बैंड है, यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ है, आई बैंड रिड्यूस इन विड्थ, बिल्कुल ठीक बात है, सही है। मायोसिन हाइड्रोलाइज एटीपी सही है, जेड लाइन अटैच टू द एक्शन पुल्ड इनवर्ट अंदर की ओर आ जाएंगी, सही है, केवल बी नहीं है, और बी नहीं है, ऑप्शन नंबर कौन सा, 4 चला जाएगा। नेक्स्ट 194 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए स्टेप इन मल्टीपल ओवुलेशन की बात कर रहा है, तो 6 से 8 एग सही है, काउ इज फर्टिलाइज आर्टिफिशियल इनसेमिनेशन, ये भी सही है, सरोगेट मदर 8 से 32 सेल स्टेज, बिल्कुल ठीक है, लेकिन यहाँ पर FSH आना चाहिए था, LH दे दिया, गलती करवा दी, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा, यही देखना है अपने को कौन सा रिलेट नहीं है। 195 मैच करना है, अडेप्टिव रेडिएशन डायरेक्ट 4 जा रहा है, ए का 4 जा रहा है, ए का 4 किसमें दिया हुआ है, सिंगल ऑप्शन, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 चला जाएगा। नेक्स्ट 196 फॉलोइंग आर द स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू द लिपिड्स के रेस्पेक्ट में पूछा है आपको, तो लिपिड के रेस्पेक्ट में कौन सा, पहला तो जो है ओनली सिंगल बॉन्ड कॉल्ड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये तो रॉन्ग हो गया, और लेसिथिन जो है ये ठीक हो जाएगा, ठीक है, और ट्राई हाइब्रिड ये भी ठीक है, और यहाँ पर पाल्मिटिक एसिड 20 कार्बन, ये रॉन्ग हो गया अपना, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट 197 विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्रेट द हार्मोन रिलैक्सिन ड्यूरिंग लेटर फेज ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के लेटर फेज के दौरान ऐसा सिक्रीशन कौन करता है, कॉर्पस लूटियम करता है, प्लेसेंटा के द्वारा भी होता है स्मॉल अमाउंट में, तो ऑप्शन नंबर 1 चला जाएगा। 198
द एडिनोसिन डीएमिनेज डेफिशिएंसी रिजल्ट्स इन, ऐसा किसके कारण होता है? अपने इम्यून सिस्टम में, एज इट इज लाइन एनसीईआरटी ने मेंशन भी कर रखी है, डिसफंक्शनिंग ऑफ इम्यून सिस्टम में ऐसा देखा जाता है। 199, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट हिस्टोन के रेस्पेक्ट में रॉन्ग पूछा है आपसे, तो पीएच ऑफ हिस्टोन इज स्लाइटली एसिडिक, यही स्टेटमेंट क्या हो गया अपना, रॉन्ग हो गया, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन बायोलॉजी का रहेगा अपना, आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ सेल जंक्शन दैट हेल्प टू स्टॉप लीकिंग ऑफ सब्सटेंस, ऐसा तो टाइट जंक्शन के लिए आता है, पहले टाइट आएगा उसके बाद कह रहा है फैसिलिटेट कम्युनिकेशन विद नेबरिंग सेल, रैपिड ट्रांसफर ऑफ आयन, ये गैप जंक्शन की बात कर रहा है, तो टाइट और गैप आना चाहिए रेस्पेक्टिवली, टाइट गैप का मतलब ऑप्शन नंबर 1 चला जाए। ओके, ये हमारे बायोलॉजी के क्वेश्चन थे 100 क्वेश्चन। इसके बाद फिजिक्स का पोर्शन जो है वो डिस्कस करेंगे, कौन सा चल रहा है, N1 जो कोड है पेपर का वो कंडक्ट करवाया जा रहा है, और मैं फिजिक्स की टीम को बुलाना चाहूंगा यहाँ पर। पहला क्वेश्चन स्टार्टिंग करेंगे फिजिक्स की, और फिजिक्स मेंबर जो भी हैं, बिल्कुल बोला जी सर, आए सर। नमस्ते दोस्तों, देखो अपन पहले फर्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है लेंस ऑफ लार्ज फोकल लेंथ, पहले आप थोड़ा पेपर के बारे में बता दो, पेपर यहाँ पे थोड़ा सा एवरेज टाइप का है, थोड़ा सा अब वो एवरेज मान सकते हैं, टिपिकल नहीं है, क्योंकि जो टिपिकल क्वेश्चन थे वो टिपिकल क्वेश्चन के लास्ट के जो 15 क्वेश्चन हैं उनमें कवर कर लिए गए, इसलिए पेपर हम एवरेज या थोड़ा सा अबव एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। चलो क्वेश्चन अपन सॉल्व करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में लेंस में जो लार्ज अपर्चर का यूज़ होता है उसके बारे में पूछा गया कि लार्ज अपर्चर क्यों यूज़ करते हैं, ठीक है। ये तीनों ऑप्शंस के करेक्ट हैं, ये जो इसका मतलब गुणता और दृश्यता, मतलब इसके अंदर क्वालिटी और विजिबिलिटी ऑफ इमेज बेटर होती है, ठीक है, और इसके अंदर ज़्यादा पावर भी ज़्यादा इंटेंसिटी एंटर करती है, उसका भी ये रीज़न है, और साथ में बेटर रेजोल्यूशन मिलता है हमें, ठीक है। तो इसका आंसर जाएगा 4th, क्लियर। उसके बाद अपन देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, अ थिक करंट कैरिंग केबल रेडियस में, थिक वायर गिवन है आपको, थिक वायर गिवन है, उसे पूछा कि एक्सिस से हम डिस्टेंस दूर जाते हैं तो किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड वेरी करता है, अंदर जो है मैग्नेटिक फील्ड हो इस प्रोपोर्शनल होता है, मतलब बी प्रोपोर्शनल टू आर, ठीक है, और आउटसाइड में जो मैग्नेटिक फील्ड है बी प्रोपोर्शनल टू 1/r के अकॉर्डिंग वेरी करता है, तो उसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 2nd, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको इन्फॉर्मेशन देगी स्प्रिंग इज स्ट्रेच बाय 5 ओम फोर्स एफ 110 न्यूटन, तो बेटा यहाँ पे F इक्वल टू kx की हेल्प से, पहले F इक्वल टू kx की हेल्प से अपन फाइंड कर लेंगे वैल्यू ऑफ k, तो यहाँ से k निकल जाएगी, फिर हमसे पूछा है टाइम पीरियड पूछा है, तो अप्लाई कर दो T=2π√f/k, ठीक है, इससे हम आंसर सॉल्व कर लेंगे, यह आ जाएगा 3rd 0.628 सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में इस तरह कह रहा है कि एक टर्बाइन है, इसको चलाने के लिए इस रेट से हम इतनी हाइट से वाटर से फॉल कर रहे हैं, ठीक है, और इस पर 10% एनर्जी लॉस हो रही है, मीन्स यहाँ पे इसकी एफिशिएंसी 90% है, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपको पता ही है, पी आउट अपॉन पी इन इंटू 100%, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है, ये आपको 90 गिवन है, और यहाँ पे पी आउट हमसे पूछा है, पी इन को हम रख देंगे MgH/T, ठीक है, MgH/T रख देंगे, MgH/T, और यहाँ पे इस M/T की वैल्यू गिवन है आपको 15 kg/s, और यहाँ से हम जो सॉल्व करके पी आउट कैलकुलेट कर लेंगे, जिसका आंसर आएगा यहाँ पे 8.1 kW, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन, पॉलर मॉलिक्यूल के बारे में पूछा है, पॉलर मॉलिक्यूल्स आर द मॉलिक्यूल्स, पॉलर मॉलिक्यूल्स वो होते हैं जिनमें प्लस एंड माइनस जो है उनमें थोड़ी सी डिस्टेंस होती है, मीन्स ऑलरेडी ये पोलराइज होते हैं, ठीक है, मीन्स इनका एक परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट होता है, ठीक है, मीन्स स्थायी विद्युत द्विध्रुव आवरण होता है, तो आंसर इसका 3rd हो जाएगा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन डील करेंगे किशोर सर, देखिए। थैंक यू सर। तो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, ये अपने क्वेश्चन में दो आपको दे रखे हैं स्टेटमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट अपना है, इस जिनर डायोड इज कनेक्टेड इन रिवर्स बायस व्हेन यूज्ड एज ए वोल्टेज रेगुलेटर, बिल्कुल सही आंसर इसका, पर सेकंड लिखा है द पोटेंशियल बैरियर ऑफ पी एन जंक्शन लाइज बिटवीन 0.1 to 0.3 वोल्टेज, ये थोड़ा सा आपका गलत है, ये स्टेटमेंट गलत है, इसलिए अपन इसका आंसर दे पाएंगे सेकंड, इसका आंसर करेक्ट है, ए इज करेक्ट एंड बी इज इनकरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगले में आपको दे रखा है सिंपल, अपने पास एक एलसीआर सर्किट है जिसमें अपने पास ये 40 वोल्ट 10 और 40 ये हमारे पास क्या है वीआरएमएस वैल्यू है, वीआरएमएस वैल्यू है, और वीआरएमएस से इसका अपन निकालेंगे टोटल वीआरएमएस, वो अपने पास जैसे इसका अपन डिफरेंस करेंगे तो 40 - 10 आपका 30 और ये 40 का अपन टोटल निकालेंगे तो आपका 50 आ जाएगा, पर ये है कौन सा वीआरएमएस, इसको अपन कन्वर्ट करते हैं इसमें पीक वैल्यू में तो 50 √2 आ जाएगा, और बस यहाँ दिक्कत ये है थोड़ा सा, यहाँ पे आपको थोड़ा सा दिक्कत यहाँ क्या हो गया, इंग्लिश और हिंदी में थोड़ी सी डिफरेंस आ गया, तो यहाँ इसमें क्या है कि मैंने जैसे अपन निकालते इसमें 50 √2 ये आपकी है वोल्टेज आरएमएस वैल्यू में, और 10 √2 हमारे पास क्या है ये है वोल्टेज, तो इंग्लिश के अकॉर्डिंग इसमें आंसर आपका आएगा 5 जबकि हिंदी के अकॉर्डिंग इसका आंसर आपका 5 √2 आएगा, ये थोड़ा सा आपको मेंशन रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट सिंपल क्वेश्चन है, आपको मालूम है यहाँ दे रखा है अपने को द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द अर्थ सरफेस इज वी, द एस्केप वेलोसिटी फ्रॉम द सरफेस ऑफ अनदर प्लैनेट हैविंग ए रेडियस 4 टाइम्स, बट यहाँ मैन लिखा है कि सेम मास डेंसिटी,
तो डेंसिटी के सेम होने पे एक्चुअली क्या होता है, जो एस्केप वेलोसिटी आपकी होती है वो प्रोपोर्शनल होता है रेडियस। अब रेडियस को आपने क्या 4 times कर दिया, रेडियस के 4 times होने पे इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, 4 भी आपकी हो जाएगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसे बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन सिंपल। तो यहाँ देखो, इसमें सिंपल आपको जब निकालना होता है रीडिंग ऑफ डायमीटर, तो आप कहते हैं इसमें मैन स्केल रीडिंग प्लस कितना सर्कल स्केल रीडिंग इनटू क्या लिस्ट काउंट। अब लिस्ट काउंट अपन यहाँ निकालते हैं, मेन इश्यू यहाँ पे है डायमेंशन का। तो आप इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हमारे पास ये तो 0 दे रखा है, प्लस ये अपने पास है 52 इनटू ये दे रखा है 1 मिलीमीटर, 1/100 ये आपका 100, बट ये मिलीमीटर से बदलना पड़ेगा सेंटीमीटर में, और ऐसे करने में इसका आंसर आपका बिल्कुल एग्जैक्ट सेकंड आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपका बेसिक होता है, यहाँ कैलकुलेशन करने पे बिल्कुल आपका आंसर फर्स्ट आ जाएगा। ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 15 तक का सॉल्यूशन अपन देखने वाले हैं, उनकी की अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 11 अपन देख रहे हैं। द हाफ लाइफ ऑफ ए रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाइड इज 100 आवर्स, द फ्रैक्शन ऑफ ओरिजिनल एक्टिविटी दैट विल रिमेन। तो ध्यान से देखना, तो इसके अंदर फॉर्मूला होता है n=n0/2^n, बिल्कुल एकदम कॉमन सा फॉर्मूला है। तो इसको अगर आप जैसे इससे वैल्यू फुट करके सोल्व करोगे तो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। द नंबर ऑफ फोटोन्स पर सेकेंड ऑन ए एवरेज इमिटेड बाई द सोर्स ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 nanometer व्हेन इट डिलीवर्स द पावर ऑफ 3.3 × 10^-3 वोल्ट विल बी। यहाँ पे एच की वैल्यू आपको गिवन है, तो ध्यान से देखना। देखो, इसका एक फॉर्मूला होता है स्मॉल एन इक्वल्स टू पी लेमडा अपॉन एच सी, जिसको आप लिख सकते हैं 5 × 10^24 इंटू क्या हो जाएगा पी लेमडा। वैल्यू अगर आप पुट कर दोगे तो इसका सेकेंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। अगला क्वेश्चन क्या करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, और ध्यान से देखना, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी आपको इधर की है, और फिर उसके बाद जैसे ए आपका जो एरिया है और डी क्या हो जाएगी डिस्टेंस बिटवीन प्लेट्स हो जाएगी। तो आपको टोटल एनर्जी यहाँ पे पूछी जा रही है, तो टोटल एनर्जी अपन बोल सकते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट इनटू ई स्क्वायर। ये तो एनर्जी डेंसिटी होती है, यानी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो इसको अपन वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम इक्वल टू क्या होता है एरिया इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो सेकेंड ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर अपन चलते हैं। फोर्स, एक्सलरेशन और टाइम, इन तीनों को अपन फंडामेंटल क्वांटिटी मान रहे हैं। तो आपको किसकी भी डायमेंशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी की डायमेंशन आपको पूछी जा रही है, तो अपन लिख सकते हैं एनर्जी इक्वल टू फोर्स ए, इसके बाद एक्सलरेशन बी, और इसके बाद है टाइम, ये आपके पास है सी हो गया। और सॉल्व करने का तरीका आपको पता ही है, उस तरीके से अगर आप सॉल्व करोगे तो इसका फर्स्ट ऑप्शन F1A1T2 फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इक्विवेलेंट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस, तो सीधी सी बात है, देखो से ये दोनों पॉइंट्स हैं उन दोनों का पोटेंशियल सेम होगा, तो इसको अपन हटा देंगे, ये दो ही कैपेसिटर बचेंगे सी और सी, दोनों पैरेलल में आ गए, तो सी सी क्या होता है 2C, तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट आ जाएगा, ठीक है, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियरिंग वरुतम। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए कैपेसिटर कैपेसिटेंस सी इज कनेक्टेड अक्रॉस ए सोर्स ऑफ वोल्टेज वी गिवन बाय वी इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, डिस्प्लेसमेंट करंट इसमें फाइंड आउट करनी थी, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ए पोटेंशियोमीटर सर्किट सेल ऑफ ईएमएफ 1.5 वोल्ट गिव्स बैलेंस पॉइंट एट 36 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ वायर, इफ अनदर सेल ऑफ ईएमएफ 2.5 वोल्ट रिप्लेसेस द फर्स्ट सेल देन एट व्हाट लेंथ ऑफ द वायर द बैलेंस पॉइंट अकर्स, इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 60 सेंटीमीटर। कोलोमेट्री का क्वेश्चन था ये, इसके अंदर 4th ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19th, बाइंडिंग एनर्जी का क्वेश्चन था ये, इसमें 3rd ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा था इसके अंदर, इसके अंदर 4th करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, तो ये स्टार्टिंग के 1 से 20 तक जो क्वेश्चन थे वो आपको यहाँ पर हमारे टीचर्स ने, फिजिक्स की फैकल्टी मेंबर्स हैं, इन्होंने डिस्कस करवाए हैं। अब अपन मूव करेंगे आगे के नेक्स्ट के जो क्वेश्चन रहेंगे, और रिमेनिंग 30 क्वेश्चन जो हैं वो यहाँ पर डिस्कस जरूर किए जाएंगे। और आपने फिजिक्स का लेवल देखा होगा नो डाउट, जैसा कि भोला सर ने स्टार्टिंग में भी बताया था, एवरेज से थोड़ा सा ऊपर रहा है, इतना भी इजी नहीं है जो 2019 में था, 2020 में था। तो मैं अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन रहेगा उस क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट फैकल्टी मेंबर को बुलाना चाहूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 21 से आगे का डिस्कशन जो है वो अपन करते हैं, आ जाएं। क्वेश्चन नंबर 21 से आगे का रहेगा, जी सर। हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ गौरी शंकर। 21 से हाँ, इसको मिटा दें सर, मिटा दें।
ओके बेटा 21 से ऑनवर्ड हम लोग इसमें क्वेश्चन 21 से लेकर 25 तक करेंगे। यहाँ पर इनर्जी और ग्रेविटेशनल एक्सेलेरेशन के लिए दिया हुआ है और ई बाई जी का आपको डायमेंशन कैलकुलेट करना है, तो ई का आप डायमेंशन रखिएगा, जी का डायमेंशन रखिएगा, आपका आपका ये ऑप्शन आएगा। एक्सप्लेन करते हुए सेकंड क्वेश्चन है, ए स्मॉल ब्लॉक स्लाइड डाउन ऑन ए स्मूथ इंक्लाइंड प्लेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट इन टाइम टी इज इक्वल टू जीरो, एस एन बी द डिस्टेंस ट्रेवल बाय द ब्लॉक इन द इंटरवल ऑफ टी इज इक्वल एन माइनस वन टू टी इज इक्वल टू एन, देन रेशियो ऑफ एन टू एन माइनस वन। आपको मालूम है एस एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ ए टू एन माइनस वन होता है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है, तो एस एन हमारे पास आ जाएगा हाफ ए टू एन माइनस वन आएगा, और जब हमारे पास एन प्लस वन रखेंगे तो एस एन प्लस वन आ जाएगा हाफ ए टू एन प्लस वन माइनस वन, इन दोनों का रेशियो ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा फर्स्ट। नेक्स्ट विच मैच द कॉलम है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि कौन सा किस पे फार्मूला आएगा, तो यहाँ पर है गैसों का अणुओं का वर्गमात मूल वेग मीन्स रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ द मॉलिक्यूल, तो यहाँ पर ए है, ए का हमारे पास आएगा क्यू, फिर बी क्या है प्रेशर एक्सर्टेड बाय द आइडियल गैस, इसका हो जाएगा पी, फिर थर्ड है एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल, इट मीन्स इसका आ जाएगा एस, और डी क्या टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ वन मोल, इसका हो गया ये, तो ऑप्शन क्या हो गया सेकंड। नेक्स्ट ए रेडियोएक्टिव न्यूक्लियाई जेड एक्स ए अंडरगोज द स्पॉन्टेनियस डीके देन व्हाट बी द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड अल्फा प्लस बीटा, अब आप जब इसमें वैल्यू रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा बीटा प्लस अल्फा एंड बीटा माइनस, ऑप्शन विल बी सेकंड। नेक्स्ट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ ए पैरेलल कनेक्शन दैट कंसिस्ट ऑफ फोर वायर्स ऑफ इक्वल लेंथ, अब ये फोर वायर्स इक्वल लेंथ के हैं और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में है तो आपको मालूम है आर पैरेलल इज इक्वल टू आर बाई एन हो जाएगा, और ये वैल्यू हमारे पास दी है 0.25 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 0.25, और एन इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4, तो आर इज इक्वल टू आ गया 1। अब इसमें जब आप इसको सीरीज में कनेक्ट करोगे तो जब सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा एन इंटू आर हो जाएगा, मीन्स ये आ जाएगा 4, तो ऑप्शन विल बी थर्ड मीन्स 4 आंसर आएगा। इसके बाद दोस्तों आते हैं 26 क्वेश्चन पे, 26 क्वेश्चन में आपको एक कॉन्वेक्स लेंस ए जिसकी फोकल लेंथ 20 है और कॉनकेव लेंस बी जिसकी फोकल लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसको ए की एक्सिस पे डी डिस्टेंस पे रखा हुआ है, आपसे पूछा है डी डिस्टेंस कितना होना चाहिए ताकि अगर ए पे पैरेलल बीम हम डालें तो वापस पैरेलल ही इमर्ज हो। तो देखो यहाँ पे सिंपल सा केस हम देख लेते हैं, ये दो लेंस आपको दिए गए हैं, अब यहाँ पे इनके बीच का सेपरेशन पूछा है, हमें पता है जब पैरेलल लाइट डालते हैं तो ये अपने फोकस पे इसको फोकस करेगा, तो यहाँ इसका फोकस अगर है और अगर दोनों का फोकस एफ ए और एफ बी अगर सेम है तो उस केस में लाइट जो है वो कॉनकेव लेंस से वापस पैरेलल हो जाएगी, इट मीन्स ये डिस्टेंस कितनी आएगी 20, कॉनकेव की फोकल लेंथ कितना है 5, तो ये डी कितना बचेगा हमारे पास 15, तो अपना करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन। ओके बच्चों आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन 27 में एक पार्टिकल को एस हाइट से रिलीज किया हुआ है, अब एस हाइट से रिलीज करने के बाद किसी हाइट पे मान लो स्मॉल एस हाइट है, यहाँ पे इसके बारे में बोला है कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी का ट्रिपल है। ओके तो हम एनर्जी इक्वेशन कंसेप्ट लगाएं तो पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, तो इस केस में इनिशियल फाइनल काइनेटिक एमजी पोटेंशियल एमजीएच ये हाफ एमवी स्क्वायर जिसको 3 times ऑफ एमजीएच बोला हुआ है, तो 3 times ऑफ एमजीएच इक्वल्स टू एमजीएस, इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको एच की वैल्यू मिलेगी एस बाय 4, फिर इसके बाद आप थर्ड इक्वेशन काम में लेंगे तो यू स्क्वायर प्लस 2 ए डी
इनिशियल स्पीड 0, 2, a और d की वैल्यू हो जाएगा 3s by 4. सॉल्व करने पे आपका ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर थर्ड ऑप्शन. ओके बच्चों, आते हैं 28th पे. 28th में आपको एक डायपोल दिया हुआ है, यहाँ एक वेरिएबल फील्ड है, तो हमें पता है जैसे जैसे राइट साइड जाएंगे फील्ड की वैल्यू कम होगी. तो यहाँ इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू ज़्यादा है और E1 मान लेते हैं, इस पॉइंट पे फील्ड की वैल्यू कम है उसको E2 मान लेते हैं. प्लस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड की डायरेक्शन में लगेगा और माइनस चार्ज पे जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट लगेगा. E1 ज़्यादा होने से F1 की वैल्यू ज़्यादा होगी, तो F1 ज़्यादा है F2 से, इसका मतलब नेट फोर्स किधर आएगा, टुवर्ड्स राइट मीन्स आई कैप डायरेक्शन में, इसलिए डायपोल मूव करेगा आई कैप में. जब सिस्टम अपने आप मूव कर रहा है इसका मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, तो अपना फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट आते हैं 29 पे. इसमें आपको दो चार्ज स्फेयर गिवन है, इनको कनेक्ट किया हुआ है. हमें पता है फाइनल पोटेंशियल, फाइनल कंडीशन जो होगी इसमें इनका पोटेंशियल सेम होगा सर्फेस का. तो V1 इक्वल्स टू V2 और जब आप इसमें फॉर्मूला में वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन. नेक्स्ट आते हैं 30 पे. 30 एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन है. हमें पता है SHM की जो फ्रीक्वेंसी होती है उससे डबल फ्रीक्वेंसी होती है उसकी एनर्जी की. तो यहाँ SHM की फ्रीक्वेंसी n है तो पोटेंशियल एनर्जी की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी 2n. अब 31 से हम लोग सॉल्व करेंगे क्वेश्चन, 31 to 35. क्वेश्चन नंबर 31 के लिए हम लोग बात करते हैं. वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल बॉल ऑफ मास m एंड डेंसिटी d व्हेन ड्रॉप्ड इन अ कंटेनर फिल्ड विद ग्लिसरीन बिकम कांस्टेंट आफ्टर सम टाइम. इफ द डेंसिटी ऑफ ग्लिसरीन इज d/2 देन विस्कस फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉल विल बी. हम लोग ये जानते हैं कि अगर आपके पास एक लिक्विड में एक ऑब्जेक्ट को हम लोग गिरा रहे हैं तो उस पर नीचे की तरफ क्या फोर्स लगेगा, दैट विल बी mg. और लिक्विड के अंदर ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लगेगा, एक लगेगा हमारे पास अपथ्रस्ट फोर्स जिसको हम लोग बियंट फोर्स भी बोलते हैं, और हमारे पास दूसरा फोर्स जो रहेगा वो क्या रहेगा, दैट विल बी विस्कस फोर्स. तो जब ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कांस्टेंट हो रही है, कहने का मतलब उसके फोर्सेस क्या है, बैलेंस्ड है. कहने का मतलब अपने पास अपथ्रस्ट फोर्स प्लस विस्कस फोर्स किसके इक्वल हो जाएगा, mg के. अब हम लोग अपथ्रस्ट फोर्स की बात करें तो अपथ्रस्ट फोर्स क्या होता है, डेंसिटी ऑफ लिक्विड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी. तो यहां पर अगर अपन बात करते हैं तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड, लिक्विड की डेंसिटी अपने को कितना गिवन है, दैट इज d/2. तो ये हो जाएगा मेरे पास d/2 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड v, और ये हो जाएगा मेरे पास g, दैट इज, और ये बन जाएगा मेरे पास विस्कस फोर्स, दैट इज इक्वल टू mg. इस टर्म को अगर अपन देखें तो दिस इज डेंसिटी ऑफ सॉलिड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड mg, तो ये कितना बन जाएगा अपने पास mg/2. तो यहाँ पर अभी जो थ्रस्ट फोर्स एक्ट कर रहा है वो कितना हो जाएगा mg/2. इस mg/2 को अपन इधर ट्रांसफर करें तो आपके पास जो विस्कस फोर्स बनेगा, दैट fv विल बी इक्वल टू mg/2. अभी विस्कस फोर्स और थ्रस्ट फोर्स दोनों इक्वल है और इसका सॉल्यूशन हमारे पास क्या रह जाएगा, दैट विल बी mg/2. नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 32. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इंसिडेंट ऑन फोटोसेंसिटिव सरफेस ऑफ नेग्लिजिबल वर्क फंक्शन. वर्क फंक्शन अपने को क्या दे दिया है, नेग्लिजिबल दे दिया है. ठीक है, इफ मास m इज ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इमिटेड देन द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटेड विल बी. अब अपन ये जानते हैं कि e क्या रहेगा हमारे पास, e विल बी इक्वल टू hc/λ, और यही आपकी इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी के बराबर हो जाएगा क्योंकि आपके पास वर्क फंक्शन कितना है, 0 है. अब अपन डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए जानते हैं दैट लैम्डा डी विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, h/√2mk. अगर हम लोग यहाँ पर इस k की वैल्यू ये पुट करके सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो रिलेशन बनेगा दैट विल बी सेकंड, दैट लैम्डा विल बी इक्वल टू 2mc/h क्या हो जाएगा हमारे पास, लैम्डा डी स्क्वायर. आप इसको वैल्यू पुट करके सॉल्व कर सकते हैं. हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे. फॉर ए प्लेन विद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन गिव्स द करेक्ट पॉसिबल डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. हम लोग ये जानते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर जो रहते हैं वो ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहते हैं. जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ई वेक्टर और बी वेक्टर का अपना डॉट प्रोडक्ट जो रहेगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा. तो आपको ऑप्शंस में से ई वेक्टर और बी वेक्टर का क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट करके देखना है. इनमें से एक ऑप्शन रहेगा जिसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी, एंड दैट ऑप्शन विल बी 1. नेक्स्ट क्वेश्चन. An infinitely long straight conductor of current carrying 5 ampere, an electron is moving with a speed of this much in parallel to the conductor. The perpendicular distance between electron and the conductor is 20 cm at an instance. Calculate the magnitude of the force experienced by the electron at that instance. हम लोग को यहाँ पर चेक करना है कि ये एक वायर है जिसमें 5 ampere की करंट फ्लो हो रही है और हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर मूव कर रहा है तो इस इलेक्ट्रॉन पर फोर्स कितना लगेगा.
तो उसके लिए पहले सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, ये करंट फ्लो हो रही है जिसकी वजह से यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे, एक इन्फाइनिटली लॉन्ग कंडक्टर की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा दैट विल बी म्यू जीरो आई अपॉन कितना हो जाएगा हमारे पास 2πD। तो पहले इस इक्वेशन से हम लोग को मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, देन एंड देन हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, एक मैग्नेटिक फील्ड में चार्ज अगर मूव कर रहा है तो फोर्स क्या रहेगा, दैट विल बी एफ विल बी इक्वल्स टू क्यू वी बी। वहां से वैल्यू उठा के हम लोग जब इसमें पुट करेंगे तो हमारा जो आंसर बनेगा दैट विल बी 3, दैट इज 8×10⁻²⁰ न्यूटन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इलेक्ट्रॉन कंसेंट्रेशन इन एन एन टाइप सेमीकंडक्टर इज सेम एज होल कंसेंट्रेशन इन पी टाइप सेमीकंडक्टर, एन एक्सटर्नल फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड अक्रॉस ईच ऑफ देम, कंपेयर द करंट्स इन देम। एक बढ़िया क्वेश्चन है, आपको ये पूछा हुआ है कि एक एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की चार्ज कैरियर कंसेंट्रेशन सेम है और हम लोग को ये पता करना है कि उनमें से करंट्स किस में ज़्यादा फ्लो होगी। हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि करंट का एक्सप्रेशन क्या होता है हमारे पास, I दैट इज इक्वल्स टू एन ई ए वी डी, ये रहता है। अगर अपन यहाँ पर बात करें करंट, तो हमारे पास ये रहेगा एन ई ए वी डी, क्या होता है हमारे पास म्यू ई। अब हम लोग ये जानते हैं कि यहाँ पर चार्ज के लिए कंसेंट्रेशन सेम है, बट अगर अपन यहाँ पर बात करते हैं मोबिलिटी की, तो इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी इज ग्रेटर देन क्या होता है हमारे पास, होल मोबिलिटी। यानी कि एन टाइप में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे और वहाँ पर मोबिलिटी क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं करंट इन एन टाइप विल बी ग्रेटर देन करंट इन पी टाइप। एक बढ़िया क्वेश्चन, हमारे पास आंसर रहेगा दैट विल बी 2, करंट इन एन टाइप सेमीकंडक्टर विल बी करंट इन पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब मैं रोज सर को इन्वाइट करूंगा आगे क्वेश्चन सॉल्व करवाने के लिए। हेलो बच्चों, मैं महेंद्र सिंह रोज, टीम फिजिक्स CLC सीकर से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 से अपन देखते हैं, ए पार्टिकल मूविंग इन सर्किल ऑफ रेडियस आर विथ यूनिफॉर्म स्पीड टेक्स ए टाइम टी टू कंप्लीट वन रिवोल्यूशन में डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 2πr, और टाइम से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी आ गई। यहाँ से देखो, इफ द पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विथ सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम हाइट अटेंड बाई पार्टिकल इज 4r। देखो, एस मैक्स का फॉर्मूला हम जानते हैं क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2g होता है। एस मैक्स की वैल्यू हमारे पास 2r गिवन है और ये वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे 2πr बाई टी का स्क्वायर करेंगे, साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g हो जाएगा। यहाँ से अगर अपन साइन थीटा की वैल्यू एलिमिनेट करेंगे तो अपना आंसर थर्ड आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 में देखो, यहाँ पे ये करंट I1 है, ये डिवाइड हो रही है I2 और I3 के अंदर, तो जो पैरेलल में रेजिस्टेंस होते हैं करंट जो है वो रेजिस्टेंस के इन्वर्स रेशियो में रहेगा। इसका मतलब I2 और I3 का जो रेशियो रहेगा वो क्या हो जाएगा, R3 अपॉन में R2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल करंट I1 है, तो यहाँ से अगर अपन I3 देखें तो I3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I3 इज इक्वल टू R2 अपॉन में R2 प्लस R3 इंटू I1। I1 को हम इधर ले आएंगे तो अपना जो रेशियो आएगा वो कौन सा, फर्स्ट आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, ए पॉइंट ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस 60 सेंटीमीटर फ्रॉम कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 30 सेंटीमीटर, इफ ए प्लेन मिरर वर पुट ट्री परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द लेंस एंड ए डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, द फाइनल इमेज वुड बी फॉर्म एट ए डिस्टेंस ऑफ। देखो, यहाँ पे ये हमारे पास से एक कॉन्वेक्स लेंस दे रखा है, कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ कितनी है हमारे पास, 30 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे पहले अगर अपन बात करें ऑब्जेक्ट कितने डिस्टेंस पे है, 60 पे है, इसका मतलब 2f पे है, 2f पे, इसका मतलब इसकी इमेज जो होगी वो कहाँ पे बनेगी, फर्स्ट इमेज 2f पे बनेगी। लेकिन 2f पे यहाँ से अगर अपन देखें 2f कितना हो जाएगा, 60 सेंटीमीटर होगा, तो 60 सेंटीमीटर मतलब यहाँ पे इमेज बननी चाहिए थी 20 सेंटीमीटर पे, लेकिन बनी नहीं, इसका मतलब ये इमेज कहाँ पे बनेगी, यहाँ पे बनेगी इधर 20 सेंटीमीटर पे। ठीक है, तो ये जो है वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अब ऑब्जेक्ट हो जाएगा। तो अब लेंस फॉर्मूला हम लगा के इमेज की जो पोजिशन कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर जो रहेगा वो थर्ड ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, ए यूनिफॉर्म कंडक्टिंग वायर ऑफ लेंथ 12A एंड रेजिस्टेंस आर वाउंड ऑफ करंट कैरिंग कोयल इन शेप। पहले हमने देखो इसको एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की शेप में, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इसकी साइड A है तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी 3A, तो इसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो जाएंगे, टोटल लेंथ 12 है ना, तो 4 हो जाएगा N1। ठीक है, तो मैग्नेटिक मोमेंट M इज इक्वल टू क्या होता है, N×I×A होता है। ठीक है, और नई कंडीशन के अंदर हमने क्या बनाया है, लूप को स्क्वायर बनाया है, तो इसकी साइड ए है, टोटल एक लूप की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी 4A, तो टोटल डिस्टेंस हमारे पास कितनी है, लेंथ 12A, तो यहाँ पे N2 नंबर ऑफ टर्न्स जो रहेगा वो क्या रहेगा,
थ्री रहेगा, ठीक है। तो एम वन हम देख लेंगे, एन वन आई इंटू ए वन, ए वन वन बाई टू बेस इंटू हाइट से इसका एरिया पुट कर देंगे, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग अपना आंसर जो आएगा वो फोर्थ आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। फॉर गिवन सर्किट इनपुट ए डिजिटल सिग्नल आर अप्लाइड एट ए टर्मिनल ए बी सी, व्हाट वुड बी द आउटपुट ऑफ ए टर्मिनल वाई। देखो यहाँ पे ये एंड गेट है और ये नैंड गेट है, ठीक है, और ये और गेट है। इसका बुलियन फंक्शन अगर अपन बनाएं तो यहाँ पे क्या आएगा, ए इंटू बी आएगा, और यहाँ पे जो आएगा वो बी डॉट सी का बार आएगा। तो वाई इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी का बार, ठीक है। तो अब ये जो इनपुट वैल्यूज जो हैं इस बुलियन फंक्शन में अपन रख के चेक करेंगे तो अपना जो आउटपुट जो वे फ्रॉम फॉर्म आएगा वो थर्ड आएगा। तो अपना आंसर करेक्ट हो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। हेलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 41 देखते हैं। इसमें लिखा है एक बॉल है जिसका मास 0.15 किलोग्राम गिवन है, ठीक है, 10 मीटर के हाइट से इसको रिलीज किया गया है, हमें क्या फाइंड करना है, इम्पल्स। तो इम्पल्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं बच्चों, चेंज इन मोमेंटम। और चेंज इन मोमेंटम को क्या लिखेंगे, मान लो कि v इसकी वेलोसिटी है, h हाइट से गिरा, इस इंस्टेंट पे वेलोसिटी v है, टकराने के बाद सेम स्पीड होगी लेकिन डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, 2mv लिख देंगे, और m यहाँ पर रूट 2gh। वैल्यूज गिवन है, जब आप पुट करोगे तो इसकी जो आंसर वैल्यू होगी 4.2। आगे बढ़ते हैं, ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, एक यहाँ पर पॉइंट आपको ध्यान रखना है, लॉसेस पावर लॉस नहीं है, यानी जो इनपुट पावर है आउटपुट पावर सेम है, तो 44 ये पावर हो जाएगा बच्चों, और पावर को अगर आप V से डिवाइड कर दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा, करंट। अब ये क्या दिया हुआ है, 220 वोल्ट, जब आप सॉल्व करोगे तो ये 0.2 एम्पियर, ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी से रिलेटेड है, हाफ पावर एक टर्म यहाँ लिखा है। हाफ पावर के लिए जो आप ग्राफ ड्रॉ करते हो, अगर मान लो ऐसा ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं, ये रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी पर है करंट, यहाँ पर ये आई नॉट, यहाँ पर करंट आई नॉट बाई रूट टू होता है, एक वैल्यू यहाँ पर ओमेगा नॉट माइनस डेल्टा ओमेगा, और यहाँ पर वैल्यू ओमेगा नॉट प्लस डेल्टा ओमेगा। ये रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है, एंगुलर फ्रिक्वेंसी, फॉर्मूला होता है 1/√LC, एल गिवन है, सी गिवन है, जब आप पुट करोगे ये क्या आ जाएगा, 50 रेडियन पर सेकेंड। यहाँ पर डेल्टा ओमेगा की वैल्यू एनसीईआरटी का फॉर्मूला यूज़ करना बच्चों, 2L सॉल्व करके ये आएगा 4 रेडियन पर सेकेंड। एक वैल्यू आपको ये पुट करना है, 50 - 4 यानी 46, दूसरा 50 + 4 यानी कि 54। अब देखो 46 54, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, यहाँ पर बैलेंसिंग कंडीशन में है और हम लोग को ये M फाइंड करना है, टॉर्क बैलेंस करना है बच्चों, ध्यान देना। इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेंगे, एक यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से, क्योंकि मास दिया हुआ है 500 ग्राम, तो हाफ जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग गया, 2G यहाँ लग गया, MG यहाँ लग गया। इस पॉइंट के अबाउट जब टॉर्क लोगे, ये 20 सेंटीमीटर है, LHS और RHS में सेंटीमीटर यूनिट को चेंज करना नहीं है बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। देखो बैलेंस करने के लिए इक्वेशन 2G × 20, ये टॉर्क इसके अबाउट इस तरफ होगा। इधर की बात करें, देखो ध्यान देना, MG × ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 120 सेंटीमीटर, और फिर यहाँ पे प्लस करते हैं, ये प्लस है बच्चों, यहाँ पर हाफ जी है, ये हाफ जी इंटू 20 सेंटीमीटर आएगा, इक्वेशन आ गया। इक्वेशन को सॉल्व करना है, m की वैल्यू आ जाएगी 1/12 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, ध्यान देना, इसमें क्या लिखा है कि एक ऑब्जेक्ट, पहले तो कार की बात करें, 5 m/s² के एक्सेलरेशन से चल रहा है, 4 सेकेंड के बाद उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, 5 × 4, इसको u कंसिडर कर लो, 20 m/s से जब इसको रिलीज किया गया है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसकी एक वेलोसिटी होगी, फिर 6 सेकेंड के बाद इसकी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना है, यहाँ पर 20 एक्सेलरेशन, यहाँ पर देखो बच्चों, जब एक बार रिलीज कर दिया तो सिर्फ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, यानी अगर एक्सेलरेशन की बात करें तो ये 10 m/s² हो जाएगा। वेलोसिटी में एक्स कॉम्पोनेंट चेंज नहीं होता, तो एक्स कॉम्पोनेंट 20, और देखो 6 सेकेंड के बाद फाइंड करना है, 4 सेकेंड से 6 सेकेंड, 2 सेकेंड का इंटरवल है, 2 सेकेंड में जो स्पीड होगी, g × t लिख देना, 2 × 10 यानी यहाँ पर 20, ये भी 20, ये भी 20, नेट वेलोसिटी हो जाएगी
20 रूट टू, तो अब इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, 20 रूट टू और 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सो डियर स्टूडेंट्स आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 में हमें दिया हुआ है 27 ड्रॉप्स ऑफ सेम साइज आर चार्ज्ड एट 220 वोल्ट ईच, दे कंबाइन टू फॉर्म ए बिगर ड्रॉप, कैलकुलेट द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप। तो इसका जो हमारे पास बेसिक फार्मूला है बच्चों वो ये है कि एक शॉर्ट हम फार्मूला याद करते हैं इसके लिए। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, जितनी हमारे को ड्रॉप दे रखी है 27, तो यहाँ जैसे हम 27 रखेंगे हमारे पास में v की जगह 220 वोल्ट रखेंगे, हमारे पास जो इसका आंसर है वो बन जाएगा 980 वोल्ट। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 47। टू कंडक्टिंग सर्कुलर लूप्स ऑफ रीडिंग रेडियाई R1 एंड R2 आर प्लेस्ड इन द सेम प्लेन विद देयर सेंटर्स कोइंसाइडिंग, इफ R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2 द म्यूचुअल इंडक्टेंस M बिटवीन देम विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। तो सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों, दो हमारे पास में इस तरीके से सर्कुलर लूप दे रखे हैं, बाहर की जो रेडियस है वो है R1, ये है R2, और जैसा कि हमें दे रखा है R1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन R2, तो इस बड़े वाले लूप के अंदर अगर हम करंट I मान लें, इसके कारण हम यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जो मानते हैं जो आता है हमारे पास वो आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2R1, और सेम जितना भी यहाँ पर फील्ड है उसका फ्लक्स पास होगा इस छोटे वाले से, तो इसका मतलब है फाइ टू किसके बराबर हो जाएगा BA, A हम किसका रखेंगे इस R2 वाले का, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, और इसको किसके बराबर रख देंगे MI। तो जैसे ही हम इसको सॉल्व करेंगे ये यहाँ बन जाएगा पाई R2 स्क्वायर, और यहाँ से बच्चों हमारे पास आएगा एक नीचे डिवाइड बाई R1, ये मैं थोड़ा सा शॉर्ट में सॉल्व कर रहा हूँ, तो हमारे पास डायरेक्टली ये किसके प्रपोर्शनल आ जाएगा M के, तो ये M का हमारे पास ये प्रपोर्शनैलिटी रिलेशन आ जाएगा R2 स्क्वायर अपॉन R1। आगे चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 48, अ पार्टिकल ऑफ मास m इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी v इज इक्वल टू kve वेयर k इज लेस देन 1, यानी हमने एस्केप वेलोसिटी से थोड़ी कम वेलोसिटी से इसको फेंका है, फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ और द मैक्सिमम हाइट अबव द सरफेस रीच्ड बाय द पार्टिकल। तो बच्चों इसमें क्या करना है, हमने अर्थ की सरफेस से इस पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया है, अर्थ की सरफेस पर इसकी टोटल एनर्जी ले लेंगे यानी जो पोटेंशियल एनर्जी है, और जिस एनर्जी से काइनेटिक एनर्जी से हमने इसको थ्रो आउट किया है, फिर जिस मैक्सिमम पॉइंट पर वो पहुंचेगी वहां पर उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हो जाएगी जीरो, क्योंकि उसकी स्पीड हो जाएगी जीरो, केवल पोटेंशियल एनर्जी आएगी। एनर्जी कंजर्वेशन दोनों बराबर करेंगे, जैसे हम बराबर करेंगे बच्चों इसका आंसर कितना आ जाएगा 3। आगे चलते हैं बच्चों ये हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट से हमारा क्वेश्चन है, एफ इज इक्वल टू क्यू वैक्टर इंटू वी वैक्टर क्रॉस वी वैक्टर इन द प्रोडक्ट क्यू वी क्रॉस बी आई कैप बी जे कैप बी नॉट के कैप फॉर क्यू इज इक्वल टू मैन एंड वी इज इक्वल टू 2i कैप 4j कैप 6k कैप एंड एफ वैक्टर इज इक्वल टू 4i कैप माइनस 20j कैप प्लस 12k कैप, वॉट विल बी द कम्प्लीट एक्सप्रेशन ऑफ वी। तो जैसा कि हमें दे रखा है क्यू की वैल्यू कितनी है 1 है, वी की वैल्यू हमारे को दे रखी है ये, इसके साथ ही हमारे को फोर्स वैक्टर भी दे रखा है, तो जैसे ही हम ये वाला हमारा जो फॉर्मूला है क्यू वी क्रॉस बी इसको यूज करेंगे, जो f वेक्टर की वैल्यू दे रखी है वो f वेक्टर की जगह रखेंगे, जो v वेक्टर की वैल्यू दे रखी है वो v वेक्टर की जगह यूज करेंगे, और जो b वेक्टर दे रखा है उसकी जगह b वेक्टर। जैसे ही मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा और दोनों साइड को इक्वेट करूंगा मेरे को इसका जो करेक्ट सोल्यूशन मिल जाएगा बच्चों को मिल जाएगा फर्स्ट -6i -6j -8k। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं बच्चों फिजिक्स के, फ्रॉम द सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r एंड r कॉरस्पॉन्डिंग टू ए 90° सेक्टर इज रिमूव्ड, द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रिंग अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग एंड द परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द रिंग इज के टाइम्स MR स्क्वायर देन द वैल्यू ऑफ K इज। तो कुछ नहीं करना था, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था, हमारे पास में एक रिंग दे रखी थी उसमें से हमने 1/4 पार्ट 90° का पार्ट जो था वो कट कर दिया, 1/4 पार्ट कट कर दिया तो इसका मास 1/4 कट कर दिया, मास 1/4 कट किया तो ऑब्वियसली जो इसका जो बाकी का जो पार्ट हमारे पास बचा है, जैसे मास 3/4 हो गया वैसे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी कितना हो गया 3i/4, तो इसका जो हमारे पास में आंसर आ जाता है वो कितना आ जाता है 3/4 पार्ट ऑफ इनिशियल। तो ये हमारे पास इसके सॉल्यूशन थे, थैंक यू। बिल्कुल धन्यवाद सर। तो फिजिक्स का 1 से लेकर 50 तक का सॉल्यूशन आप तो करवाया गया, शिक्षा भी है यहाँ, सुरक्षा भी है यहाँ, संस्कार भी है यहाँ, केवल यही नहीं है अल्टीमेट यूनिक आइडियाज का जो कॉम्बिनेशन है उसी का नाम है साहब CLC। इसीलिए तो 2020 में जहाँ JEE की बात होती है तो JEE एडवांस में टॉप 2000 में 6 बच्चे देने वाला एकमात्र संस्था है CLC। 2019 के मेडिकल टॉप की बात आती है दोनों टॉप रैंक देने वाली आपकी CLC, 2020 की बात आती है दोनों टॉप रैंक फिर से देने वाली आपकी CLC, और इसी के साथ 2019-20 के कंबाइंड रिजल्ट की बात कर लूँ 1725 सिलेक्शन देने वाला एकमात्र नाम है सीकर शहर का CLC, ना केवल 26 साल पुराने हैं, अपडेटेड आइडियाज के साथ आज के दिन चल रहे हैं, और उसी का प्रमाण है आपके सामने एक
पूरी टीम के हुजूम के साथ ये सॉल्यूशन आपको करवाए गए हैं, जहां बायोलॉजी का सॉल्यूशन टोटल 32 फैकल्टी मेंबर ने मिलकर आप तक प्रोवाइड किया था, फिजिक्स का जो सॉल्यूशन है ये हमारे 10 मेंबर्स ने किया है। अभी हमारी 40% टीम के द्वारा ही फिजिक्स का सॉल्यूशन हुआ था, क्योंकि दो दो क्वेश्चन में अगर टीचर चेंज करते तो आप भी जानते हैं पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके, और इसी के साथ मैं आप स्वागत करना चाहूंगा टीम केमिस्ट्री का, और ये हमारे क्वेश्चन नंबर 51 से 100 लेके आ रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हनुमान सर, जी सर वेलकम। 51 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि बॉयल्स लॉ का कौन सा ग्राफ जो है वो करेक्ट है। पीवी कांस्टेंट रहेगा तो पीवी कांस्टेंट रहता है, तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ आएगा हाइपरबोला आएगा। तो हाइपरबोला ग्राफ ये दिख रहा है, आप यहाँ पे प्रेशर को कांस्टेंट रखोगे तो उस कंडीशन में वॉल्यूम इंक्रीज होने पर टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो थर्ड आंसर इसका करेक्ट है। 52 नंबर बोलते हैं, हाँ एसडी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है HF, HCl, HBr, HI, कौन सा अधिक होगा? HI, क्योंकि I का साइज बड़ा है, H प्लस आसानी से दे देगा, इसलिए आंसर इसमें ये भी करेक्ट है और ये भी करेक्ट है, दोनों करेक्ट। कौन सा है? स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, फोर्थ आंसर हो गया, बोथ आर करेक्ट। नेक्स्ट 53 में बोले ट्रिटियम जो है वो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है हाइड्रोजन का, वो कौन सा पार्टिकल रिलीज करना चाहिए? ये जो है वो बीटा पार्टिकल रिलीज करेगा, अगर ये बीटा पार्टिकल रिलीज करता है उस कंडीशन में बनाएगा 2He3+ बनाएगा, प्लस एक बीटा पार्टिकल रिलीज करना चाहिए, तो इसका आंसर चला जाएगा फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा 54 क्वेश्चन है, द मैक्सिमम टेम्परेचर दैट कैन बी अचीव्ड इन ब्लास्ट फ्यूरनेस। तो ब्लास्ट फ्यूरनेस में अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जाएंगे तो एनसीईआरटी में लिखा हुआ है 2173 केल्विन, तो उसके अकॉर्डिंग इसका आंसर जाएगा वो जाएगा फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, नोबल गैसेज आर नेम्ड बिकॉज ऑफ देयर इनर्टनेस टुवर्ड्स रिएक्टिविटी, आइडेंटिफाई एन इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट देम। इनर्ट गैस के अकाउंट उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन पूछा है, नोबल गैसेज है वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया, क्योंकि नोबल गैसेज का जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है, वेरी वीक वैन डर वाल्स फोर्स होता है। नोबल गैस है वेरी वीक डिस्पर्शन फोर्स, ये सही है। नोबल गैसेज हैव लार्ज पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी नहीं होती, तो ये भी सही है। नोबल गैसेज आर स्प्रिंगली सोल्यूबल इन वाटर, ये भी सही है। तो इसका जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा था वो फर्स्ट इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट Identify the compound that will react with Hinsberg reagent to give a solid which dissolve in alkali. तो 1 degree amine होगा, वो Hinsberg देगा और NaOH के साथ क्या हो जाएगा? Soluble, तो 1 degree amine कौन सा है? Second. Next question है, among the following alkaline earth metal halide, one which is covalent and soluble in organic solvent is. तो ऐसा halide beryllium chloride है, क्योंकि Be+2 का जो है वो polarizing power बहुत ज्यादा होता है, इसलिए ये हाइड्रेशन एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, इसलिए ये सोल्युबल होगा, तो इसका आंसर जो जाएगा वो जाएगा थर्ड। नेक्स्ट हाँ, एसीटोन के साथ रिएक्शन करनी है, तो ये है एसीटोन और इसकी रिएक्शन है C2H5MgBr, और क्या करना है? हाइड्रोसिस, तो सीधी बात कर लें, माइनस प्लस CH3COH CH3CH2CH3। अब इसका क्या पूछा है? IUPAC नेम, तो 1, 2, 3, 4 क्या हो जाएगा? 2-methyl-butane-2-ol, थर्ड इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, BF3 इज प्लेनर एंड इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कंपाउंड, हाइब्रिडेशन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द सेंट्रल एटम रेस्पेक्टिवली आर। तो BF3 की बात करें तो BF3 की स्ट्रक्चर ये वाली होगी, sp2 हाइब्रिडेशन हो जाएगा, दो इलेक्ट्रॉन इस बॉन्ड के और दो इस बॉन्ड के और दो इस बॉन्ड के, इसके अकॉर्डिंग sp2 हाइब्रिडेशन होगा, और इसके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो 6 होंगे, इसके अकॉर्डिंग आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट एंड वेपर फेज, तो वेपर फेज में बेरिलियम क्लोराइड जो होता है वो डाइमर होता है, किसमें? वेपर फेज में ये डाइमर होता है, जबकि अगर सॉलिड स्टेट में बात करें तो BeCl2 पॉलीमेरिक फॉर्म में या चेन फॉर्म में होता है, तो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन अगर हम जाएंगे तो आंसर जाएगा फोर्थ, क्योंकि हमें रेस्पेक्टिवली पूछा है, तो पहले सॉलिड में चेन एंड वेपर में डाइमर, तो आंसर इज फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 में, द आरबीसी डेफिशिएंसी इज डिजीज ऑफ,
अब इसमें आप देखो विटामिन बी सिक्स जो होता है उससे कन्वर्जन होता है, विटामिन बी वन से बेरी बेरी हो गया, विटामिन बी टू से आप जानते हो किलोसिस हो जाता है, जबकि विटामिन बी ट्वेल्व से क्या होता है परनीशियस एनीमिया। तो आंसर गोज टू फोर्थ। नेक्स्ट द करेक्ट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ द बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल इन द 14 टाइप ऑफ द ब्रेविस लेटिस। तो अपने पास जो क्यूबिक होती है, क्यूबिक में अपने पास क्या हो जाएगी ब्रेविस लेटिस होती है ये वाली, और किस में हो जाएगी टेट्रागोनल में हो जाएगी, और इसके अलावा अपने पास ऑर्थोरोम्बिक होती है, ऑर्थोरोम्बिक में ये वाली यूनिट सेल हो जाएगी। तो तीन टाइप की अपने पास क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगी जिसमें ये वाली बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल होगी। हमारे पास दे रखा है द मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl, HCl एंड CH3CONa एट इनफाइनाइट डाइल्यूशंस आर 126.45, 426.16 एंड 90.5। अगर हम इसके बारे में बात करते हैं CH3COH, इसकी कंडक्टेंस के हमें बारे में पूछा है, तो ये इस तरह से आयनाइज्ड होगा CH3CO- एंड H+। इसकी जो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे कंडक्टेंस होगी वो कंडक्टेंस होगी वो इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे CH3COH की, CH3CO- आयन और H+ आयन की इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे मोलर कंडक्टेंस के इक्वल होगी। अगर इनकी मोलर कंडक्टेंस हमें कैलकुलेट करनी हो तो अपने पास NaCl गिवन है, HCl गिवन है और CH3CONa गिवन है, HCl से H+ और CH3CONa से CO-। इन दोनों में से NaCl की अगर हम माइनस कर देंगे तो कंडक्टेंस इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे अपने पास आ जाएगी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे जो CH3COH है इसकी मोलर कंडक्टेंस माइनस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ NaCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन प्लस ऑफ मोलर कंडक्टेंस ऑफ HCl एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन एंड प्लस मोलर कंडक्टेंस ऑफ CH3CONa एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, इनके सम के इक्वल होगी। अगर इसको हम सम करते हैं तो अपने पास हो जाएगा माइनस 126.45 प्लस 426.17 प्लस 91। अगर इसका सम करते हैं तो अपने पास आंसर आ जाएगा 390.71। नेक्स्ट क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर इज प्रिपेयर्ड बाय एडिशन पॉलीमराइजेशन। तो नायलॉन 6-6 आप जानते हो कि ये किससे बनता है, हेक्सामेथाइलिन डाइमीन प्लस एडीपी एसिड बाय कंडेंसेशन प्रोसेस। नो लैक इट इज अ को पॉलीमर बाय फॉर्मल्डिहाइड एंड फिनॉल, सो अगेन इट इज कंडेंसेशन प्रोसेस। डैक्रॉन बाय हेक्सामेथाइलिन, डैक्रॉन इज बाय एथाइलिन ग्लाइकॉल प्लस टेरिप्थेलिक एसिड, अगेन इट अंडरगोज बाय कंडेंसेशन प्रोसेस टेफ्लॉन। इट इज द पॉलीमर, इट इज द मोनोमर ऑफ टेफ्लॉन इज टेट्राफ्लोरोएथिलीन, दैट इज CF2 डबल बॉन्ड CF2 एंड बाय एडिशन प्रोसेस इज इट फॉर्म अ पॉलीमर कॉल्ड टेफ्लॉन। सो आंसर गोज टू 4। नेक्स्ट द पीकेबी ऑफ द डाइमिथाइल एमाइन एंड पीके ऑफ द एसिटिक एसिड्स आर 3.27 एंड 4.77 रेस्पेक्टिवली। द करेक्ट ऑप्शन ऑफ द पीएच ऑफ द डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट। अगर डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट को हम चेक करें तो डाइमिथाइल अमोनियम एसीटेट ऐसा सोल्ट है जो वीक एसिड और वीक बेस का सोल्ट है। वीक एसिड और वीक बेस के सोल्ट के लिए पीएच जो कैलकुलेट करते हैं pH इज इक्वल टू 7 प्लस 1/2 ऑफ pKa माइनस pKb। अगर इससे हम कैलकुलेट करते हैं तो 7 प्लस 1/2 pKa अपने पास जो गिवन है वो 4.77 गिवन है, 4.77 माइनस pKb जो अपने पास गिवन है 3.27 गिवन है। अगर इसे हम सोल्व करते हैं तो अपने पास pH का जो ऑप्शन हो जाएगा वो 7.75 ऑप्शन हो जाएगा। ओके तो करेक्ट अपने पास होगा 7.75, टू ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा द पर्टिकुलर स्टेट ऑफ द ऑल इंडिया रेडियो न्यू दिल्ली ब्रॉडकास्ट ऑन ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1368 किलोहर्ट्ज। द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इमिटेड बाय द ट्रांसमीटर इज
तो वेवलेंथ अगर हमें कैलकुलेट करनी है तो लैम्डा इज इक्वल टू हम कैलकुलेट कर सकते हैं सी बाई न्यू। तो लैम्डा को अगर कैलकुलेट करना है तो सी हो गया 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, एंड हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी गिवन है 1368 × 10³ किलो हर्ट्ज गिवन है। तो यहाँ से हम लैम्डा कैलकुलेट करते हैं तो अपने पास 219.2 मीटर आएगी, आंसर हो जाएगा अपने पास फर्स्ट वाला। राइट ऑप्शन फॉर द नंबर ऑफ द टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन हेक्सागोनल प्रिमिटिव सेल। हेक्सागोनल जो HCP होती है, नंबर ऑफ एटम 6 होते हैं, तो टेट्राहेड्रल वॉइड अपने पास 12 होगी एंड ऑक्टाहेड्रल वॉइड 6 होगी। हाँ तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द फॉलोइंग सॉल्यूशंस वर प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग 10 ग्राम ग्लूकोज इन 250 ml ऑफ वाटर, P1 प्रेशर दे रखा है, 10 ग्राम ऑफ यूरिया इन 250 ml ऑफ वाटर, प्रेशर P2 दे रखा है, एंड 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज इन 250 ml ऑफ वाटर, P3 दे रखा है। द राइट ऑप्शन फॉर द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ दीज सॉल्यूशंस इज। बच्चों इस क्वेश्चन को आपको पाई इज इक्वल टू CR2 से सॉल्व करना है क्योंकि वेंटो फैक्टर तो सबका 1 है, तो पाई इक्वल टू द CR2 से आप यहां पर सबसे ज्यादा जो प्रेशर मिलेगा ये तो आपको P2 के लिए मिलेगा, देन P1 का, देन P3 का, फोर्थ आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। मैच द कॉलम है, PCL5 में शेप देखनी है अपने को। PCL5 में कौन सी शेप होगी अपने पास? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं SF6 में, SF6 में कौन सी आ जाएगी? ऑक्टाहेड्रल आ जाएगी। BRF5 में देखते हैं स्क्वायर पिरामिडल आ जाएगी। BF3 में देखते हैं ट्राइगोनल प्लेनर आ जाएगी। तो अपना आंसर आ जाएगा, इसमें मिलान करेंगे फोर्थ आंसर आ जाएगा, मिलान करेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। हाँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, इथाइलिन डाइएमीन टेट्राएसिटेट EDTA हेक्साडेंटेट लिगेंड है, जहाँ पर 4 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन डोनर होते हैं और 2 एटम्स ऑफ नाइट्रोजन डोनर होते हैं, आंसर फोर्थ आ जाएगा बेटा। हाँ बच्चों क्वेश्चन जो है वो सरफेस केमिस्ट्री का आपको बोल रहा है। द राइट ऑप्शन फॉर द स्टेटमेंट टिंडाल इफेक्ट इज एग्जिबिट बाय, तो टिंडाल इफेक्ट जो है वो कोलाइडल सॉल्यूशन के लिए होता है और इनमें से कोलाइडल सॉल्यूशन जो है वो केवल और केवल किसका है? स्टार्च का। तो ऑप्शन है स्टार्च। हाँ जी बेटा, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्मड इन डिहाइड्रोहैलोजिनेशन रिएक्शन ऑफ 2-bromopentane। 2-bromopentane कहें तो ये मॉलिक्यूल है इज पेंटुइन, इसे प्रोडक्ट जो फॉर्म कर रहा है वो पेंटुइन कर रहा है। अब यहाँ अपने पास ऑप्शन है ये एच का और ये एच का, ये एच और ये BR रिमूव करेंगे तो हाफमान प्रोडक्ट होगा, ये एच और ये BR रिमूव करेंगे तो स्टेबल एल्किन फॉर्म होगी, और स्टेबल कहें तो कौन सा? SHF प्रोडक्ट। नेक्स्ट कहें अपन इसमें तो डाईहेड्रल एंगल ऑफ लीएस टेबल, तो यहाँ उसने लीएस टेबल की बात की है एथेन कन्फर्मर के लिए, तो अपन जानते हैं लीएस टेबल में क्या रहेगा, एथेन मॉलिक्यूल है यहाँ पे मिनिमम स्टेबल, ये लीएस टेबल अपन कहें तो इसमें डाईहेड्रल एंगल क्या रहना चाहिए? 0 degree। रीजन यहाँ अपन कहेंगे तो एच एच एच, और यहाँ जो बैक कार्बन का जो आएगा वो भी इसके साथ रहेगा एच एच एच, तो इनके बीच बॉन्ड बॉन्ड की जो डिस्टेंस है वो मिनिमम रहेगी, मिनिमम रहेगी, तो यहाँ एंगल जो रहेगा वो क्या रहेगा? 0 degree। नेक्स्ट कहें मेजर प्रोडक्ट बताना है आपको केमिकल रिएक्शन में, तो यहाँ HBr के साथ परोक्साइड दिया है, तो HBr परोक्साइड मीन्स खराश इफेक्ट दिया है, तो यहाँ अटैकिंग स्पीसी जो होगी BR फ्री रेडिकल, और BR फ्री रेडिकल की एंट्री अपन यहाँ इस बॉन्ड को होमोलाइज कराए, तो इस BR को अगर अपन एंटर कराते हैं यहाँ पे तो इंटरमीडिएट जो फॉर्म होगा वो ये वाला, ये इंटरमीडिएट अपन देखते हैं तो 1α H यहाँ, 2α H यहाँ, 3α H है, और अगर अपन अपोजिट कराते हैं तो अपोजिट कराने पे BR यहाँ जाएगा, तो इस केस में α H क्या रहेगा इसके पास? 1। तो बेटर कौन सा होगा? ये वाला। तो इसके अकॉर्डिंग अगर अपन प्रोडक्ट देखें तो इन सब में से जो प्रोडक्ट आएगा ये 4 वाला। नेक्स्ट देखें बेटा, इसमें एक इजी क्वेश्चन था अपने पास नीमिंग का। नीमिंग में आप सबसे पहले देख लीजिए डेक 4-ईन, रिमेनिंग मिथाइल की कंडीशन है बट 4-ईन अगर अपन मार्क करें यहाँ तो यहाँ मेन चैन अपनी ये रहेगी, तो यहाँ से चलते हैं तो ये 3 पे आता है, ये रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखें तो 1, 2, 3, 4, 5, या यहाँ से जाते हैं तो भी 5, ये भी रॉन्ग है। इसमें जाते हैं तो 1, 2, 3,
ये ऑप्शन हो सकता है, और यहाँ देखते हैं तो 1, 2, 3, 4, तो ये भी नहीं होगा, तो प्रॉपर आंसर क्या रहेगा इसका? हाँ, फोर इन है बेटा, तो 1, 2, 3, 4, तो ये रहेगा बेटा, ये नहीं, ये रहेगा इसका फोर्थ आंसर। हाँ जी बेटा, टू स्टेटमेंट यहाँ दिए हुए हैं, राइट स्टेटमेंट अपन को बताना है। तो एस्प्रिन एंड पैरासीटामोल के लिए कहा गया है नार्कोटिक एनाल्जेसिक, तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है बेटा, नॉन नार्कोटिक होगा। और यहाँ मॉर्फिन और हीरोइन के लिए नॉन नार्कोटिक यूज किया है, एक्चुअल में नार्कोटिक होता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, सेकेंड भी रॉन्ग है, तो यहाँ आंसर अपन देंगे बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड आर फॉल्स, तो यहाँ फर्स्ट आंसर आएगा बेटा। Which one of the following method can be used to obtain high purity metal which is liquid at room temperature? आप वो ये वाला problem थोड़ा सा, यहाँ पे दो चीजें, तो यहाँ पे highly pure metal लिखा हुआ मिला है और साथ ही साथ liquid at room temperature मिला है। अगर liquid at room temperature की बात करें तो इसके हिसाब से आंसर आपका क्या आना चाहिए, विश्लेषण आना चाहिए, ठीक है ना। और दूसरी बात, यहाँ पे high purity metal भी लिखा हुआ है और according to NCERT के highly pure metal जो है इसके लिए zone refining use करते हैं, ठीक है ना। तो आंसर सेकंड भी हो सकता है, आंसर थर्ड भी हो सकता है, ठीक है ना। आपका लक है कि एनटीए कौन सा आंसर देते, ठीक है। हाँ जी बेटा, यहाँ पे अपन को मेटामेरिज्म के बारे में पूछा है। मेटामेरिज्म में अपन कहें तो बाइवेलेंट ग्रुप इन सब में अवेलेबल है, यहाँ नहीं है। लेकिन मेटामेरिज्म के लिए बोथ साइड में कार्बन चेन का साइज या नेचर चेंज होना चाहिए, तो इस अकॉर्डिंग अपन देखते हैं। 3 कार्बन कंटेनिंग अगर अपन ईथर ले लें तो साइड में अपन चेन का साइज चेंज नहीं कर पाएंगे, और अगर कीटोन भी 3 कार्बन कंटेनिंग ले लें तो पॉसिबल नहीं है बोथ साइड में अपन कार्बन चेन का साइज या नेचर चेंज करें। बट 4 कार्बन कंटेनिंग है तो वहाँ अपने पास पॉसिबिलिटी ये भी रहेगी, पॉसिबिलिटी अपने पास ये भी रहेगी, और एक पॉसिबिलिटी अपने पास ये भी रहेगी। तो ये मेटामर के केसेस में बनेंगे, तो इसलिए आंसर जो रहेगा वो कौन सा रहेगा, थर्ड। हाँ तो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अमंग द फॉलोइंग इज, फर्स्ट स्टेटमेंट है मोस्ट ऑफ द ट्राइवेलेंट लेंथेनोइड आयंस आर कलरलेस इन द सॉलिड स्टेट। बच्चों कलरलेस के बजाय कलरफुल होना चाहिए था, फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट यहां पर, तो फर्स्ट ही आंसर हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर 82 में विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग इज करेक्ट ऑप्शन फॉर राइट रिलेशनशिप बिटवीन सीपी एंड सीबी फॉर 1 मोल ऑफ आइडियल गैस। बच्चों मेयर फॉर्मूला की बात कर रहा है, तो सीपी माइनस सीबी इक्वल टू आर, ये आपको यहां पर ऑप्शन चेक करना है, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट फॉर मेयर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ सी एक्स बॉन्ड इज, और ये भी केमिकल बॉन्डिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो बच्चों यहां बात करें अपन कार्बन सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन की, तो ये डेल्टा ईएन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा कार्बन और फ्लोरीन के बिटवीन होगा, इसलिए आपको सबसे बेस्ट आंसर फर्स्ट दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 84th, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन 78% बाई वेट कार्बन एंड रिमेनिंग परसेंटेज ऑफ हाइड्रोजन, द राइट ऑप्शन फॉर द एम्पेरिकल फॉर्मुला ऑफ दिस कंपाउंड इज। ठीक है बेटा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बन की परसेंटेज आपको 78 दे रखी है, हाइड्रोजन की परसेंटेज रिमेनिंग हो जाएगी, तो यहां देख सकते हैं 22% आएगा। अब एटॉमिक मास से डिवाइड करोगे इसको 12 से और इसको 1 से, यहां से 6.5 और यहां से 22, वापस लिस्ट नंबर से डिवाइड करोगे तो ये 6.5 और ये अप्रोक्सीमेटली, इसको भी 6.5 से डिवाइड करोगे तो 3 समथिंग आएगा, ये 1 हो जाएगा, तो यहां से एम्पेरिकल फॉर्मूला CH3 ऑप्टेन होगा। ठीक है डियर, तो आंसर बिकम्स सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ बेटा, केमिकल काइनेटिक्स का क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है देखो,
फॉर ए रिएक्शन ए टू बी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इज -4.2 किलोजूल पर मोल, यानी कि डेल्टा एच कैसा है, नेगेटिव है। और अगर बच्चों डेल्टा एच नेगेटिव है तो आप फॉर्मूला जानते हैं, डेल्टा एच इक्वल टू ई ए फॉरवर्ड माइनस ई ए बैकवर्ड। यहां से अगर चेक किया जाए एक्टिवेशन एनर्जी, अगर बैकवर्ड रिएक्शन की ज्यादा होगी ऐसे केस में डेल्टा एच का साइन आपको नेगेटिव मिलेगा, यानी कि प्रोडक्ट की जो अमाउंट है वो आपको ज्यादा नीचे मिलनी चाहिए, ऐसा फोर्थ ऑप्शन में दिख रहा है। इसलिए आंसर आपको बच्चों ऐसे फोर्थ देना पड़ेगा जहां पर डेल्टा एच नेगेटिव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.007 mm एसिटिक एसिड, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इज 20 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, व्हाट इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट, के पूछा हुआ है वीक एसिड एसिटिक एसिड के लिए। बच्चों आपको इनफाइनाइट डाइल्यूशन पर कंडक्टेंस दिया हुआ है एसिटिक एसिड के लिए, तो इनिशियली क्या करोगे, आपको यहां पर पाई एम इनफाइनाइट कैलकुलेट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप 350 प्लस 50 यहां से 400 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, ये तो मिलेगा पाई एम इनफाइनाइटी। तो यहां से अल्फा अगर निकाला जाए, अल्फा होगा पाई एम अपॉन पाई एम इनफाइनाइट, देन पाई एम कितना बेटा, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी 20, और पाई एम इनफाइनाइट कितना बेटा 400, यहां से बच्चों अल्फा मिलेगा 0.05, ये अल्फा आ जाएगा। अल्फा आते ही बच्चों आप फॉर्मूला लगा दोगे, के इक्वल टू दी अल्फा स्क्वायर सी, देन अल्फा आपने कैलकुलेट कर लिया है 5 × 10⁻², सी आपको दे रखी है क्वेश्चन में बेटा 0.007, जिसको लिख सकते हैं 7 × 10⁻³, और यहां से इसे कैलकुलेट करेंगे तो आंसर सेकंड हो जाएगा 1.75 × 10⁻¹। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही हाँ तो दोस्तों बहुत ही प्यारा सा सवाल है ये अल्कोहल फिनोल ईथर का, क्या है कि सोडियम बोरोहाइड्राइड दे रखा है, ये एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, ओनली ऑन कार्बोनिल कंपाउंड को अल्कोहल में कन्वर्ट कर देगा। तो देख लो अपने एस्टर को रिड्यूस नहीं करता, कौन सा आंसर हो जाएगा थर्ड आंसर। हाँ बेटा मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकेंड, तो फर्स्ट रिएक्शन को देखा जाए तो SO2 प्लस O2 SO3 का फॉर्मेशन कर रहा है, और ऐसा ट्रोफोस्फेयर में मिलता है बेटा, पॉल्यूटेंट होता है। और सेकेंड ऑप्शन अगर देखा जाए तो यहां पर क्लोरीन फ्री रेडिकल ये ओजोन डिप्लीशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, तो ऐसा थर्ड में मैच होगा। और अगर बात करें थर्ड रिएक्शन की, जहां पर कैल्शियम कार्बोनेट जो कि ताजमहल जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर है, इस पर एसिड अटैक करेगा तो एसिड रेन से बिलोंग करेगा। और बात करें लास्ट ऑप्शन जहां पर NO2 से NO बन रहा है, ये परोक्सी एसिटिल नाइट्रेट का फॉर्मेशन कर लेता है जो कि स्मोक के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। और इन सबको अगर मैच करेंगे आप तो आपको यहां से बेस्ट सेकेंड आंसर दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ही प्यारा सा सवाल है कार्बोनिल कंपाउंड का, क्या दे रखा है अपने को, ये दे रखा है CO, यानी कि गाटरमैन कोच रिएक्शन, याद रख सकते हैं अपन CO का मतलब कोच रिएक्शन, तो कौन सी रिएक्शन होगी गाटरमैन कोच रिएक्शन जिसमें एल्डिहाइड मिलता है, यानी कि बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, मिथाइल कीटोन जिसके पास होता है यानी कि CH3CO ग्रुप वो हेलोफॉर्म रिएक्शन शो करता है, तो क्या बना देगा हेलोफॉर्म रिएक्शन। उसके बाद में अगर ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन करवाएंगे तो एस्टरीफिकेशन कहलाएगा, क्या हो जाएगा एस्टरीफिकेशन, और रेड फास्फोरस प्लस आयोडीन की रिएक्शन यानी कि H2 की रिएक्शन करवाएंगे तो कौन सी रिएक्शन हो जाएगी, बहुत ही प्यारी सी रिएक्शन है हेल वोलहार्ड जिलेंस की रिएक्शन। अब अपने इनको मैच करेंगे तो कौन सा आंसर आ जाएगा अपने थर्ड आंसर। लास्ट क्वेश्चन बच्चों आपके सामने है, देखते हैं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट द गिवन सिक्वेंस इज नॉट स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड अगेंस्ट इट। ठीक है, तो H2O से H2S, देन H2SE, देन H2TE, यहां पर एसिडिक स्ट्रेंथ बच्चों लगातार इंक्रीज करेगा क्योंकि बॉन्ड लेंथ का मैग्नीट्यूड बढ़ेगा, और बॉन्ड लेंथ बनेगा तो H+ आयन देने की जो पावर है वो बढ़ती जाएगी। ऐसे केस में Ka बढ़ेगा और PaKa जो है वो डिक्रीज होना चाहिए था, बट यहां क्या कह रहा है इंक्रीज, इसका मतलब यही इनकरेक्ट होगा, इसलिए यहां पर आपको आंसर फर्स्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है डियर, नाइट्रस एसिड है, सबसे पहले डायजोनियम सोल्ट बनाएगा जो बना रखा है, उसके बाद डायजोनियम सोल्ट का रिडक्शन करवाया, मतलब यहाँ पे H सप्लाई की है तो यहाँ हम रिड्यूसिंग एजेंट लेंगे, और यहाँ एथेनॉल जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का काम करेगा, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट। 92 नंबर क्वेश्चन है, फॉर इरिवर्सिबल एक्सपांशन और आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन द करेक्ट ऑप्शन, देखो आइसोथर्मल कंडीशन है इट मींस टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है, तो डेल्टा टी क्या हो जाएगा जीरो, और डेल्टा टी जीरो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगी जीरो, और इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो
एंट्रोपी में जो चेंज है वो जीरो के इक्वल नहीं होगा, तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट 93 द करेक्ट ऑप्शन फॉर द वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन एट 45 डिग्री सेल्सियस विद बेंजीन टू ऑक्टेन इन मोलर रेशियो 3:2। एट 45 डिग्री सेल्सियस वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन 280 mm of Hg एंड दैट ऑफ ऑक्टेन इज 420 mm of Hg। अज्यूम द आइडियल गैस P टोटल इक्वल टू क्या होगा, P नोड A एक्स ए प्लस पी नोड बी एक्स बी। तो देखो पी नोड ए आपको दे रखा है बेंजीन का वेपर प्रेशर, वो कितना दे रखा है 280, तो 280 इंटू एक्स ए मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, तो वो कितना हो जाएगा 3/5 प्लस पी नोड बी, यानी कि वेपर प्रेशर दे रखा आपको ऑक्टेन का 420/2/5, तो ये कितना आ जाएगा 336 mm of Hg, यानी सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ आरनेस एलन के वर्सेज 120 ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज -5×10^3। द वैल्यू ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द रिएक्शन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो एलन के और 1/T के बीच में अपन अगर ग्राफ प्लॉट करें तो इसका जो स्लोप आएगा वो क्या आएगा, माइनस का ई ए अपॉन आर, और जो स्लोप आपको क्वेश्चन में दे रखा है -5×10^3। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, तो ई ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5×10^3 × r की वैल्यू 8.314, और इसको किलो जूल में अपन अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 41.5, यानी फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखिए बच्चों इसमें आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज पूछी है जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, सेम होंगे। तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक के अंदर अपन देखें जैसे सोडियम मैग्नीशियम आइसोइलेक्ट्रॉनिक है, और यहां पर अपने को पूछा नहीं है तो अपन नहीं चेक करना, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया, और इसमें यहां चेक करेंगे तो ये भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो गया। इधर Fe+2 और Mn+2 देखेंगे तो यहां पर आपके पास 24 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, इधर 23 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है, थर्ड इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द टोटल प्रेशर इन ए मिक्सर ऑफ 4 ग्राम O2 एंड 2 ग्राम H2 कन्फाइंड इन द टोटल वॉल्यूम ऑफ 1 लीटर एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है 0 डिग्री सेल्सियस, इट मींस 273 केल्विन, और R की वैल्यू आपको कितनी दे रखी है 0.0821 लीटर एटीएम वॉल इन टू केल्विन। तो अपन इसमें लगा देंगे पी वी इक्वल टू एन आर टी, तो पी इक्वल टू क्या है एन टोटल आर अपॉन वी, और जो टोटल आपके पास मोल आएंगे वो क्या आ जाएंगे, ऑक्सीजन के मोल और हाइड्रोजन के मोल, वो आ जाएंगे 1.125। जब इसको कैलकुलेट करोगे आर की वैल्यू 0.0821 इंटू टेम्परेचर आपको दे रखा है 273 केल्विन अपॉन वॉल्यूम आपको कितना दे रखा है 1 लीटर, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा वो कितना आ जाएगा 25.18। इसको जब सॉल्व करोगे इट मीन्स सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको एक रिएक्टेंट दिया हुआ है NaOH और डी कार्बोक्सिलेशन हुआ है, मतलब यहां पे CO2 बाहर होगी, तो यहां तो ये जो क्वेश्चन है इसमें आपसे पूछा है कि NaOH और यहां मिसिंग रिएजेंट पूछा है कि मिसिंग रिएजेंट क्या आएगा, तो कंसीडर अबाउ रिएक्शन एंड आइडेंटिफाइड द मिसिंग रिएजेंट एंड केमिकल। तो ये रिएक्शन हमें समझ में आ रही है कि CO2 यहां पे बाहर हुई है, तो हमें लाइम यूज में लेना पड़ेगा, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन का नाम है, तो इसके बेस पे आंसर जाएगा वो जाएगा सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन द इंटरमीडिएट कंपाउंड अक्स इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, रिएक्शन वेल नोन रिएक्शन है, रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन, एनसीईआरटी की रिएक्शन है, बेंजल्डिहाइड बनाने का मेथड है, तो इसमें जो इंटरमीडिएट बनता है वो ये क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जो जाएगा वो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट विच ऑफ फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज नॉन पोलर इन नेचर, नॉन पोलर जो मॉलिक्यूल होता है ना इसमें बच्चों हम क्या निकालते हैं, रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट निकालते हैं, जिसका डाइपोल मोमेंट जीरो होगा वो हमारा क्या होगा, नॉन पोलर होगा, ये तो होगा नॉन पोलर, और जिसका म्यू नॉट इक्वल जीरो होता है वो क्या होता है हमारा, पोलर होता है। तो इसमें अपन हाइब्रिडाइजेशन देखें ना SpCl5 का, तो
तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन आता है तो ज्योमेट्री क्या आएगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल आएगी और रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट क्या आ जाएगा इसका, जीरो आ जाएगा। सेकंड आंसर इज करेक्ट। ओके बच्चों, थैंक यू, जय CLC। तो शानदार एक वीडियो सॉल्यूशन आपके सामने आया, 200 क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन। हमने आपसे सब टाइम मांगा था 2 घंटे का, एक आधे घंटे का लैब जो है वो जरूर एडवांस रहा है, क्योंकि स्टार्टिंग में बायोलॉजी के जो 50 क्वेश्चन थे उनमें PPT बनने में स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम लगा था। उसके बाद बिना टाइम कंजप्शन के आप तक पूरा वीडियो सॉल्यूशन जो है 200 क्वेश्चन का, और वो भी एक बेहतरीन टीम के द्वारा, उत्तरी भारत का आज के दिन सबसे बढ़ता और सबसे श्रेष्ठ संस्था और उसकी एक बेहतरीन टीम के द्वारा वीडियो सॉल्यूशन आपको दिया गया। मैं सैलसल को इन्वाइट करना चाहूँगा, जिसका मुझे था इंतजार, लो घड़ी आ गई, आ गई, आज घड़ी आ गई है। 2019 में भी मिस कर रहे थे 25 नंबर को, 20 में भी मिस कर रहे थे 25 नंबर को, और कल एक धमाका होने वाला है और बॉस तनोट से चल पड़े हैं, मॉर्निंग में पहुंच जाएंगे। एक गैस रिजल्ट आप लोगों के सामने आने वाला है CLCN का, जो पिछले 5 साल से लगातार सीकर शहर को टॉप करते आ रहे हैं। जी सर, कल आपको बताई जाएगी नीट की गैस कट ऑफ, और अभी भी किसी ने नहीं, में से बहुत लोगों ने पूछा है कट ऑफ क्या जाएगी, तो कट ऑफ बताने का काम एक ही आदमी का है, बस एक ही है। और आप लोगों ने इज्जत रख ली आज YouTube पे से अपने कॉन्स्टेंट 600 लाइव ऑन YouTube चैनल, YouTube पे बड़ी बात, मतलब एक नेशनल लेवल पे कुछ लोग कम्पीट करते हुए 600 लोग देख रहे थे, बहुत बड़ी बात। और CLC नॉर्थ इंडिया का पहला इंस्टीट्यूट जो यूट्यूब पे पूरा सोल्यूशन आपको दिखाया, आपको बाईलैंग्वेज में दिखाया, हिंदी में भी दिखाया, इंग्लिश में भी दिखाया। ये जो आपको ये PPT बनी हुई है आपके सामने, पूरी सील टीम ने इतने सब बना के, समोसे खा के सब लोगों ने इतनी अच्छी PPT बनाई है, आप सबको देख रहे हैं, आप होप कि आपको अच्छा लगा होगा। CLC परिवार के ऊपर अपना सॉल्यूशन है, आपके क्वेश्चन है कि बहुत सारे कोड हैं इंडिया में, पूरे इंडिया में एग्जाम हुआ है, मेरे कोड में शायद 30 से 35 कोड हैं, सब कोड की आंसर की देना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, तो हम लोगों ने क्वेश्चंस के साथ में आंसर लगाया है, वो आप उसके अकॉर्डिंग अपने मार्क्स जोड़ लें। मार्क्स जोड़ने के बाद में व्हाट्सएप पे आपको एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उस फॉर्मेट बना के आप बॉस के नंबर पे अपने नंबर जरूर सेंड करें, और ये बात जरूर याद रखें इस बार कट ऑफ पिछली बार से कम जाएगी, कम जाएगी। और मैं फिर से एक बार आपके द्वारा ही बतवाना चाहूँगा कि है ना, वो चैनल कौन सा रहेगा जहाँ पर ये पेपर अवेलेबल हो जाएगा बच्चों को? तो पेपर अपना CLCPrivar.in जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पर मिल जाएगा आपको, और बाकी CLC जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप है ना सबके ऊपर आपको ये अवेलेबल है। बिल्कुल, और किसी नौनिहाल के अगर भैया कम भी नंबर जुड़ रहे हैं ना, तो याद करना बॉस की एक ही बात, नीट ही सब कुछ नहीं है जिंदगी में, बहुत सारे रास्ते हैं आगे भी, और हमने तो मेहनत कर करके दरिया को पार करते हुए देखा है। एक ही बात कहूँगा उन नौनिहाल के लिए, और वो बात जो है वो आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी लाएगी, आपको वापस खड़ा करने के लिए भी उत्तरदायी होगी। आंख तेरी गम से भला क्यों नम होती है, आंख तेरी गम से भला क्यों नम होती है, पल में हवाएं पूरब से पश्चिम होती हैं, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तुझ में भी वो बात है, तेरी भी औकात है, तू भी बन सकता है सिकंदर। तो इजाजत चाहेंगे आपसे, काफी एंजॉय आपके द्वारा इसको नो डाउट किया गया होगा, और हमें भी एक तसल्ली इस चीज़ के लिए मिली है कि 600 व्यूअर लगातार इस प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहे। और एट दी लास्ट में थैंक्स देना चाहूँगा हमारी कंप्यूटर टीम को भी, जिसने लगातार 4 घंटे बैठकर आपको ये सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाया है। तो इजाज़त चाहेंगे, जय जय CLC, जय जय CLC।